हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम हाईवे इंजीनियरिंग की स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमारा जीवन वेज चल रहा है और जीवन वेज का हमने हाईवे का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग के चार चैप्टर्स को 2-2.5 घंटे में पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया था। बाकी के जो लास्ट के 6 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, उन्हें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आप सबको पता है आज आपका एग्ज़ाम है 2 बजे से, तो हम स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्लो चलेंगे तो फिर 6 चैप्टर कवर कराना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 2.5 घंटे के लेक्चर में हम पूरे 6 के 6 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और ये 6 चैप्टर्स बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग भी है। आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं उन्हें हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो याद रहते हैं अक्सर, लेकिन लास्ट के चैप्टर्स बच्चे बहुत कम पढ़ पाते हैं और एग्ज़ाम में हमें लास्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो हम उस चीज़ को एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहते हैं पूरे लेक्चर में, तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपका कम से कम 30 से 35 नंबर का पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक लेक्चर आपका कल हो गया था, एक हम आज करने वाले हैं। तो इसमें हमने स्टार्टिंग का पहला चैप्टर ये वाला कवर कर लिया था। इसमें मैंने आपको 5 टॉपिक इम्पोर्टेंट बताए थे। एक तो हाईवे इंजीनियरिंग का महत्व क्या होता है, फिर हमने फंक्शन आपको बताए थे, फंक्शन इंडियन रोड कांग्रेस के क्या फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपका ये बताया था आपको CRRI के फंक्शन और MORT&H के फंक्शन और NHAI के फंक्शन। इसके बाद रोड का क्लासिफिकेशन देखा था, रोड के क्लासिफिकेशन 5 प्रकार के रोड पड़े थे, ये करा दिया था आपको। मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी करा दिया था आपको और भाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे भी पढ़ा दिया था। ये 5 टॉपिक थे पहले चैप्टर में, इनको रिवाइज कर लिया होगा आपने, इम्पोर्टेंट था। फिर रोड ज्योमेट्री, भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोड ज्योमेट्री, ज़्यादा स्कोरिंग रहता है ये आपका, लगभग 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है। इसमें भी मैंने आपको रोड ज्योमेट्री से रिलेटिव सभी इम्पोर्टेंट टर्म कराए थे, राइट ऑफ वे पढ़ा दिया था, फॉर्मेशन विथ, ये सारा कुछ पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने तीसरा चैप्टर हाईवे अलाइनमेंट भी कम्प्लीट कर लिया था। हाईवे अलाइनमेंट के बाद हमने चौथा चैप्टर रोड मटेरियल भी पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम रहेगा सड़क पेवमेंट प्रकार तथा निर्माण। भाई रोड पेवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर बच्चों इस चैप्टर की हम बात करें, इस चैप्टर की बात करें, पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा नंबर में पूछे जाने वाला ये चैप्टर है रोड पेवमेंट, सबसे ज़्यादा नंबर में आता है अकेला, लगभग 20% इसका वेटेज रहता है। तो बहुत ध्यान से आप सबको सुनना है और समझते चलना है। ठीक है बच्चे, HNP की क्लास, कल आपका कम्युनिकेशन का एग्जाम है, उसे दीजिए आराम से। सिर्फ लास्ट के 2 चैप्टर बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे, आराम से कवर हो जाएंगे, परेशान मत होइए। अपनी पेपर की तैयारी करें, जो आपका कल पेपर है। रोड पेवमेंट की बात करने वाले बच्चों, रोड पेवमेंट में पहले ये सुन लें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, रोड पेवमेंट में एक तो आपसे रोड पेवमेंट के बारे में पूछेगा। 2 तरह के पेवमेंट हमें पढ़ने हैं बच्चों, एक फ्लेक्सिबल पढ़ना है और दूसरा रिजिड पेवमेंट, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है और आपका रिजिड वाला पेवमेंट क्या होता है, इसके गुण और दोष क्या है, सब बात करेंगे। इसके बाद भाई हम इसमें रोड का जो क्रॉस सेक्शन है ना, उसको देखेंगे, रोड का क्रॉस सेक्शन और जितने भी आपके इस रोड में पेवमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं उनके फंक्शन देखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। 3-4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक आएगा आपका सबग्रेड। भाई सबग्रेड प्रिपरेशन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आप सबग्रेड प्रिपरेशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे, जैसे वॉरोपिट हो गया आपका, इम्बेंकमेंट हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड तो पढ़ेंगे ही, मेथड्स पढ़ेंगे हम, कैम्बर को चेक करने के, ग्रेडियंट अलाइनमेंट, छोटे छोटे पॉइंट है। मेन हेडिंग आपकी रहेगी सबग्रेड तैयार करना, पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद भाई स्टेबलाइजेशन ऑफ सबग्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सबग्रेड के बारे में पूछा जाता है, स्थिरीकरण। ठीक, इसके बाद बेस कोर्स से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बेस कोर्स के बारे में। भाई बेस कोर्स में आप 2 तरह के बेस कोर्स पढ़ेंगे, ग्रेनुलर बेस कोर्स, जिसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है वाटर वंड मैकाडम रोड्स के बारे में और वेड मिक्स मैकाडम रोड। मैकाडम रोड इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, इनमें से कोई सा एक पूछेगा। विटामिन कोर्स में भी आपसे विटामिन मैकाडम रोड पूछ सकता है या फिर डेंस बिटवीन मैकाडम रोड पूछ सकता है। ठीक है,
इसके बाद ये जो पांचवा टॉपिक है ये आपको पढ़ना नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ सरफेसिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला आपका सिर्फ फील्ड नॉलेज के लिए होता है। आगे बात करें भाई, रिजिड पेवमेंट आपसे पूछा जाएगा। रिजिड पेवमेंट इसमें आप कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। इसमें और क्या पढ़ना है भाई आपको, इसमें एक आप रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट भी देख लेंगे। तो ये कुछ मैंने जो जिनको बॉक्स में बंद किया, ये टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले हम फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम जो रोड के कंपोनेंट है इसके कार्य देख लेंगे, कौन से कंपोनेंट का क्या कार्य होता है। देन आफ्टर सब ग्रेड को तैयार करना सीख लेंगे, कैसे तैयार किया जाता है। फिर सब ग्रेड स्टेबलाइजेशन पढ़ लेंगे, फिर बेस कोर्स के बारे में पढ़ लेंगे, यानी दो तरह के मैकाडम वाले और ये मतलब वाटर बाउंड वाले और बिटवीन वाले, इनको पढ़ के ख़त्म। फिर बस कंक्रीट वाला रोड आ जाएगा रिजिड पेमेंट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, मैं बिल्कुल फास्ट पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सब बच्चे लाइक कर देंगे एक बार सेशन को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए बच्चों। केवल ढाई घंटे में सारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। स्पीड क्या रखनी है मुझे पता है, कैसे समझाना चीज़ों को और कैसे आपको आसानी से याद होगा। ऐसा भी नहीं करना है कि लाइन बाई लाइन पढ़ते चल रहे हैं और आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा। हालांकि रिवीजन है, तेज चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चलेंगे कि आपको साथ में चीज़ें आसानी से याद होती रहे। बात कर रहे हैं यहाँ पर भाई रोड पेमेंट के बारे में। तो रोड पेमेंट जानते हैं, सबको पता है कि सड़क का वो बीच वाला ऊपरी पक्का हिस्सा जिस पर वाहन चलते हैं वो पेमेंट कहलाता है। सबको पता है ना, सड़क पर गाड़ी जिस पोर्शन पर चलती है, सड़क के मध्य का काला वाला जो पक्का भाग होता है जिस पर वाहन चलते हैं, उसे रोड पेमेंट कहा जाता है। रोड पेमेंट दो तरह के होते हैं बच्चों, एक फ्लेक्सिबल होता है, दूसरा रिजिड। फ्लेक्सिबल जानते हैं ना, नम है, ठीक है, और रिजिड मतलब जो दृढ़ हो। कंक्रीट वाले रिजिड होते हैं, बिटुमिन वाले फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट। पूछ सकता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है बच्चों, अभी अभी क्या बताया आपको। फ्लेक्सिबल शब्द का मतलब ये होता है कि जो मूव कर जाए, मतलब मूवमेंट हो सके उस पेमेंट में, ठीक है। तो ये आपके जो बिटुमिन वाले पेमेंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और रिजिड जो अपने स्थान से बिल्कुल भी मूव ना करें, जहाँ हैं वैसे ही स्थिर बने रहें, फिक्स हो जाएं पूरी तरह से। तो कंक्रीट वाले जो पेमेंट होते हैं ना, वो आपके रिजिड होते हैं। तो फ्लेक्सिबल की बात करें, इस पेमेंट की भाई जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल नगण्य होगी। फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ नगण्य क्यों होगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल का विरोध नहीं करेंगे रोड, ये आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ नगण्य होती है। पेवमेंट यातायात का भाई भार पड़ने पर ये क्या होता है, पेवमेंट लचकता है। क्या करता है भाई, लचकता है। पेवमेंट जो होता है यातायात का भार पड़ने पर लचकता है। अगर इसके ऊपर कोई वाहन चल रहा है या ट्रेवल करेंगे आप, तो ये थोड़े से लचकदार होते हैं, लचकते हैं। ये पेवमेंट कई स्तरों में बनाए जाते हैं, मतलब कई लेयर में बनाए जाते हैं। ये भाई संपीड़न प्रतिबलों को कड़ संपर्क द्वारा नीचे के स्तर पर ट्रांसफर करते हैं। भाई इस पर जब कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा तो ये उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में जो कॉन्टैक्ट है ना भाई, तो उस पार्टिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये नीचे के लेयर पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें सबसे ऊपर की जो लेयर होती है भाई, वो अधिक सामर्थ्यवान पदार्थ की बनाई जाती है, क्योंकि इस लेयर पर ही सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, और यातायात के कारण निघर्षण भी सबसे ज़्यादा ऊपर वाली ही लेयर पर होता है। तो ये भाई कंकर बजरी व बिटुमिन पेवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। निचले स्तर में आप क्या करते हैं, कम सामर्थ्य वाली सामग्री भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ आया कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होते हैं उनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ लगभग नगण्य होती है, ठीक है। इसके बाद आपने समझा, अगर यातायात का लोड आएगा फ्लेक्सिबल वाले पेवमेंट पे, तो ये लचकने शुरू हो जाते हैं, लचकदार होते हैं ये, ठीक है भाई। और ये कई लेयर्स में बनाए जाते हैं। इन पर जब संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, तो कड़ संपर्क के द्वारा नीचे के लेयर्स पर ट्रांसफर होते हैं। इनकी ऊपर वाली लेयर मजबूत होती है, क्योंकि उन्हीं पर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। इसके अलावा वो घर्षण भी सबसे ज़्यादा ऊपर वाली लेयर पर ही काम करेगा, तो वो बिटुमिन की या कंकर बजरी की हो सकती है ऊपर वाली लेयर। और नीचे की जो लेयर होती है वो कम सामर्थ्यवान सामग्री की बनी होती है, जैसे मिट्टी वगैरह डाल देते हैं नीचे सब ग्रेड में। क्लियर भाई, फ्लेक्सिबल पेमेंट ये थे आपके। फ्लेक्सिबल पेमेंट में आप देख रहे हैं भाई, ये आपके टोटल चार कंपोनेंट हैं इसके।
याद रखिएगा इसका ये डायग्राम, डायग्राम बनाना सबको बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे नीचे आएगा आपका भाई सब ग्रेड, बच्चों सबसे नीचे सब ग्रेड, फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है किसी भी रोड की वो होती है सब ग्रेड, जिसमें हम मिट्टी का भराव करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आता है भाई सब बेस, इसके ऊपर क्या आता है बच्चों सब बेस, सब बेस के ऊपर आता है बेस सरफेस और उसके बाद आता है बियरिंग कोर्स। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में चार लेयर में आपका रोड बनता है, डायग्राम सेम ऐसे बनाना, नीचे आपको मिट्टी का भराव दिखा देना है सब ग्रेड में, फिर यहाँ बेस कोर्स में आपको भाई बेस कोर्स में आप पत्थर वगैरह डाल सकते हैं, सेंड डालते हैं आप इसमें सब बेस में, बेस सरफेस पे आप डाल देते हैं यहाँ पर जो आपका बैलास्ट होता है बजरी वगैरह, और सबसे ऊपर आप बियरिंग कोर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें बिटुमिन रहेगा या फिर आपका ग्रेवल होगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल चार भाई लेयर्स होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के, डायग्राम सब बच्चे बनाइएगा, नाम याद रखिएगा सब ग्रेड सब बेस, दो तो सब वाले हो गए, फिर भाई सब बेस है तो अगला फिर बेस सरफेस, फिर बियरिंग कोर्स, सबसे ऊपर बियरिंग कोर्स है जो बहुत सामर्थ्यवान सामग्री का डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट देखेंगे आप रिजिड पेमेंट, भाई रिजिड पेमेंट कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल के लिए हुए सबको, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या थे तेजी से सुनेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट वे वाले पेमेंट थे जिनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ नगण्य थी, इन पे यातायात का भार आने पर ये लचकदार हो जाते थे, ठीक है भाई। इनमें जब कोई भी कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होता था तो वो सबसे ऊपर वाली लेयर पर ज़्यादा लगता था, इसलिए ऊपर वाली लेयर आपकी सामर्थ्यवान पदार्थ की बनी होती थी जो कंकर बजरी या फिर बिटुमिन हो सकता है, नीचे की जो लेयर होती हैं वो कम सामर्थ्यवान पदार्थ की होती हैं जैसे मिट्टी। चार लेयर होती हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, कौन कौन सी, सबसे नीचे सब ग्रेड, उसके ऊपर सब बेस, फिर उसके ऊपर आपका बेस कोर्स और सबसे ऊपर आपका होता है बियरिंग कोर्स, ठीक है। अब आते हैं रिजिड पेमेंट, बच्चों रिजिड पेमेंट क्या होंगे, ये दृढ़ पेमेंट है, इनमें लचकता बिल्कुल नहीं होगी, यातायात का बाहर आने पर ये लचकते नहीं है जबकि फ्लेक्सिबल वाले लचकते थे, ठीक है। तो इस पेमेंट की जो भाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है, इसकी बच्चों फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कर लेना है शब्द को, यहाँ पर स्ट्रेंथ शब्द आएगा, इसकी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रेस का विरोध कर पाते हैं आसानी से, ठीक है, जबकि उसकी क्या थी, नगण्य थी। ये पेगमेंट भाई भार पड़ने पर लचकते नहीं है, बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे के, बल्कि ये दृढ़ बने रहते हैं। ये भाई संपीड़न प्रतिबलों को कण संपर्क द्वारा नीचे के स्तर पर ट्रांसफर नहीं करते हैं, यानी पार्टिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये दृढ़ पेमेंट भाई सीमेंट कंक्रीट के पहिए का बना होता है, मतलब यहाँ पे याद रखिए बेटा, दृढ़ पेमेंट जो होता है वो किसका बना होता है, सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, पहिए शब्द नहीं आएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, क्लियर। तो आपके जो मैंने पहले ही बताया था, जो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं ये सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है, ये चीज थोड़ा सा सही कर लीजिए, इसमें यहां से हटा दीजिएगा इसको, ठीक है, ये चीज हटा दीजिएगा यहां से, ठीक है। आगे सुनिए भाई, आगे सुनेंगे इसके बाद आप, बस यहां तक आगे सुनेंगे। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सीमेंट कंक्रीट स्लैब जो होता है उसको सीधे मिट्टी के सब ग्रेड पर बिछाया जा सकता है, लेकिन कम टिकाऊ होने के कारण इन दोनों के बीच में आप एक बेस परत भी बिछा देते हैं। मतलब ये यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे टोटल तीन पोर्शन दिखाए गए होंगे, एक तो सब ग्रेड हो गया और एक आपका ऊपर वाला जो है सीमेंट कंक्रीट स्लैब हो गई। तो सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है इसमें बच्चों, सीमेंट कंक्रीट जो स्लैब है ना, ये दो लेयर का काम करती है। जैसे पेमेंट जो था आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसमें आपने देखा सब ग्रेड था, फिर सब बेस था, उसके बाद बेस कोर्स था, उसके बाद भाई आपका बेस कोर्स था, बेस कोर्स सबसे ऊपर बियरिंग कोर्स था, बियरिंग कोर्स भी कह देते हैं या बियरिंग कोट भी कह देते हैं, बियरिंग कोट सबसे ऊपर बियरिंग कोट था। तो जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब होता है ना, दोनों का काम करता है, बेस कोर्स का और बियरिंग कोट का, दोनों का काम करेगा ये। तो यहाँ पर थ्योरी में ये कहा गया है, सबसे पहले तो रिजिड पेमेंट जो होते हैं आपके, ये कौन से पेमेंट होते हैं भाई, जिनके फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इन पर भाई पेमेंट पर लोड आने पर ये लचकते नहीं है बल्कि दृढ़ बने रहते हैं, और संपीड़न इस कम जो इसमें भी भाई संपीड़न प्रतिबल होता है वो
नीचे है जो है कण संपर्क द्वारा ट्रांसफर नहीं होगा, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं ना वहां तो मूव कर रहे थे, लचक रहे थे, तो कण संपर्क द्वारा ट्रांसफर हो रहा था स्ट्रेस, यहाँ कण संपर्क द्वारा नहीं ट्रांसफर होता। ठीक है भाई, ये वाले पेवमेंट सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, इनमें सीमेंट कंक्रीट स्लैब जो होती है, सीमेंट कंक्रीट स्लैब समझ रहे हैं, ये वाली स्लैब सबसे ऊपर वाली लेयर, इसमें जो भाई सबसे ऊपर की लेयर है वो सीमेंट कंक्रीट स्लैब की होती है, जिसको आप सीधे मिट्टी के सबग्रेड पे भी बिछा सकते हैं। जो नीचे की सबसे नीचे की लेयर है भाई सबग्रेड, आप इस सीमेंट कंक्रीट की स्लैब को सबग्रेड पर डायरेक्ट भी बिछा सकते थे, इसके ऊपर सीधे भी बिछा सकते थे, लेकिन हम बीच में क्या करते हैं सब बेस लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं भाई हम इसके बीच में एक बेस परत भी बिछाई जाती है, ये बात सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें और बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना सा याद कर लीजिएगा, बाकी डायग्राम अच्छे से बनाइएगा तो आप आराम से इसके बारे में लिख पाएंगे, और कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, आप चाहे तो लास्ट वाली लाइन लिख सकते हैं, वैसे ये लिख सकते थे आप। ठीक है, बेस कोर्स और जो बियरिंग कोट होता है दोनों का काम करता है, मैंने आपको बताया भी था पीछे, ये यहाँ भी लिखा हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपका कंक्रीट का स्लैब होता है सीमेंट कंक्रीट स्लैब, ये बेस कोर्स का और बियरिंग कोट दोनों का कार्य करता है, ये चीज आप ध्यान रख सकते थे, ये मत हटाना। ठीक है भाई, आपको रिजिड पेवमेंट समझ आ गया सब बच्चों को, रिजिड पेवमेंट क्या होता है क्लियर हो गया बच्चों? सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, रिजिड पेवमेंट जो होते हैं उनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, लोड पड़ने पर ये लचकते नहीं है, इनमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो कण संपर्क द्वारा ट्रांसफर नहीं होता। ये जो होते हैं भाई सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, इसमें जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है, लिखेंगे आप इस तरह, इसमें मुख्य तीन लेयर्स होती हैं, अपनी भाषा में लिख देना इस तरह, इसमें मुख्य तीन लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे की लेयर सबग्रेड होती है जो मिट्टी की बनी होती है, हाँ, और दूसरी लेयर सब बेस होती है, और तीसरी लेयर सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है। जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है भाई, इसको हम डायरेक्ट सबग्रेड के ऊपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन दोनों के बीच में बेस कोर्स की एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा सीमेंट कंक्रीट स्लैब जो होती है वो बेस कोर्स और बियरिंग कोट दोनों का कार्य करती है। भाई क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्लियर हो गया? बस ढाई घंटे की क्लास रहेगी आपकी, ये मुझे लगता है सबको समझ आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों डायग्राम बनाइएगा, रिजिड पेवमेंट में तीन लेयर्स दिखानी है, सिर्फ तीन लेयर आपको, और बाकी ये जो लेयर है दोनों का काम कर रही थी, और जो आपका फ्लेक्सिबल था उसमें चार लेयर दिखानी थी। फ्लेक्सिबल वाले में डायग्राम कर्व की फॉर्म में बनाना, मुड़ा हुआ इस तरह से थोड़ा सा, और इसमें बिल्कुल सीधा बनाना है, बिल्कुल सीधा, रिजिड है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब तक आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस। तो भाई ये वाला जो पेवमेंट है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये मैकाडम की पद्धति द्वारा बनाया जाता है, और इसकी जो मोटाई है भाई वो अधिक रखी जाती है, क्योंकि इसमें चार लेयर है, मोटाई ज्यादा होगी। ये पेवमेंट भाई सामान्यतः किसके होते हैं, सीमेंट कंक्रीट स्लैब का बनाया जाता है, इसकी जो मोटाई है भाई कम रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नम्य पेवमेंट होते हैं भाई, इनको अनेक परतों में बनाया जाता है, टोटल चार परत थी आपकी यहाँ पर भाई। ये जो होता है कंक्रीट स्लैब जो है ठोस और एकल परत की डाली जाती है, इसके अलावा भाई इसके लिए आप अच्छे सबग्रेड की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर अच्छे सबग्रेड की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत अच्छे सबग्रेड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर इसमें सीमेंट कंक्रीट स्लैब है वो मेन होता है। ठीक भाई, यहाँ पर ये पेवमेंट संपीड़न प्रतिबल मिट्टी के कण और अंतर्वर्धन द्वारा नीचे के लेयर्स पर ट्रांसफर करते हैं, जबकि कंक्रीट स्लैब के कारण इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आधार के बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाते हैं। तो यहाँ पर तो कण संपर्क द्वारा नीचे को स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहे थे, और यहाँ पर कंक्रीट स्लैब के कारण नीचे को बड़े एरिया पर स्ट्रेस आपका फैल जाएगा। यहाँ पर भाई इस पेवमेंट की जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है वो लगभग जीरो होती है, जबकि इस पेवमेंट की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, नम्य पेगमेंट जो होते हैं इनमें जोड़ नहीं दिए जाते, जबकि कंक्रीट स्लैब में संकुचन और प्रसार जोड़ भी दिए जाते हैं, ये इनमें डिफरेंस था, आराम से लिख पाएंगे। ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट देखिए इनमें और टॉपिक है, जो आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है ये भाई तनन प्रतिबल सहन नहीं कर सकते, जबकि कंक्रीट स्लैब इसमें नम्य पेवमेंट की अपेक्षा तनन प्रतिबल को सहन कर सकती है। ये पेवमेंट भाई सबग्रेड अधिस्थर, मतलब सबग्रेड सबग्रेड के सेटलमेंट में फेल हो जाते हैं, जबकि ये पेमेंट जो होते हैं दरार पड़ने पर फेल होते हैं। ठीक है, इनमें भाई
इस पेवमेंट की जलरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है, जबकि कंक्रीट वाले पेवमेंट की जलरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, इसका निर्माण लागत सामान्य होता है और इसकी जो निर्माण लागत है बेटा वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये भाई 5 वर्ष के लिए पर्याप्त होते हैं क्योंकि मैकाडम के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, तो 5 वर्षीय योजना लगेगी इनमें। और कंक्रीट पेमेंट की जो सामान्य आयु है लगभग 30 वर्ष होती है और इनकी लगभग 5 वर्ष। बात क्लियर है सबको? ये दो आपके पेमेंट थे, दोनों को अच्छे से आपने समझ लिया बेटा, जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मुझे लगता है आपके दोनों टाइप के पेमेंट आपको क्लियर हो पाए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे भाई इसके, आगे बात करेंगे इसके फंक्शन। ठीक है, क्योंकि पेवमेंट के जो कंपोनेंट है इसके कार्य क्या क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप बच्चों, सबसे पहले सुनेंगे आप, टोटल 4 लेयर्स थी हमने देखा। सबसे नीचे आपकी सब ग्रेड है, उसके बाद भाई आपका सब बेस होता है, सब बेस, और उसके बाद अगर आप रिजिड वाला पेवमेंट यूज कर रहे हैं तो सीमेंट कंक्रीट स्लैब रहेगा, और अगर आप फ्लेक्सिबल का यूज कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल के केस में आपका एक तो होगा बेस कोर्स बच्चों, एक होगा आपका बेस कोर्स, और सबसे ऊपर होगा वियरिंग कोट। सबसे ऊपर क्या होगा? वियरिंग कोट होगा। तो इस तरह टोटल 4 लेयर होती हैं। जो आपका रिजिड पेमेंट है इसमें सीमेंट कंक्रीट स्लैब ही बेस कोर्स और वियरिंग कोट दोनों का काम कर देगा, इसलिए आप 3 दिखा रखे। वैसे टोटल 4 लेयर होती हैं, याद रखेंगे इस बात का सभी बच्चे। ओके, सबसे पहले सबग्रेड की बात करेंगे। सबग्रेड क्या होता है, क्या काम है इसका? तो भाई निर्माण स्तर की वह चौड़ाई, निर्माण स्तर जानते हैं फॉर्मेशन लेवल, रोड बनाते हैं तो नीचे आप पहला लेवल तैयार करेंगे एक मिट्टी का, तो वो फॉर्मेशन लेवल होता है। तो फॉर्मेशन लेवल की वह चौड़ाई जिस पर पेवमेंट डाला जाता है वो कहलाता है सबग्रेड। भाई सबग्रेड क्या है? आपको सड़क बनानी है तो सड़क बनाने से पहले जमीन के ऊपर आप भराव करेंगे। जमीन के ऊपर आप क्या करेंगे बच्चों? भराव करेंगे। भराव आपने यहाँ पर भराव किया, ठीक है, यहाँ पर। तो भराव में इतने पोर्शन में आपको सड़क डालनी है सपोज, तो यहाँ पर इतने पोर्शन का जो भराव है आपका, ये वाला नीचे वाली लेयर, ये वाली, ये लेयर क्या हो गई आपकी भाई? ये सबसे नीचे की जो ये लेयर है, पहली वाली लेयर, नंबर 1 लेयर, ये आपकी होती है सबग्रेड। ठीक है, नीचे तो जमीन है ही या मिट्टी का भराव हो रहा है, लेकिन जितनी चौड़ाई में पेवमेंट आपको डालना है उतनी चौड़ाई में, ये निर्माण तल है पूरा। ये बच्चों क्या है? आपका फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है, निर्माण तल है ये। तो इस निर्माण तल की वो वाली चौड़ाई जितने पोर्शन में पेवमेंट डाला जाएगा तो वहां पर जो मिट्टी का भराव किया है आपने वो सबग्रेड कहलाता है। तो निर्माण तल, निर्माण स्तर की वह चौड़ाई जिस पर पेमेंट डाला जाता है सबग्रेड कहलाता है। भाई ये यातायात के भार को, जो आपका यातायात का भार आएगा, आप सबको पता है, आप सिर्फ ये डायग्राम सोचें, ये हटाइए, आप ये सोचिए सिर्फ ये वाला डायग्राम है, तो ये सबग्रेड है। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम सबसे नीचे वाली इस लेयर की बात कर रहे हैं, इस लेयर की। तो यहाँ पर इसका मेन काम क्या होगा? यहाँ पर आपके व्हीकल चल रहे हैं सपोज, ये सड़क है भाई, इस सड़क के ऊपर मान लीजिए आपके वाहन चल रहे थे कुछ भी, तो उस वाहन का यहाँ पर लोड आएगा, इसका जो लोड है W, ये नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा। तो जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब है ये नीचे आपका ट्रांसफर करेगी, इसको किस पर भाई? सब बेस पर। सब बेस का लोड नीचे ट्रांसफर होके आएगा सबग्रेड पर, और सबग्रेड से लोड नीचे कहाँ जाएगा आपका भाई? सबग्रेड के नीचे होती है सब सॉइल, नीचे क्या होती है बच्चों? सब सॉइल। तो इसका जो सबसे मुख्य काम होता है वो क्या होता है? अपने ऊपर जो लोड आ रहा है यातायात का, जो भी भार आ रहा है इस सबग्रेड के ऊपर, ऊपर के लोड को नीचे सब सॉइल पर ट्रांसफर करने का काम करता है, ये इसका मुख्य काम होता है। क्योंकि हम कार्य समझ रहे हैं भाई फंक्शन, तो सबग्रेड का कार्य क्या हो गया? सबग्रेड का कार्य है ऊपर, इसके ऊपर जो भी यातायात का भार आएगा ये उसको नीचे सब सॉइल पर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो निर्माण स्तर की वह चौड़ाई जिस पर पेवमेंट डाला जाता है अधिस्तर कहलाती है। यातायात के भार को नीचे मृदा पर, बच्चों नीचे मृदा मतलब सब सॉइल जो होती है आपकी, नीचे मृदा पर ये स्थानांतरित करती है। इस मृदा की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? सॉइल का स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आगे टॉपिक पढ़ेंगे आप मृदा स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इसके ऊपरी सतह पर भाई कैम्बर भी दिया जाता है, एक ढाल, कैम्बर मतलब एक ढलान, यानी बीच में से आप कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे इसको, ताकि बरसात के मौसम में जो पानी है वो साइड में को जाता रहे आपका,
जो आपका ढलान दिया जाता है साइड में को, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? कैम्बर कहलाता है। तो आपको सब ग्रेड समझ आ गया। फॉर्मेशन लेवल की वह चौड़ाई जितनी चौड़ाई में आप पेवमेंट डालेंगे उतनी चौड़ाई तक का मिट्टी का भराव जो होता है आपका, वो सब ग्रेड कहलाता है। सब ग्रेड के बारे में आपने समझा कि इसका सबसे मुख्य काम होता है जो भाई जो यातायात का भार होता है ये उसको नीचे सब सॉइल पर ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर आपको इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है सब ग्रेड की, तो आप सॉइल का स्थिरीकरण कर दीजिए, मृदा स्थिरीकरण भी किया जाता है। इसके अलावा इसके भराव के समय कैम्बर भी दिया जाता है। ये बात सब ग्रेड के बारे में हो गई। दूसरा था भाई अपना सब बेस। दूसरी लेयर कौन सी थी बच्चों? सब बेस। अगर आपको डायग्राम बनाने में अगर आप ऐसे ना दिखा पाए, वैसे दिखा सकते हैं आराम से, एक तरफ पहले हैचिंग कर देना, फिर ऐसे सीधी डॉट डॉट लाइन, फिर यहाँ भर देना सीमेंट जैसा मसाला जैसा, तो आप इस तरह बना लेना। अगर तब भी ना बना पाए तो आप डायरेक्टली कैसे डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सिंपल वे में आप सिर्फ इस तरह बना देना। नीचे आपका ये पहली लेयर हो गई, इसके अंदर लिख देना आप ये आपका सब ग्रेड है। बच्चों डायग्राम जरूर बनाना और क्वेश्चन भी जरूर पूछेगा ये सब ग्रेड। इसके बाद दूसरा आप ऐसे लेयर बनाना, एक और लेयर इसके ऊपर बनाना इस तरह से सीधी सीधी, इसको सब ग्रेड के बाद भाई आप सब बेस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सब बेस। सब बेस के ऊपर एक और लेयर बनाना आप, एक लेयर और इसके ऊपर, जो आप या तो सीधे सीमेंट कंक्रीट स्लैब लिखेंगे या आप पहले बेस कोर्स लिख देना। बेस कोर्स जो आपका बेस कोर्स होता है, और उसके ऊपर आप क्या लिख देंगे भाई? उसके ऊपर आपको लिख देना है फिर आपका सबसे ऊपर वाला वियरिंग कोट। वियरिंग कोट इस तरह से भी आप बना सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बस अंदर लिख लिख के, चार लेयर थी। अब बात करें भाई दूसरे वाले की जिसका नाम है सब बेस। एक बात बताइए, सब बेस का सबसे मेन काम क्या होगा भाई? सब बेस क्या काम करेगा बताइए? सब बेस क्या काम करेगा? अगर आप देखें सब बेस ये बीच वाला है, ये वाला सब बेस का काम है सीमेंट कंक्रीट स्लैब का जो लोड है या इसके ऊपर जो लोड आएगा उसको ये नीचे ट्रांसफर करेगा सब ग्रेड के ऊपर। सब बेस जो होता है इसको सब ग्रेड के ऊपर, सब ग्रेड पे लोड को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ऊपर से लोड को ये यहाँ ट्रांसफर करेगा सब ग्रेड पर। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी भाई सब बेस की। अध आधार, यानी जब अध आधार की मृदा की जो धारण क्षमता है, सॉरी अधिस्तर, अधिस्तर मतलब सब ग्रेड। बच्चों सब ग्रेड जो आपका नीचे वाला सब ग्रेड होता है, जब सब ग्रेड की मृदा की धारण क्षमता कम होती है भाई, सब ग्रेड की अगर बियरिंग कैपेसिटी कम है तो इसके ऊपर आपको एक लेयर और डालनी है, वो लेयर ही आपकी सब बेस कहलाएगी। लेकिन अगर सब ग्रेड आपने बहुत मजबूत बना रखा है तो फिर आपको सब बेस डालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब सब ग्रेड की मृदा की धारण क्षमता कम होती है तो इसके ऊपर आप बालू क्या डालते हैं भाई? बालू, बालू समझते हैं आप, या फिर कणदार मृदा, ग्रैनुलर सॉइल, इसकी एक परत डाल दी जाती है और इसकी अच्छी प्रकार से कुटाई की जाती है, इसी को भाई सब बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं सब बेस, ठीक है। इसमें मिट्टी की जो जल निकासी है भाई वो भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमारा सब ग्रेड था, सबसे नीचे वाली जो लेयर थी, सब ग्रेड जब इस सब ग्रेड की भाई इस सब ग्रेड की मिट्टी जो है, क्योंकि नीचे मिट्टी भरी होती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है मिट्टी डाली जाती है, इसमें सॉइल, यहाँ पर आप सेंड भर देते हैं बालू जो होती है बालू। इसके बाद ऊपर आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है आपको कि जब आपकी सब ग्रेड की जो सॉइल थी इसकी धारण क्षमता कम हुई, लोड को कम सहन कर पाती है, इस केस में हम इसके ऊपर बालू की एक, ये बालू या कणदार मिट्टी की एक लेयर और डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी अच्छी प्रकार से कुटाई की जाती है, इसको ही सब बेस कहते हैं। तो एक तरह से सब बेस क्या कर रहा है? आपकी सब ग्रेड को, अगर सब ग्रेड कमजोर है तो इसको मजबूती प्रोवाइड कर रहा है। इसके ऊपर एक और लेयर डाल दिया आपने, नीचे मिट्टी थी ऊपर आपने सब ग्रेड में सैंड भर दिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आपको यह चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा है भाई आपका बेस कोर्स। तीसरा क्या होता है बच्चों? बेस कोर्स। बेस कोर्स में क्या होगा? जब आपका जो आधार तल है, अध आधार, अब अध आधार समझ रहे हैं, जो आपका सब बेस था, अध आधार मतलब सब बेस, दूसरी वाली लेयर, पहले पोर्शन पर पहली लेयर आपने समझ ली बच्चों, पहली लेयर आपने क्या समझी? सबसे पहली लेयर ये वाली हो गई आपकी, दूसरी लेयर आपकी ये हो गई, अब तीसरी लेयर की बात आ गई। तीसरी लेयर, सबसे पहली लेयर आपकी सब ग्रेड आप समझ गए, सब ग्रेड। सब ग्रेड जो होती है इसमें केवल मिट्टी का भराव किया जाता है, ये नीचे की मिट्टी पर ट्रांसफर कर देगी लोड को।
दूसरे नंबर पे आपने देखा सब बेस, सब बेस क्यों डाल रहे थे, जब सब ग्रेड कमजोर हो, इसकी धारण क्षमता कम हो, तो इसके ऊपर एक और लेयर डाल देते हैं जिसे हम सब बेस कहेंगे। सब बेस में भाई सैंड भरा जाता है, सैंड सैंड। अब बात कर रहे हैं हम इसके ऊपर, जब आपका जो सब बेस था, सब बेस भाई इसके ऊपर आप क्या करेंगे, पत्थर के टुकड़े, बच्चों पत्थर के टुकड़े या फिर गिट्टी आदि को डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर आप एक और लेयर डाल रहे हैं, इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बेस कोर्स। अब आप आधार तैयार कर रहे हैं, बेस कोर्स तैयार कर रहे हैं, तो बेस कोर्स में आपको ग्रेवल डालना है, ग्रेवल मतलब बजरी डाल देते हैं इसमें, बजरी। तो भाई सब बेस के ऊपर पत्थर के टुकड़े या गिट्टी आदि को डाला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आधार आस्तरण, यानी बेस कोर्स कहते हैं। अब भाई ग्रेडेड मिलावे का बना जो आधार है वो अच्छा रहता है। अगर आपको वेल ग्रेडेड यानी जिसमें सभी प्रकार के पार्टिकल मौजूद हों, अगर उस तरह का बेस आपने तैयार किया तो वो अच्छा रहता है। ये जो भाई बेस है आपका, ये फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तरह का हो सकता है, मतलब दोनों प्रकार के पेवमेंट में डाला जाता है ये, ठीक है। नम्य पेवमेंट में इसकी भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए तथा दृढ़ पेवमेंट में इसे समतल आधार प्रदान करने के लिए भी भाई प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सब बेस हो गया। सब बेस, सब बेस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, सब बेस से जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उनकी तो भार वहन क्षमता बढ़ जाएगी, और जो आपके रिजिड पेमेंट थे उनको भाई एक प्लेन आधार मिल जाएगा नीचे, इसलिए आपका बेस कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बेस कोर्स क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, समझ आ गया ना। पहली चीज तो बेस कोर्स क्या होता है, तो बोल देंगे सब बेस के ऊपर हम पत्थर के टुकड़े या फिर बजरी को डाल देते हैं, बजरी की एक लेयर डाल देते हैं, उसको हम बेस कोर्स कहते हैं। अब ये जो बेस कोर्स होता है, अगर ये वेल ग्रेडेड मिलावे का है यानी अच्छी ग्रेड वाले मिलावे का है तो ये अच्छा माना जाएगा। अब ये भाई दोनों तरह के पेमेंट में डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल में भी डाल सकते हैं, रिजिड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भार वहन क्षमता को बढ़ाने का, और जो रिजिड पेमेंट होते हैं उसमें इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है एक समतल आधार प्रदान करने का, ठीक है। तो ये दोनों काम हो गए इसके। अब सबसे ऊपर आ जाता है आपका बियरिंग पोर्ट, भाई ये पूरे लोड को ये पहले सहन करेगा, ये सबसे मजबूत होना चाहिए, वाहन इसी पे चलेंगे, इसी के ऊपर घर्षण काम करेगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बनाया जाएगा बच्चों, तो ये आपका बेस कोर्स के ऊपर बनाएंगे। बेस कोर्स के ऊपर आप एक सबसे मुख्य लेयर डालेंगे, यही तो आपका बियरिंग कोर्ट होगा बच्चों। ये क्या होगा, बियरिंग कोर्ट कह दो या कोर्स कह दो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ डाल रहे हैं भाई, यह जो होता है यह बेस कोर्स के ऊपर डाला जाता है, जो कि वाहनों की समतल स्थिर टिकाऊ सतह के लिए दिया जाता है। ये यातायात से सड़क को उखड़ने से भी रोकता है और ये पानी को भी पेवमेंट में जाने से रोकता है। जो आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है उसमें भाई ये गिट्टी और बिटुमिन का डाला जाता है, जबकि रिजिड पेवमेंट में ये सीमेंट कंक्रीट का डाला जाता है। बात समझ आ रही है सबको, अभी तक चीजें क्लियर हो गई भाई, ठीक है। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई, बियरिंग कोर्स बहुत अच्छे। इसके बाद अब हम सब ग्रेड तैयार कैसे करते हैं, तो हमने अभी तक सिर्फ ये समझा कि पेमेंट अपने दो थे, एक था फ्लेक्सिबल दूसरा था रिजिड। फिर हमने दोनों तरह के पेमेंट के जो कंपोनेंट थे, चार कंपोनेंट थे, सबसे पहले सब ग्रेड, फिर सब बेस, बेस कोर्स और बियरिंग कोट। रिजिड वाले में बेस कोर्स और बियरिंग कोट जो होता है वो एक ही हो जाता है, जिसे हम सीमेंट कंक्रीट स्लैब कह देते हैं। ये चारों के हमने काम समझ लिए, अब हम बात करेंगे सब ग्रेड कैसे तैयार किया जाता है, सब ग्रेड तैयार करना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनेंगे यहाँ पर आप सब ग्रेड प्रिपरेशन, तो सड़क का पेवमेंट डालने से पहले भाई सड़क का जो पेवमेंट आप डालेंगे, पेवमेंट मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, मतलब एक तरह आप क्या कर रहे हैं, सड़क तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सड़क का पेवमेंट डालने से पहले, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे पूरी तरह डालने से पहले आप क्या करेंगे, सब ग्रेड तैयार करेंगे, ठीक है। तो भाई सड़क का सब ग्रेड कैसे तैयार किया जाता है, तो कुछ स्टेप हैं इसके, इनको याद करिएगा लाइन बाई लाइन। अगर ये क्वेश्चन आपका सब ग्रेड तैयार करना दो तीन नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ इनके नाम नाम लिख देंगे, अगर पांच नंबर में आएगा तो इनके अंदर की डिटेल भी लिखेंगे। तो सब ग्रेड कैसे तैयार करते हैं बच्चों, आपके पास सिर्फ एक जगह है जहाँ पर घास फूस वगैरह भी हो सकती है, वहाँ पर आपको सड़क बनानी है। अब आपके माइंड में कौन कौन से स्टेप आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे एज ए इंजीनियर, आप सबसे पहले उस जगह को साफ करेंगे, यानी पहले आप सड़क पट्टी की जंगल सफाई करेंगे, जंगल क्लियरेंस ऑफ रोड स्ट्रिप, सड़क पट्टी की जंगल सफाई पहले सफाई कर लेंगे भाई उसकी। सफाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर आप भूमि पर सड़क का संरेखण डालेंगे,
संरेखण मतलब अलाइनमेंट, आप वहां से होकर एक सीधी सेंटर लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे रोड बनाना था, यहाँ पर ये जगह है पूरी, ठीक है, यहाँ पर पहले घास फूस थी ये वाली, हमने क्या किया भाई, ये जितनी भी घास वगैरह थी इस जंगल की सफाई कर ली, इसको बिल्कुल प्लेन कर लिया पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में इसका अलाइनमेंट कर लिया। अलाइनमेंट का मतलब बीच में से सेंटर लाइन ड्रॉ करना। आपको पता है सभी को अलाइनमेंट की परिभाषा क्या होती है संरेखण की? संरेखण मतलब होता है कि अगर हम किसी सड़क का निर्माण करने जा रहे हैं तो उस सड़क के निर्माण के लिए जो आपकी मध्य रेखा आएगी उस मध्य रेखा की स्थिति को निर्धारित करना ही संरेखण कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे हम, सेटिंग आउट रोड अलाइनमेंट, रोड अलाइनमेंट का सेटिंग आउट करेंगे। तीसरे में भाई हम क्या करेंगे, बेंचमार्क फिक्स कर लेंगे। बेंचमार्क फिक्स करने का मतलब क्या है, पूरी जो सड़क होती है उसे एक ही लंबाई में नहीं डाला जाता बल्कि 30-30 मीटर के टुकड़े में बांट लिया जाता पूरी जमीन को। जैसे एक यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ से काम शुरू किया और यहाँ तक आपका 30 मीटर का पोर्शन हो गया, 30 मीटर, फिर अगला 30 मीटर, तो 30-30 मीटर के यहाँ पर भाई क्या कर लेते हैं हम, 30-30 मीटर पर बेंचमार्क लगा देते हैं। बेंचमार्क मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, एक ऐसा चिन्ह लगा लिया, निशान लगा लिया आपने, आपको पता चल जाए कि पहले मैं रोड यहाँ से यहाँ तक बनाना, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर अगला आगे ऐसे ही। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट पर बेंचमार्क फिक्स कर देंगे। बेंचमार्क फिक्स कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब भराव या फिर कटान के लिए जो आपकी कंट्रोल खुंटियाँ हैं उन्हें लगा देंगे, मतलब नियंत्रण खुंटियाँ लगा देंगे। नियंत्रण खुंटियाँ क्यों लगा रहे हैं, उन खुंटियों से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पर कितनी मिट्टी का भराव करना है और कितनी मिट्टी का कटाव करना है। जैसे क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ जमीन है, तो पहले आप नीचे वाला सबग्रेड तैयार कर रहे हैं, पहले जगह को साफ कर लिया, फिर आपने क्या कर लिया, अलाइनमेंट कर लिया, आपको ये पता चल गया रोड हमारा कहाँ कहाँ होके गुजरेगा, उसकी सेंटर लाइन पता चल गई, फिर हमने बेंचमार्क फिक्स कर लिए, अपने बेंचमार्क फिक्स कर लिए, साइड में चिन्ह लगा दिया। परमानेंट बेंचमार्क भी होते हैं, कुछ अस्थाई होते हैं, टेम्परेरी रूप से बेंचमार्क लगा लिया ताकि आपको ये पता चल जाए आपका रोड का जो अलाइनमेंट है वो यहाँ यहाँ से होके जा रहा था, चिन्ह लगा लिए, निशान लगा लिए। बेंचमार्क लगाने के बाद फिर आपको भाई कुछ पैक्स लगा देने हैं, कुछ भाई क्या कर देना, पैक्स का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ खुंटियाँ गाड़ देनी है, कुछ खुंटियाँ फिक्स कर देनी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर मिट्टी का भराव कितना करना है, कटाव कितना करना है, ठीक। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे भाई, फिर आप रोड की प्रोफाइल तैयार करेंगे, रोड की प्रोफाइल पूरी तरह तैयार कर लेंगे। प्रोफाइल तैयार करने के बाद फिर आपको सबग्रेड तैयार करना है भाई, सबग्रेड तैयार करना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आप कैम्बर और ढाल प्रोवाइड करेंगे, कैम्बर और ढाल इनकी सबकी जाँच करेंगे कि आपने जो ढाल दिया है बरसात का पानी उससे होकर अच्छे से निकल जाएगा या नहीं, ठीक है भाई। ढाल प्रोवाइड करने के बाद यही आपके ढाल के बाद ये पॉइंट है आपके टोटल ढाल, 7x7 पॉइंट है इसमें, ये काफ़ी है 7 पॉइंट सिर्फ, ठीक है। आपका जब आपने ढाल वगैरह सब चेक कर लिया, अब आपने मिट्टी का भराव कटान सब कर लिया, तो आपका ये सबग्रेड तैयार हो गया पूरी तरह से भाई। ये सबग्रेड तैयार करना सब बच्चों को समझ आ रहा है भाई, सभी बच्चों को समझ आ रहा है ये, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बच्चों, पेमेंट तैयार करने के 7 पॉइंट थे, जल्दी जल्दी इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताया, जंगल क्लियरेंस ऑफ रोड स्ट्रिप, समझ आ गया था भाई सब बच्चों को, यानी सबग्रेड तैयार करने के लिए सबसे पहले अगर घास फूस है कुछ उसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप रोड का अलाइनमेंट सेट करेंगे, यानी आपका जो सड़क है वो कहाँ से होके गुजरेगी उसके मध्य रेखा की स्थिति को निर्धारित करेंगे, ऐसे लिखना है पेपर में आपको। फिर फिक्स बेंचमार्क, फिर आप अलाइनमेंट के साइड में बेंचमार्क यानी फिक्स निशान चिन्ह स्थापित कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए हमारी सड़क कहाँ कहाँ से होके गुजर रही थी। उसके बाद आप फिर कंट्रोल खुंटी गाड़ देंगे, आप कुछ खुंटियाँ नियंत्रित खुंटियाँ गाड़ देते हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है मिट्टी का भराव कितना करना है, कटान कितना करना है। तो भराव और कटान के लिए नियंत्रण खुंटियाँ लगाना। उसके बाद आप भाई क्या करेंगे, आप मेकिंग रोड प्रोफाइल यानी सड़क का पार्श्व चित्र बनाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या कर देंगे, सबग्रेड तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अपने कैम्बर को और ढाल को भी चेक कर लेंगे, आपने कैम्बर ढाल कितना प्रोवाइड किया है। क्लियर भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये सब आप हटा दीजिए, डिटेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब सीधे किस पे आएंगे,
इनकी डिटेलिंग भाई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इनको एक एक बार। जैसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह था जंगल की सफाई, तो इसके बारे में क्या ही लिखना, ये तो आप जानते हैं अच्छे से, घास फूस होगी उसको हटा के साफ कर देंगे। फिर सेटिंग आउट रोड अलाइनमेंट, भाई सेटिंग आउट ऑफ रोड अलाइनमेंट का मतलब क्या है, जो आपकी सेंटर लाइन होती है मध्य रेखा उसको भूमि पर चिन्हित कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाई दिया था। तीसरा पॉइंट आपको समझाया था बेंचमार्क फिक्स करेंगे, ठीक है, सबग्रेड का जो लेवल है जिस पर आपको पेमेंट डालना है भाई, उसको शुद्धता से ज्ञात करने के लिए सड़क पट्टी के साथ साथ आप उचित दूरी पर अस्थाई बेंचमार्क यानी टेम्परेरी बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं, ठीक है भाई। जिन्हें किसी भी स्थाई बेंचमार्क से उठाया जाता, मतलब स्थाई बेंचमार्क के संदर्भ में आप अस्थाई बेंचमार्क स्थापित कर लेंगे कुछ, ताकि आपका एक तरह से ये पता चल जाए अलाइनमेंट कहाँ कहाँ से जा रहा था। फिर आपको बताया था खुंटियाँ गाड़ देंगे भाई, ठीक है, भूमि पर लगाई गई जो रेखा होती है सेंटर लाइन, वो भाई लुप्त हो जाने या फिर भराव में दब जाने की स्थिति में आप निर्माण समय में ही कार्य की सत्यता की जांच के लिए इन पर क्या करेंगे, लकड़ी की लंबी खुंटियां गाड़ देंगे, ताकि जो आपके अलाइनमेंट की लाइन थी या सड़क की रेखा थी वो दब ना जाए, ठीक है, इसलिए आप खुंटियां गाड़ देते हैं इस पर। फिर आपको बताई दिया कि जंगल की सफाई वाला पॉइंट यहाँ आ गया, इसको ऊपर कर लीजिएगा आप, नंबर पहला यही था, पहला पॉइंट जंगल की सफाई था। दूसरा पॉइंट आपका भाई सेटिंग आउट ऑफ रोड अलाइनमेंट था, बेंचमार्क फिक्स करना, फिर आपने खुंटियां गाड़ दी। खुंटियां गाड़ने के बाद आप रोड का प्रोफाइल बनाएंगे भाई। रोड प्रोफाइल में आप क्या करते हैं भाई, प्रत्येक 10 से 20 मीटर की दूरी पर आप सड़क का क्या करेंगे, आप इसमें भाई बांस डोरी प्रोफाइल तैयार करेंगे। बांस डोरी मतलब आपके जो बांस होते हैं उन्हें गाड़ देते हैं साइड में और डोरी बांध देते हैं उनमें, ठीक है। इसके लिए आप फॉर्मेशन लेवल की जो चौड़ाई है ना उसके बराबर जमीन में दो बांस गाड़ देंगे सीधे, और इनके बीच में भाई डोरी तान दी जाएगी डोरी, ठीक है। डोरी की जो ऊंचाई है वो सड़क के निर्माण लेवल तक रखी जाएगी। अब भराव की ढाल को भी प्रदर्शित करने के लिए आप बांस के भाई साइड में भी तिरछी डोरियां डाल देंगे। मतलब जैसे आपका ये है, मान लीजिए रोड आपको यहाँ तक भराव करना था, यहाँ तक आपको यहाँ तक भराव करना था, तो आपने क्या करना है, आपने भाई खुंटियां गाड़ देनी। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर आपको यहाँ तक रोड बनाना था, यहाँ तक आपको यहाँ तक, कैसे पता चलेगा मिट्टी हमें कितनी बीच में डालनी है, तो पहले आपने दो सीधे बांस खड़े कर दिए यहाँ पर, एक बांस ये खड़ा कर दिया, दूसरा बांस ये खड़ा कर दिया। हम रोड की प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं बच्चों। जब ये बांस आपके खड़े हो गए, इसके बाद क्या करना है, एक तो आपको क्षैतिज रस्सी बांध देनी है यहाँ पर, जहाँ पर आपका निर्माण तल है, फॉर्मेशन लेवल यहाँ तक है, जहाँ तक मिट्टी का भराव करना है, एक डोरी ऐसे। इसके अलावा साइड में स्लोप भी देना है, हमें ढाल देनी है, तो साइड में स्लोप देने के लिए आप जमीन में खुंटी गाड़ के और साइड में भी डोरी बांध देंगे, इस साइड को भी और इस साइड को भी, दोनों तरफ डोरियां बांध देंगे दोनों साइड में। अब इसके अंदर मिट्टी का भराव कर लेते हैं, बाद में फिर आप इस डोरियों को हटा देते हैं, इन बांस को निकाल लेते हैं, आपका पूरा फॉर्मेशन लेवल तैयार हो जाता है या मिट्टी का भराव हो जाता है। तो यही कहा गया है मेकिंग प्रोफाइल भाई, रोड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं समझ गए ना। ये काम कब करेंगे, 10 और 20, प्रत्येक 10 से 20 मीटर की दूरी पर, हर एक 10-10-20 मीटर की दूरी पर ये काम करते जाएंगे, ये आपका प्रोफाइल बनता जाएगा, फिर बाद में इसके ऊपर रोड डालते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझ आ गया भाई, बांस डोरी प्रोफाइल बनाते हैं। इसके लिए आप फॉर्मेशन लेवल की चौड़ाई के बराबर जमीन में पहले दो बांस गाड़ देंगे, जितनी फॉर्मेशन लेवल की चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेशन लेवल है, इस चौड़ाई में आपने क्या कर दिया भाई, दो बांस गाड़ दिए। इसके बाद क्या किया आपने भाई, इन बांस के मध्य में डोरी तान दी, सीधी खींच दी डोरी, ये डोरी खींच रही है सीधी, ये वाली, ये ठीक है। और इसके बाद बांस के साइड में भी भाई आपको तिरछी डोरियां तान दी जाती हैं। अब आपके पास तीन डोरी हो गई, दो साइड वाली डोरी होती हैं ये वाली, और एक बीच वाली ये वाली, ठीक है। इन तीन डोरी मिलकर सड़क का जो भाई क्रॉस सेक्शन है वो तैयार हो जाएगा पूरी तरह, ये रोड का क्रॉस सेक्शन हो गया जो ट्रेपेजॉइडल होता है। बात क्लियर है सबको, तो इस तरह से आपको रोड की प्रोफाइल तैयार कर लेनी होती है। प्रोफाइल तैयार करने के बाद क्या बताया था आपको आगे भाई, अब आप सबग्रेड तैयार कर देंगे, मिट्टी का भराव वगैरह सब हो ही गया, अब आपको सबग्रेड तैयार कर देना है। इसके बाद लास्ट में फिर आपको क्या कर लेना है, फिर आपको भाई कैम्बर और ढाल की जांच कर लेनी है, कैम्बर और ढाल को चेक कर लेना है। क्लियर हुआ सबको, चले बहुत बढ़िया। अब आगे सुनेंगे भाई, अब क्या इक्विपमेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड तैयार करने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। सबग्रेड का मतलब मिट्टी की भराव करना है, मिट्टी का भराव आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए भाई,
ट्रैक्टर चाहिए मिट्टी ढोने के लिए, बुलडोजर का भी यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा, ग्रेडर का यूज कर लेते हैं, सोवेल का यूज, रोलर का, डंपर का और ड्रैग लाइन का, ये कुछ उपकरण है जो मिट्टी कार्य में यूज होते हैं। जब आप सब ग्रेड तैयार करेंगे ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को ढोके लाते हैं, बुलडोजर से मिट्टी को भाई काट सकते हैं आप या उठा उठा के डाल सकते हैं अगर कहीं पर नीचे पोर्शन पर रोड बन रहा है तो। सोवेल का यूज भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। कौन है? वो मेरा वाला मोबाइल ले लो, उससे ब्लॉक कर दो सबको, फालतू कमेंट्स करे ब्लॉक कर दो उन्हें तो। भाई क्यों कर रहे हैं यार, आपका एग्जाम है आज, ये सब कमेंट्स कर रहे हैं क्या फालतू के? मैं ध्यान तक नहीं दे रहा कमेंट्स पर, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ब्लॉक हो जाएंगे अगर आप कोई फालतू कमेंट करेंगे तो। ठीक है भाई, सब ग्रेड तैयार करना आप सीख गए। अब आ गए आप सॉइल स्टेबलाइजेशन टॉपिक पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। हमने पेवमेंट बेटा पढ़ लिया अच्छे से, पेवमेंट के बाद हमने फिर सब ग्रेड तैयार करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे यहाँ पर सॉइल स्टेबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों ये। अब इस टॉपिक में क्या करना होगा आपको, मृदा का स्थिरीकरण करना है, यानी मिट्टी की सामर्थ्य बढ़ानी है, मिट्टी को और मजबूत करना है। अब मिट्टी को अगर आपको मजबूत करना है तो कैसे करेंगे भाई? अगर आपकी मिट्टी की धारण, देखिए पहले तो ये मतलब समझिए स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है। अगर आपको स्टेबल करना है, स्टेबल का मतलब मिट्टी की धारण क्षमता बढ़ानी है, क्या करना है आपको? अगर कोई खराब या फिर कम धारण क्षमता वाली मिट्टी है, अगर आपको इसके भौतिक गुणों में सुधार करना है भाई, क्या करना है? भौतिक गुणों में सुधार करना है तो आपको फिर मिट्टी का स्थिरीकरण करना होगा। तो किसी भी खराब या कम धारण क्षमता वाली मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार करने को ही हम कहते हैं मिट्टी का स्थिरीकरण, यानी सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, आप लोग कमेंट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्लीज कमेंट्स रोक के पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, आप कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, कुछ फालतू बच्चे हैं इसमें, उनकी वजह से अच्छे बच्चों का लॉस हो जाता है फिर। ठीक भाई, सॉइल स्टेबलाइजेशन कहते कैसे हैं सबको समझ आ गया? आप जो मिट्टी डाल रहे थे सब ग्रेड में नीचे, अब ऐसा तो है नहीं आप खराब मिट्टी डाल देंगे, पहले आप उस मिट्टी को टेस्ट करेंगे कि वो लोड को सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब आपको पता चला कि आपकी खराब या फिर कम धारण क्षमता वाली मिट्टी है, अब आपको इसकी धारण क्षमता बढ़ानी है, इसके भौतिक गुणों में सुधार करना है, तो आप जो काम करेंगे इसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए, कुछ ना कुछ मिलाएंगे इसमें, तो उसी को हम कहते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। अब सॉइल स्टेबलाइजेशन कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो टोटल मिला के 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का कौन कौन सा? सबसे पहला प्रकार हो गया आपका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप सॉइल स्टेबलाइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया कि हमें सॉइल की जो कम या फिर खराब धारण क्षमता है उसको बढ़ाना है, इसके भौतिक गुणों में सुधार करना है। तो इसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए हम इसमें कुछ नए पदार्थ मिलाते हैं भाई, सॉइल के साथ में कुछ नए पदार्थ ऐड कर देते हैं जिसके द्वारा मिट्टी जो होती है इसके भौतिक गुण सुधर जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें पदार्थ के रूप में आप किस किस का यूज कर सकते हैं भाई? इसमें आप सीमेंट का यूज कर सकते हैं, सॉइल में जब सीमेंट मिलाएंगे आप इसके गुणों को सुधारने के लिए तो वो सीमेंट स्टेबलाइजेशन कहलाएगा। अगर आप सॉइल में लाइम मिलाएंगे, लाइम चूना, तो भाई सॉइल में चूना मिलाएंगे इसके गुणों में सुधार करने के लिए, फिर वो आपका लाइम स्टेबलाइजेशन बन जाएगा। अगर आप सॉइल में नए पदार्थ के रूप में बिटुमिनियस मटेरियल मिलाएंगे या बिटुमिनियस पदार्थ मिलाएंगे, फिर वो आपका भाई बिटुमिन वाला स्टेबलाइजेशन बन जाएगा। सीमेंट स्थिरीकरण, चूना स्थिरीकरण, बिटुमिन स्थिरीकरण। इसके बाद अगर आप फ्लाई ऐश मिला रहे हैं, फ्लाई ऐश सॉइल के साथ में आपने फ्लाई ऐश मिला दिया तो आपका फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो भाई चार तो ये हो गए, सीमेंट वाला स्टेबलाइजेशन, लाइम का स्टेबलाइजेशन और बिटुमिन स्टेबलाइजेशन, इसके बाद फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन, ऐश मतलब राख होता है, ठीक है, फ्लाई ऐश। इसके बाद दो मेथड और हैं इसमें, आप मैकेनिकल मेथड का यूज कर लेते हैं और आप केमिकल मेथड का यूज भी कर लेते हैं। तो दो मेथड है भाई इसमें, एक मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन और दूसरा केमिकल स्टेबलाइजेशन। तो दो तो तरीके हो गए यहाँ पर सॉइल के गुणों में सुधार करने के, एक मैकेनिकल दूसरा केमिकल, और चार ऐसे नाम हैं जिनमें सॉइल के साथ में चार नए पदार्थ मिला रहे हैं, उसके आधार पर चार नाम पड़ जाएंगे। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन टोटल 6 प्रकार के हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमें तो सिर्फ मिट्टी के गुणों में सुधार करना है, तो बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन आपको ये चार पढ़ने हैं सिर्फ,
मैकेनिकल, केमिकल, सीमेंट, लाइम, बिटुमिनियस और फ्लाई ऐश, ये छह हैं। एक एक करके इन छहों के बारे में सुनिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। तो भाई मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन क्या होगा बच्चों? तो जब आप सब ग्रेड की जो सॉइल होती है, सब ग्रेड सॉइल, ये कमजोर हो या इसकी धारण क्षमता कम हो, तो भाई आपको स्थिरीकरण करके सुधार करेंगे इसमें। तो जो आपका मृदा स्थिरीकरण होता है, इसकी भाई इस मैकेनिकल विधि में, यानी इस विधि में आप 2:1 का सेंड और क्ले लेंगे। भाई सेंड और क्ले यूज करेंगे। क्ले, क्ले कहते हैं मृतिका को। किस रेशियो में? 2:1 के अनुपात में, ठीक है। इसको लेंगे, इस पर करेंगे पानी का छिड़काव। भाई इस पर पानी का छिड़काव करके इसकी कुटाई करेंगे, जिससे जो सॉइल है भाई अधिक सामर्थ्यवान हो जाती है। तो आप मृदा जो है बालू के कणों में, कणों को आपस में बांधे रखती है। जो यहाँ पर आप किले मिला रहे हैं ना सेंड में, तो सेंड के जो पार्टिकल्स हैं इसको आपस में बांधने के लिए किले मिला रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैकेनिकल मेथड में आपने क्या किया, ये एक यांत्रिक विधि है। इसमें आपने, आपके पास ये वाली मिट्टी है, ये सेंड है, क्योंकि हम सेंड नीचे डाल रखी है हमने, सेंड में हम किले और मिला देंगे। तो हम सेंड और किले, मैकेनिकल मेथड में सेंड और किले 2:1 में लेकर के इनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, इनकी कुटाई करते जाते हैं। इससे भाई जो आपकी सॉइल थी उसकी सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो सेंड होती है इसके अंदर भाई किले जो है ना, किले वो सेंड के पार्टिकल्स को बांध कर रखेगा। किले में पानी मिला देंगे तो इसमें बाइंडिंग का गुण आ जाता है, बंधक पदार्थ की तरह काम करता है। और मृदा की अगर आप अनुकूलतम जलांश पर कुटाई कर रहे हैं रोलर के द्वारा या फिर दुर्मुट के द्वारा, तो इससे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य आपको मिल जाएगी। इसलिए हमें अनुकूलतम जलांश पर कुटाई करनी चाहिए, और रोलर को कम से कम 6-8 बार चला के कुटाई की जाती है। तो मैकेनिकल मेथड में बस यही करना है, सैंड और क्ले यूज करने हैं 2:1 में, इनकी कुटाई कर देनी है पानी का छिड़काव करके, यहाँ से ये मजबूत हो जाएगा। ये मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन था। केमिकल स्टेबलाइजेशन में क्या करेंगे भाई? केमिकल स्टेबलाइजेशन में आपकी जो मिट्टी है, सॉइल, आप इसमें कुछ केमिकल मिला देंगे। आप इसमें क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स ऐड कर देंगे, कुछ केमिकल्स, ठीक है। इस विधि में मृदा में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं बच्चों। इसके लिए किसका यूज कर लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। भाई कई बार हम सोडियम क्लोराइड का यूज भी कर लेते हैं, सोडियम और क्लोराइड, जिसे आप लोग नमक कहते हैं, नमक, NaCl। इसके अलावा हम कैल्शियम क्लोराइड भी यूज कर लेते हैं, CaCl2। ये भी हम मिला देते हैं केमिकल के रूप में मिट्टी के साथ में, ठीक है भाई। इन सब का यूज किया जाता है, मृदा रसायन के साथ मिलकर के वातावरण से नमी ग्रहण करके सामर्थ्यवान और टिकाऊ बन जाती है। इसकी कुटाई भी अनुकूलतम जलांश पे की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इन मेथड के साथ में बच्चों ये याद करना है कौन से मेथड में क्या कर रहे हैं हम। तो हमें सॉइल के गुण सुधारने हैं। मैकेनिकल मेथड में सेंड और क्ले का अनुपात दे रहे थे 2:1 और कुटाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉइल में केमिकल्स मिलाएंगे। इन केमिकल्स के रूप में हमें NaCl मिला सकते हैं, नमक, या फिर आप कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 भी मिला सकते हैं। इसे मिलाने से क्या होगा भाई, इसे मिलाने से जो सॉइल है आपकी वो क्या करेगी, वातावरण से नमी ग्रहण करेगी और सामर्थ्यवान और टिकाऊ बन जाएगी। तो यही हमें करना था। आगे आता है तीसरा मेथड, सीमेंट स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या करेंगे आप, आपके पास भाई जो सॉइल है, आप उस सॉइल में बच्चों सीमेंट मिला देंगे, सीमेंट, ठीक है। क्या मिला देंगे? सीमेंट, लेकिन एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं। मृदा स्थिरीकरण की इस विधि में मिट्टी में सीमेंट मिलाकर, कितनी सीमेंट मिलाते हैं भाई, लगभग 5 से 10%, भाई 5 से 10% सीमेंट मिलाते हैं। इस पर पानी छिड़क करके फिर इसकी कुटाई कर देते हैं। तो इस मृदा की कम से कम 7 दिन तक तराई की जाती है भाई, क्योंकि सीमेंट मिलाई है, तराई करनी पड़ेगी। इससे आपकी मिट्टी सामर्थ्यवान और टिकाऊ बन जाती है। इसके बाद अगला था लाइम स्टेबलाइजेशन। इसमें आप सॉइल में क्या मिलाएंगे बच्चों, इसमें सॉइल में आपको लाइम मिलाना होता है, चूना। कितना मिलाएंगे? तो कम मात्रा में मिलाते हैं, लगभग 1.5 से 2.5% तक मिला दीजिए, ठीक है, लाइम जो मिलाएंगे हम इसमें, क्लियर भाई। तो इस विधि में काली कपासी मिट्टी का भाई, सबसे पहले लाइम स्टेबलाइजेशन में आपका काली कपासी मिट्टी का स्टेबलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें सॉइल में चूना लगभग 1.5 से 2.5% मिला के इसकी कुटाई करेंगे। इससे भाई मिट्टी की सामर्थ्य और टिकाऊपन दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए ध्यान से भाई, आगे सुनिए ध्यान से। इसके बाद बिटुमिनियस स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें सॉइल में आप भाई विटामिन मिला देंगे, विटामिन मिला देंगे, विटामिन सॉइल में विटामिन मिलाएंगे। विटामिन मिलाने से क्या होगा, इसके गुणों में सुधार हो जाएगा। इस विधि में मिट्टी के अच्छे से कुटाई करके इस पर भाई विटामिन या फिर कोलतार को गर्म करके डाला जाता है।
जो मृदा के कणों को आपस में चिपकाने का कार्य करता है और मिट्टी आपकी सामर्थ्यवान और टिकाऊ बन जाती है। समझ आ गया सब बच्चों को? भाई बोलिए समझ आ गया ये चीज सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। इसके बाद फ्लाइएस स्टेबलाइजेशन लास्ट है आपका। फ्लाइएस का मतलब क्या हो गया भाई? फ्लाइएस होता क्या है आपका? तो पिसा हुआ कोयला जलाने पर जो आपको धूल या धुएं के साथ निकल, मतलब जो धूल आपके धुएं के साथ निकलेगी भाई, पिसा हुआ कोयला जब आप जलाते हैं ना, तो जो उसमें से धूल जैसी निकलती है या राख, सीधे कह दीजिए पिसे हुए कोयले को जलाने पर उसकी जो राख बनेगी उसी को हम कहते हैं फ्लाइएस। तो भाई जिसे हम फ्लाइएस कहते हैं, अब आप क्या करेंगे, अब जो आपकी कमजोर सॉइल है उसमें आपने फ्लाइएस मिला दिया बच्चों, क्या मिला दिया? फ्लाइएस। फ्लाइएस मिलाने से भी इसके गुणों में सुधार हो जाएगा। तो भाई कमजोर मिट्टी के स्थिरीकरण में इसका यूज किया जाता है। इसके स्थान पर आप भाई चीनी मिल से निकलने वाला जो सीरा होता है, भाई सीरा समझ रहे हैं, मिल से जो सीरा निकलता है या तो ये मिला दो, या इसकी जगह पर आप चीनी मिल से जो सीरा निकलता है ना, चीनी मिल का जो सीरा होता है, सीरा आप उसे भी मिला सकते हैं। तो फ्लाइएस मिला दो या चीनी मिल वाला सीरा मिला दो, उससे भी आप फ्लाइएस स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपने मिट्टी के गुणों में सुधार करना सीख गए बच्चों। टोटल कितने बताए थे भाई मैंने? टोटल बताया था आपको छह मेथड। सबसे पहला आपको बताया था बच्चों मैकेनिकल मेथड, दूसरा बताया था केमिकल मेथड, तीसरा बताया था आपको सीमेंट मिला करके सीमेंट स्टेबलाइजेशन, चौथा बताया था बच्चों लाइम स्टेबलाइजेशन, पांचवा बताया था आपको बिटुमिनियस स्टेबलाइजेशन, और छठा आपका हो गया बच्चों फ्लाइएस। छठा क्या हो गया? फ्लाइएस स्टेबलाइजेशन। टोटल छः हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस मिट्टी के गुणों में सुधार करना है, इसकी सामर्थ्य और टिकाऊपन को बढ़ाना है। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में बोरोपिट क्या होता है, एक बार सब बच्चे लाइक करें भाई। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट था बच्चों आपका, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। जल्दी लाइक करिए, बस खत्म होने वाला चैप्टर, ज़्यादा नहीं है, जल्दी से लाइक करें सभी बच्चे। इस पर आगे भाई हम बोरोपिट क्या होता है, बोरोपिट इसे खत्म होने के बाद बाकी चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, यूं ही जाएंगे 10-10-20-20 मिनट में। जल्दी से लाइक करें सब बच्चे एक बार, जितने बच्चे जुड़े हैं अपने साथ सभी बच्चे लाइक कर दें सेशन को। अब आते हैं बोरोपिट पर। बोरोपिट मतलब जानते हैं आप लोग? बोरोपिट का मतलब है जब आप सड़क बना रहे हैं, यहाँ पर आपको पता चल गया आपने सड़क बनाने के लिए मिट्टी का भराव करना है भाई। मिट्टी का क्या करना है बच्चों? मिट्टी का भराव करना है या मिट्टी की फिलिंग करनी है, आपको मिट्टी भरनी है इसमें। तो मिट्टी भरने के लिए साइड में जमीन है आपके पास भाई, जमीन तो होगी इधर आसपास, इसके साइड में जमीन तो होगी ही। तो आप इस जमीन से कहीं पर गड्ढा करके भाई, जमीन में गड्ढा करके यहाँ से मिट्टी उठा के लाएंगे और यहाँ भरेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो आप सड़क के पास में ही, थोड़ा सा दूर, ऐसा नहीं बिल्कुल पास में, थोड़ा दूरी पर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से जा करके और मिट्टी खोदेंगे गड्ढा करके और यहाँ ला के फिल कर देंगे। तो जिस जगह से मिट्टी खोद के लाते हैं और वहाँ पर जो गड्ढा हो जाता है सड़क का भराव करने के लिए, जिस गड्ढे को खोद करके मिट्टी ला रहे हैं आप, वो गड्ढा ही आपका बोरोपिट कहलाता है, ठीक है। अब ये बोरोपिट भाई सड़क बनाने के लिए आसपास जमीन किसानों की होगी, तो ये जमीन किसानों से ली जाती है, अधिग्रहण किया जाता है सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा दे करके इस जमीन का, ठीक है। बाकी फिर उन्हें जमीन वापस कर दी जाती है मिट्टी निकालने के बाद। तो यहाँ से किसानों से मिट्टी, कई बार तो बहुत लोग जिनकी ज़मीनें ऊंची नीची होती हैं मुफ्त में जब मिट्टी उठवा देते हैं, कई बार उसका मुआवजा देना पड़ जाता है, ठीक है। तो भाई सड़क भराव में, अगर सड़क आपको भराव में बनानी है, फिलिंग में बनानी है, तो भराव के लिए आवश्यक मिट्टी सड़क के बगल से निजी भूमि से ली जाती है, जिसके लिए मानक गड्ढे भूमि में बनाए जाते हैं, इन्हीं को बच्चों बोरोपिट कहते हैं, ठीक है। इससे निकाली गई मिट्टी का जो मुआवजा है भाई, ये भी भूमि के मालिक को दिया जाता है, और मिट्टी लेने के बाद ये भूमि उसे वापस कर दी जाती है। बिल्कुल आसान है, समझ आ गया सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट टॉपिक सुनिए, अभी इसमें बोरोपिट से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया बोरोपिट होता क्या है, सड़क बना रहे हैं फिलिंग में मिट्टी भरनी है, तो पास की जमीन से आपको मिट्टी खोद के लानी है, तो जो गड्ढा बनेगा वहाँ बोरोपिट कहलाएगा। बोरोपिट बनाने के लिए भाई जो भी जमीन का मालिक होता है उसको मुआवजा दिया जाता है, फिर जब आप मिट्टी यूज कर लेते हो उसके बाद उसकी जमीन उसे वापस कर दी जाती है, ठीक है। अब जो भाई बोरोपिट होते हैं आपके, वो आकार में वर्गाकार या आयताकार हो सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भाई। बोरोपिट जो होते हैं आपके, खदान कहते हैं हिंदी में, बोरोपिट जो होते हैं सड़क के बाहरी किनारे से कम 5 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए,
बिल्कुल पास नहीं लगा देंगे, रोड के बिल्कुल बाहर वाले किनारे से लगभग 5 मीटर दूर जाके बनाएंगे आप उस गड्ढे को। ठीक है भाई, मिट्टी के आयतन के अनुसार इसका जो माप है वो कुछ भी रखा जा सकता है। भूमि की ऊपरी परत जिस पर घास फूस इत्यादि होते हैं इन्हें काट कर पहले हटा देना चाहिए, तब आपको बोरोपिट करना चाहिए। भाई प्रत्येक 30 मीटर के अंतराल पर 3 मीटर की पट्टी छोड़ देनी चाहिए बोरोपिट के लिए। ऐसा नहीं कि आप गड्ढा लगातार रोड के किनारे किनारे पूरी सड़क के साइड में गड्ढा बनाते जा रहे हैं, लगभग आपने प्रत्येक 30 मीटर के गैप पर 3-3 मीटर की पट्टी छोड़ते जाएंगे। भाई खदान को बस्तियों से कम 800 मीटर दूरी पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का जो पानी है भाई वर्षा होने पर वहां पर पानी भर जाए, और पानी भरने से क्या होगा लोगों को नुकसान ना हो क्योंकि बीमारियां फैलती हैं इससे। आगे बात करते हैं भाई, इसके बाद आपका बोरोपिट हो गया। अब स्पॉइल बैंक क्या होता है, ये बेटा ऐसे पॉइंट है जो टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है आपसे, स्पॉइल बैंक क्या होता है। स्पॉइल बैंक आप सबको पता है, आपको यहाँ सड़क बनानी थी, आपने सड़क बनाई, ठीक है, सड़क बनाने के बाद दोनों तरफ नालियां बना दी आपने। अब आपने जो मिट्टी एक्स्ट्रा बची थी आपकी, सपोज आप रोड कटिंग में बना रहे बेटा, फिलिंग में बनाने के लिए तो बोरोपिट बनाना पड़ता है, मिट्टी भरने के लिए बगल वाली जमीन में गड्ढा करना पड़ता है, वो आपका बोरोपिट हो गया। अब आपका रोड जो जमीन ऊंची है, आपको जमीन को काटना है, मिट्टी काट के तब रोड बनाना है, तो कटी हुई मिट्टी क्या करेंगे आप भाई, सड़क के किनारों पर दूर जाके साइड में लगाएंगे। तो जो आप ऊपर लगा देते हैं मिट्टी साइड में किनारों पर, जो ढेर लग जाता है मिट्टी का वो कहलाता है स्पॉइल बैंक। बैंक मतलब किनारा, स्पॉइल मतलब ढेर मिट्टी का, ठीक है, स्पॉइल बैंक मतलब किनारे पे आपने मिट्टी का ढेर लगा दिया। ठीक है, तो भाई जब सड़क खंड जो है खुदाई से प्राप्त अतिरिक्त मिट्टी, भाई जब आप मिट्टी रोड किस में बना रहे हैं, कटिंग में बना रहे हैं, और खुदाई से आपको जो अतिरिक्त मिट्टी प्राप्त हुई है उसको सड़क के समांतर आप पेवमेंट या फिर बर्म से हटकर एक ट्रिपेजोडल समलंबाकार ढेर, ये ट्रिपेजोडल शेप का समलंबाकार, समलंबाकार ढेर के रूप में डाल देते हैं, तो इस अतिरिक्त मृदा बंद को ही कहते हैं बेटा स्पॉइल बैंक। सिंपल है, बहुत आसान है, स्पॉइल बैंक क्या होता है समझ गए आप, स्पॉइल बैंक समझ गए बेटा सब बच्चे। अब इस बंद की शीर्ष की जो ढाल होती है, जो स्लोप होता है भाई, ये वाला स्लोप, ये वाला, ये 1.5:1 रखा जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ताकि बारिश का जो पानी है भाई वो खेतों की तरफ बह जाए, इसलिए स्लोप रखते हैं इसमें बाहर की तरफ लगभग 1.5:1 का। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, स्पॉइल बैंक के बाद भाई, स्पॉइल बैंक सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं वाटर बाउंड मैकाडम रोड पर। वाटर बाउंड मैकाडम रोड क्या होते हैं बच्चों आपके, वाटर बाउंड मैकाडम रोड क्या होते हैं आपके, वाटर बाउंड मैकाडम रोड में सुनिए ध्यान से, इस सड़क का जो विकास है सबसे पहले किसने किया था भाई, जॉन मैकाडम ने किया था। वाटर बाउंड मैकाडम रोड का विकास किसने किया था, जॉन मैकाडम ने किया था, इनके नाम पर ही सड़क का नाम पड़ा था भाई, मैकाडम रोड। ठीक है, नियमित सॉरी अनियमित भाई, अनियमित आकार और साइज की गिट्टी को एक दूसरे से सटाकर और रोलिंग करके आप एक पिंड के रूप में बांधने की क्रिया को हम कहते हैं जलबद्ध मैकाडम। जलबद्ध मैकाडम का मतलब क्या है, वाटर बाउंड का मतलब होता है बच्चों कि आपने अनियमित आकार और साइज की जो गिट्टी है इसको एक दूसरे से सटा करके और इसके ऊपर रोलर चला के पानी का छिड़काव करके अच्छे तरह से इनको आपस में बांध दिया, तो इनको आपस में बांधने की क्रिया को ही जलबद्ध मैकाडम कहा जाता है। रोलर करते समय आपको ध्यान रखना है कि पत्थर की जो रिक्तियां होती हैं उन्हें भरना है। इन रिक्तियों को भरने के लिए आप स्क्रीनिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनिंग मतलब पत्थर को छानने पर जो चूरा बच जाता है उसको भर सकते हैं वॉइड्स में। इसके अलावा मूरम भर सकते हैं आप, या फिर भाई पत्थर का चूरा भर सकते हैं, स्टोन डस्ट या डालकर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, तो इससे पत्थर के जो बीच में गैप होता है वो भर जाता है। ठीक है, इसकी मोटाई भाई 8 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। क्लियर भाई, चलिए बहुत बढ़िया। जब रोलिंग करते समय पानी के स्थान पर आप कोल तार या बिटुमिन का यूज कर लेंगे, फिर आपका ये बिटुमिन मैकाडम रोड बन जाएगा। तो भाई इसे कहेंगे आप टार मैकाडम या बिटुमिन मैकाडम रोड, बिटुमिन मैकाडम रोड बन जाएगा फिर ये। अगर पानी का यूज कर रहे हैं, छिड़काव करके पानी का यूज करके आप तब इसको आपस में बांध रहे हैं अनियमित आकार के, और अनियमित आकार और साइज के जो पार्टिकल्स थे, जो ग्रेवल थे, उनको बांध रहे हैं आपस में आप पानी का यूज करके, तो आपके वाटर बाउंड मैकाडम है। पानी की जगह पर अगर आप बिटुमिन का यूज कर रहे हैं इन्हें आपस में बांधने के लिए, बिटुमिन भी चिपचिपा पदार्थ है, तो आप अगर आपस में बांधने को बिटुमिन का यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई आपका, ये फिर बिटुमिनियस मैकाडम रोड हो जाएगा। अब आता है आपका कंस्ट्रक्शन मेथड भाई, जो आपका वाटर बाउंड मैकाडम रोड है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले सबग्रेड तैयार करते हैं, सिर्फ स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सबग्रेड तैयार करना होता है। सबग्रेड तैयार करने के बाद आपको किनाराबंदी करनी है साइड में,
ना आपको रोड की सीमा बना दी, इसके बाद आपने बेस कोर्स तैयार करना है। मतलब आपको पता है चार लेयर टोटल तैयार करनी है। सबसे पहले लेयर आपने तैयार कर लिया सब ग्रेड। सब ग्रेड, सब ग्रेड कैसा बनता है आपका, इस तरह का होता है सब ग्रेड ऐसा। मतलब इसमें मिट्टी का भराव कर रखा है आपने, यहाँ पर क्या कर रखा है बच्चों, मिट्टी का भराव कर रखा है। तो आपका सब ग्रेड तैयार हो गया, सब ग्रेड पहली लेयर। सब ग्रेड के बाद फिर क्या करना है आपको भाई, इसके बाद आपको कर्विंग करनी है, यानी किनारा बंदी। किनारा बनाएंगे आप इनका, किनारा स्लोप की फॉर्म में ही तो होता है भाई किनारा। इसके बाद ये किनारा बंदी कर लिया आपने इसकी। किनारा बंदी करने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे आप, सब ग्रेड के बाद आपको बताया था आप सब बेस भी बना सकते हैं भाई, सब बेस भी बना सकते हैं। लेकिन सब ग्रेड आपका अगर मजबूत है तो सब बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ग्रेड कमजोर है तो आपको फिर सब बेस भी बना लेना, आप चाहे तो ऐड ऑन कर लेना इस चीज़ को कि आप यहाँ पर सब बेस भी बना सकते हैं। सब बेस के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बेस कोर्स तैयार करना है। फिर बच्चों आपको बेस कोर्स तैयार करना है, बेस कोर्स, बात क्लियर है, बेस कोर्स तैयार करेंगे आप। बेस कोर्स तैयार करने के बाद सबसे ऊपर फिर बियरिंग कोट डालेंगे, बियरिंग कोट, ये आप सबको ऑलरेडी पता है पहले से। तो भाई फिर आपने क्या किया, बेस कोर्स तैयार किया, फिर बियरिंग कोट, बियरिंग कोट के बाद फिर तराई कर देंगे इसकी, फिर बर्म बना देंगे, फिर रोड को आप खोल देंगे यातायात के लिए। खत्म, बन गया रोड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो कंस्ट्रक्शन मेथड आप सबको समझ आ गया भाई। अब इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना था आपको, बस ये समझने थे स्टेप इसके। मैकाडम रोड के लाभ क्या होते हैं भाई, तो इस सड़क को स्थानीय सामग्री और श्रमिकों द्वारा बनाया जा सकता है, इसलिए ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इनकी लागत भी कम होती है मैकाडम रोड की। इस सड़क से लगभग 900 टन प्रति लेन प्रतिदिन वाहन गुजर सकते हैं। मतलब एक दिन में सिंगल लेन से 900 टन वजन वाले व्हीकल्स इस रोड से गुजर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आप अनुरक्षण समय समय पर करते रहें, इसकी आयु भी आप बढ़ा सकते हैं, ये इसके लाभ हो गए। क्लियर भाई, चलिए अब आता है बैट मिक्स मैकाडम क्या होता है। बैट मिक्स मैकाडम गीली मिक्सिंग करेंगे मैकाडम में आप इसमें भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें उपयोग की गई गिट्टी छोटे आकार की होती है। इनका आकार भाई कितना होता है, 4.75 से और 20 mm होता है, ठीक है। तथा जो बाइंडर होता है भाई, बाइंडर, बाइंडर के रूप में किस बाइंडर यूज करेंगे आप इसमें। बाइंडर से क्या होगा भाई, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, मतलब जिस बाइंडर को आप यूज करेंगे उसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 6% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें मिक्सिंग मशीन का यूज करेंगे या फिर बैचिंग प्लांट, इनके द्वारा आप इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर इसे सड़क पर बिछाने और इसकी कुटाई करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है भाई। ये बात सबको समझ आ रही है, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे। बैट मिक्स मैकाडम में क्या करते हैं आप, मैकाडम सड़क में जो पदार्थ यूज कर रहे थे उन्हीं सब पदार्थों को मिक्स करके यूज करेंगे। इस पर गीली मिक्सिंग करके जब मैकाडम रोड तैयार किया जाता है तो वो बैट मिक्स मैकाडम रोड बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है भाई, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटिव, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिटुमिनियस रोड क्या होंगे भाई, तो आप सबको बता ही दिया, बिटुमिनियस रोड कौन से होंगे, जो वाटर बाउंड मैकाडम रोड था उसमें जब आप पानी की जगह पर बिटुमिन का यूज कर रहे हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, अनियमित आकार के आप जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको बांधने के लिए बिटुमिन का यूज कर रहे हैं, उन्हें बाइंड करने के लिए, चिपकाने के लिए, जब आप बिटुमिन का यूज करेंगे तो जो आपके रोड तैयार होंगे वो बिटुमिनियस मैकाडम रोड होंगे भाई। ग्रीष्म ऋतु में जलबद्ध मैकाडम सड़क पर धूल अधिक उड़ती है तथा वर्षा होने पर कीचड़ हो जाती है, अतः ऐसी सड़कों को सुधारने के लिए इसके ऊपर बिटुमिन या कोल तार का प्रलेपन कर दिया जाता है। बिटुमिन का प्रयोग होने के कारण ये सड़कें बिटुमिन सड़कें कहलाती हैं, ठीक है भाई। इसके ऊपर की सड़क जो काली दिखाई देती है इसीलिए इसे काली पृष्ठ वाली सड़क भी कहते हैं। ये भाई आपका बिटुमिन रोड हो गया, ठीक है। और बाकी आप यहाँ डायग्राम दिखा रखा है, सिर्फ काली वाली सड़कें हैं ये सब बिटुमिन रोड, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपके कंक्रीट रोड कौन से होते हैं, इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से। कंक्रीट रोड कौन से होते हैं बच्चों, कंक्रीट रोड का सुनेंगे ध्यान से। सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क होती है वो मुख्यतः उसके टिकाऊपन और कठोरता के कारण अच्छी सड़क मानी जाती है भाई। ये रिजिड पेवमेंट की सड़कें होती हैं, सड़क कंक्रीट की सड़क को रिजिड पेवमेंट वाली सड़क भी कहते हैं, ठीक है। ये सड़क भाई सीमेंट की और मिलावे की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे सीमेंट कंक्रीट वाली सड़कें आपने अच्छे से देखी हैं, इनमें जो जो पदार्थ यूज होते हैं उन सबका नाम आप लिख के चले आएंगे, इसके द्वारा हम इनको बना लेते हैं। इसकी आयु भाई ज़्यादा होती है, लेकिन
इसकी जो लागत है वो अधिक होती है, मतलब ये चलती बहुत है लेकिन इसकी लागत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है इसका भाई, तो इसके कंस्ट्रक्शन के टोटल 11 स्टेप हैं, 11 स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सब ग्रेड तैयार करेंगे, लगभग सेम स्टेप है बच्चों। सबसे पहले सब ग्रेड तैयार करेंगे, फिर सब बेस तैयार करेंगे। सब ग्रेड सब बेस तैयार करना है, पहले आपने क्या किया भाई, सब ग्रेड तैयार कर लिया। सब ग्रेड मतलब समझ रहे हैं, ये आपका हो गया सब ग्रेड, मिट्टी का भराव कर लिया आपने, या जहाँ से मिट्टी के कटान करना था मिट्टी की कटिंग कर ली, ये आपका सब ग्रेड हो गया। सब ग्रेड, सब ग्रेड या मिट्टी भर करके सब ग्रेड आपका तैयार हो गया। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ये आपकी लेयर है सब ग्रेड। सब ग्रेड के ऊपर आपको सब बेस तैयार करना है। सब बेस तैयार हो गया आपका, मतलब आपका नीचे अब मिट्टी वाला पोर्शन पूरा तैयार हो गया। अब ऊपर आपको कंक्रीट डालनी है। कंक्रीट डालने से पहले हम साइड में फॉर्म वर्क लगाते हैं बच्चों, कंक्रीट वाले रोड में। सब ग्रेड बनाया, सब बेस बनाया, ये बिटुमिन वाला रोड होता तो सब बेस सब ग्रेड के बाद बेस कोर्स डाल के और ऊपर से आप फिर बियरिंग कोट प्रोवाइड कर देते, उसके बाद कैम्बर वगैरह चेक कर लेते, रोड आपका फिनिश हो जाता। लेकिन कंक्रीट के रोड में थोड़े से आपको ज़्यादा स्टेप यूज करने हैं। पहले बेंचमार्क सॉरी पहले आपको सब ग्रेड तैयार करना है, फिर सब बेस तैयार करना है, फिर आपको फर्माबंदी करनी है, फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क हो जाने के बाद फिर आपको भाई बेस की तराई करनी है। जो आपने ये बेस तैयार किया ना मिट्टी वाला बेस, इसकी तराई करेंगे अच्छे से पानी से। ठीक है, तराई करेंगे ताकि इसका नीचे सेटलमेंट पहले ही हो जाए, बाद में ना हो। ठीक, तराई कर लिया आपने भाई, यानी आधार को गीला कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, इसमें जॉइंट बनाएंगे, जॉइंट भाई ट्रांसवर्स जॉइंट बनाएंगे, अनुप्रस्थ जोड़। जोड़ बनाना जरूरी है इसमें, जोड़ नहीं बनाएंगे तो फिर इसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप भाई प्रिपेयर करेंगे, किसको प्रिपेयर करेंगे, कंक्रीट को। कंक्रीट तैयार करेंगे और कंक्रीट बिछा देंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कंक्रीट बिछा देनी है आपको। कंक्रीट बिछाएंगे तभी तो आपका जो सीमेंट कंक्रीट था, सीमेंट कंक्रीट स्लैब जो तीसरी लेयर होती है वो तैयार होगी। फिर आपने कंक्रीट बिछा दी, फिर सरफेस को कंपैक्ट कर दिया रोलर और वाइब्रेटर के द्वारा, फिर सरफेस की फिनिशिंग कर दी। फिर आपको इसकी भी तराई करनी है ऊपर वाले पोर्शन की। इसके बाद किनाराबंदी करनी है और ट्रैफिक के लिए फिर रोड को खोल देना है। ये टोटल स्टेप हो गए भाई इसके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इन स्टेप को बहुत डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, ये आपको पता है सब ग्रेड वगैरह कैसे तैयार किया जाता है, सिर्फ इनके नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा और अपनी लैंग्वेज में भी आप इनके बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं। क्लियर भाई, इनकी डिटेलिंग अगर आपको करनी है तो अपने से आप कर सकते थे इनकी डिटेलिंग। बात क्लियर है भाई, ये सब स्टेप समझ आ गए। कंक्रीट का रोड आपको पता चल गया क्या होता है, आपको कंक्रीट रोड को इसके निर्माण के स्टेप समझ आ गए, कौन कौन से स्टेप हैं, इनके बारे में आराम से लिख सकते हैं दो दो तीन तीन लाइन आप अपने से, बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप जॉइंट इन कंक्रीट रोड। भाई कंक्रीट रोड में कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। कंक्रीट रोड में कौन कौन से प्रकार के जॉइंट होते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट की सड़क में टेम्परेचर परिवर्तन के कारण प्रसार होता है या फिर भाई सिकुड़ती है जो कंक्रीट की सड़क होती है टेम्परेचर के कारण। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रसार होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़न होगा। इसकी वजह से क्या करते हैं, इन सड़कों में क्रैक्स ना आ जाएं, इसलिए सड़कों में भाई जोड़ दिए जाते हैं ताकि कंक्रीट की स्लैब में दरार ना पड़े, क्रैक्स ना पड़े। दरार पड़ने से जो जल है भाई वो सब ग्रेड में प्रवेश कर जाएगा नीचे, और सब ग्रेड में एक बार प्रवेश कर गया तो रोड की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, गड्ढे बन जाएंगे रोड में, वहाँ से रोड नीचे बैठ भी सकता है। ठीक है, तो जॉइंट भाई दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स जॉइंट, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ये जॉइंट क्या है भाई, ये सड़क है कोई आपकी, सपोज ये सड़क थी। अब आपने सड़क में अगर इसकी लंबाई के ऐसे भाई लंबाई के परपेंडिकुलर आपने जॉइंट डाल रखे हैं ये वाले, ये जॉइंट तो आपके हो गए कौन से वाले, ये जॉइंट होते हैं बच्चों आपके, ये कौन से जॉइंट है, ये ट्रांसवर्स जॉइंट, क्योंकि लंबाई के परपेंडिकुलर, ये लेंथ है इसकी रोड की, ये लंबाई है। इस रोड की लंबाई के परपेंडिकुलर या लेटरल डायरेक्शन में जो जॉइंट डाले जा रहे हैं उन्हें ट्रांसवर्स जॉइंट कहते हैं। और जो लंबाई की ही दिशा में जॉइंट आप डाल रहे हैं ऐसे करके सीधे सीधे, भाई लंबाई की दिशा में जो आपने जॉइंट डाले हैं ये वाले, ये इस जॉइंट को आप क्या बोलेंगे बच्चों, एक तो आपने ये समझ लिया ये वाले जॉइंट, और एक आपके पास ये वाले जॉइंट है, ये वाले
ये जो जॉइंट है भाई ये लंबाई की दिशा में, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहते हैं। दो तरह के जॉइंट होते हैं आपके, ने याद रखिएगा। क्लियर भाई, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक तरह रोड का एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है। आप सिंपल अपनी भाषा में इस तरह भी बना के दिखा सकते हैं समझाने के लिए एग्जामिनर को। भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो जॉइंट है आपके ये वाले, क्या लिखा है इस पर, लंबाई रोड की इस तरह से ऐसे, ये रोड की लंबाई ऐसे ऐसे, लंबाई की दिशा में जो जॉइंट है लंबाई वाला जॉइंट बीच में, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, और लंबाई के परपेंडिकुलर जो जॉइंट था ये वाला, ये कैसा जॉइंट है, ट्रांसवर्स जॉइंट है। ये दो तरह के जॉइंट होते हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे, यही मैंने यहाँ समझाया था, आप वहां भी देख सकते हैं। अब भाई जो ट्रांसवर्स जॉइंट है ये आपके टोटली चार प्रकार के होते हैं। एक एक्सपेंशन जॉइंट, अगर रोड में प्रसार हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से तो उसके लिए जो जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं वो प्रसार जोड़ होते हैं। बार्पिंग जॉइंट, ऐंठन को भाई, ऐंठन यानी सड़क को ऐंठन से बचाने के लिए आप इसमें बार्पिंग जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। सिकुड़ने से बचाने के लिए कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। और निर्माण जॉइंट भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, अगर आप कंक्रीट का रोड बना रहे हैं तो रोड एक ही बार में तो पूरा 1 किलोमीटर रोड बन नहीं जाएगा, पहले आपने रोड बनाया तो हम 30-30 मीटर की लंबाई में बनाते हैं, 30 मीटर का एक टुकड़ा ले लिया पहले, इसका बना दिया पूरा रोड, यहाँ से बन गया, जब दूसरा नया काम दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पर निर्माण के बाद एक जॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, ये जॉइंट आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहलाता है। ठीक है, ऐसे जहाँ निर्माण फिनिश होता है अगले दिन शुरू होता है काम, तो वहाँ पर ये निर्माण जॉइंट बन जाते हैं आपके। ये चार प्रकार के जॉइंट थे, इनको याद रखेंगे सब बच्चे, एक्सपेंशन जॉइंट, प्रसार जोड़ है, ये चारों प्रकार के जॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद फिर आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मैंने आपको बताई दिए कि सड़क की लंबाई की दिशा में जो जॉइंट दे रहे हैं आप उन्हें कहेंगे भाई लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये क्लियर हुआ सबको। अब आते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट आपके चाहिए आपको भाई अगर कंक्रीट के रोड बनाने हैं तो। कंक्रीट रोड बनाने में क्या क्या लगता है भाई, एक तो एक्सकेवेटर लगेगा मिट्टी खुदाई करने वाला, एक मोटर ग्रेडर का यूज करते हैं, रोड रोलर का यूज करते हैं आप, इसमें एसफाल्ट को मिक्स करने का प्लांट चाहिए जिसमें बिटुमिन वगैरह या एसफाल्ट मिक्स किया जाएगा, बिल्डोजर चाहिए, क्रेन चाहिए, कंक्रीट बैचिंग प्लांट चाहिए, ट्रांजिट ट्रक चाहिए जिनमें वाइब्रेट भी होती है कंक्रीट आपकी। तो रोड में जो जो मटेरियल और जो जो उपकरण यूज होते हैं उनका नाम लिख देने सिर्फ, बाकी पूछेगा नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद आप याद रखेंगे रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट कौन सी होती है। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट मतलब ऐसी कंक्रीट जिसको रोलर के द्वारा कंपैक्ट करने के बाद यूज करते हैं, वो आपकी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट होती है। ठीक है भाई, इसके बाद यही लिखा है इसमें, इसकी निर्माण विधि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें प्रयोग होने वाली कंक्रीट जो होती है वो भाई नम्य अवस्था में शून्य अवपात संग्रहण, जीरो स्लंप कंसिस्टेंसी वाली होती है, यानी इसकी जो स्लंप वैल्यू होती है बच्चों रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट की वो जीरो होती है, यानी इसकी स्लंप वैल्यू कुछ नहीं होगी। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट में पारगम्य कंक्रीट के ही मूल घटक होते हैं, जैसे इसमें सीमेंट, जल, मिलावा, ये सभी इसमें होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त कठोर होती है। क्यों होती है कठोर, क्योंकि ये कंपैक्ट होती है, इसलिए पर्याप्त कठोर होती है, इसलिए इसकी स्लंप वैल्यू कुछ नहीं होती, ये नीचे बिल्कुल नहीं बैठेगी। ठीक है, बिल्कुल दृढ़ होगी, मजबूत होगी, ये कठोर होती है, और वाइब्रेटर रोलर द्वारा ये कंपैक्ट की गई कंक्रीट होती है। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट की जो भाई कंक्रीट की मिक्स डिजाइन में अधिक मात्रा पत्थर, पोर्टलैंड सीमेंट, बालू और पानी, इन सब का मिक्सर मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रीट बे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि भाई ईंटों की जो, यानी ये जो ईंट भाई, ये ईंट पत्थर की स्लैब, बिटुमिन गिट्टी या फिर सीमेंट कंक्रीट की पर्याप्त चौड़ी दो समांतर पट्टियों से बनाया जाता है, जो विशेष तौर पर लोहे के पहियों वाली बैलगाड़ी के चलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती है। ये सीमेंट कंक्रीट की भी बनाई जाती हैं भाई, इन्हें क्रीट बे कहते हैं, क्रीट बे। तो ग्रामीण सड़कें होती हैं, खरंजा वाली सड़कें भी क्रीट बे के अंदर ही आती हैं, ये पूछेगा नहीं, सिलेबस में था नहीं आपका। खत्म हो गया भाई चैप्टर आपका, ये चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया, बहुत स्पीड से खत्म किया है। ठीक है, एप्लीकेशन पर ये टोटल 6 लेक्चर में कवर हुआ था 6 घंटे में, जिसको हमने 1 लेक्चर में कवर कर लिया। अब तेजी से खत्म हो गया पूरा कंटेंट आपका, अब बहुत तेज चलेंगे, जल्दी कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको जो मैंने पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी चीज़ें आपको याद हुई इसमें, एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा याद नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ याद हो गया, पेपर में आप देखेंगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा इजीली, बहुत ज़्यादा हेडिंग नहीं है, चीज़ें सुन करके आसानी से याद हो गई आपको, जैसे कोई शब्द आपके सामने आएगा आराम से आंसर कर देंगे। जैसे मैंने एक शब्द कहा बोरोपिट क्या है, आप तुरंत बता देंगे सर साइड में गड्ढा जो किया था सड़क बनाने के लिए बोरोपिट हो गया,
मैंने कहा स्पॉइल बैंक क्या है, किनारे पर जो मिट्टी का भराव किया था आपने, किनारे पर मिट्टी भर दी, सड़क से जो निकली थी खुदाई करके, वो वाला आपका स्पॉइल बैंक बन गया। तो बहुत आराम से लिख पाएंगे, आसान थ्योरी थी। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हिल रोड पर आते हैं, पहाड़ी सड़कें। भाई पहाड़ी सड़कें, पहाड़ी सड़कों में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो पहाड़ी सड़कों में आप क्रॉस सेक्शन जरूर बनाएंगे भाई, क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। क्रॉस सेक्शन सिर्फ एक है आपके सिलेबस में, कौन सा वाला बच्चों, पार्शियल इन कटिंग एंड पार्शियल इन फिटिंग फिलिंग। तो भाई आंशिक कटाव और आंशिक भराव में जो पहाड़ी सड़कें हैं इनका क्रॉस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी पहाड़ी सड़कों में, इन प्रॉब्लम्स को पढ़ लेना, जैसे लैंड स्लाइड, भूस्खलन, पत्थर टूट टूट के गिरते हैं सड़क के ऊपर, ठीक है, ड्रेनेज, जल निकासी भाई, सॉइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी का कटाव, इसके बाद स्नो, इसके बाद और आपका इसी में आएगा स्नो में ही स्नो क्लियरेंस आएगा और स्नो एविलेंसेज आएंगे, फ्रस्ट भी आ जाएगा और लैंड सब्सिडेंस आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक तो आपको इस हिल रोड के क्रॉस सेक्शन को समझ लेना है कि पार्शियली इन कटिंग और पार्शियल इन फिलिंग में जो आपका पहाड़ी सड़क है कैसी बनी होती है, कैसे बनाएंगे, डायग्राम पूछ सकता है बनाने को आपसे, फ्री हैंड बनाना होगा, कोई स्केल याद नहीं करना है, ठीक है, मतलब कोई डायमेंशन याद नहीं करनी, फ्री हैंड बनाएंगे। आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछी जाती है पहाड़ी सड़कों में, लैंड स्लाइड पूछ लेगा, भूस्खलन, इस पर टिप्पणी लिखे, ड्रेनेज, सॉइल इरोजन, स्नो और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा मुश्किल से 20 मिनट में। सबसे पहले बात करें भाई क्रॉस सेक्शन ऑफ हिली रोड। हिली रोड का क्रॉस सेक्शन बेसिकली तीन प्रकार का होता है। हिली रोड क्या, जो आपके मैदानी रोड होते हैं ना, प्लेन रोड, उनका भी क्रॉस सेक्शन तीन प्रकार का ही होता है। एक होता है आपके कटिंग में भाई, रोड इन कटिंग यानी कटाव, कटान में सड़क भाई, फिलिंग में होते हैं रोड, रोड इन फिलिंग, और तीसरा होता है रोड पार्शियल इन कटिंग एंड पार्शियल इन फिलिंग, आंशिक कटान व आंशिक भराव में सड़क। तो हमें जो पढ़ना है ज़्यादा अच्छे से वो ये वाला पढ़ना है, ये वाला, ये क्योंकि यही अपने सिलेबस में था, तो हम डायरेक्ट इसी पर आते हैं बच्चों। बस फिर भी आपको याद रखना है, कटिंग का मतलब मिट्टी को काट के तब पहाड़ी सड़क बना रहे हैं आप, तो वो कटिंग में हो जाएगा रोड। मिट्टी को भर के पहाड़ी सड़क बना रहे हैं आप, ऊंची नीचे जमीन होती है पहाड़ों पर, जहाँ पर मिट्टी भर के सड़क बना रहे हैं वो आपकी रोड इन फिलिंग हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग के बारे में, तो हम पार्शियली कटिंग और फिलिंग पर आते हैं सीधे। रोड पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए आप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये आपकी पहाड़ी सड़क है, ये पार्शियली कटिंग और फिलिंग में है, ये पार्शियली कटिंग फिलिंग में, हाँ ठीक है, इधर बना हुआ है। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये पार्शियली कटिंग फिलिंग में कहाँ है, ये तो पूरा ही जमीन के नीचे कटिंग है डायग्राम, ये डायग्राम तो भाई कटिंग का लग रहा है मुझे, एक सेकेंड मैं यहाँ पर एक बार ये चेक कर लेता हूँ, पार्शियली कटिंग फिलिंग का डायग्राम, ठीक है, बस एक सेकेंड में निकाल देते हैं, चैप्टर नंबर 6 है ना ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको पार्शियली कटिंग फिलिंग का डायग्राम। नहीं भाई ऐसा ही है भाई, यहाँ पर है डायग्राम, ये कौन सा है, ये टोटली भाई कटिंग में है, क्योंकि यहाँ पर जमीन है आपकी, ये जीएल है, मतलब जमीन यहाँ तक थी, यहाँ तक, यहाँ पर आपने कटिंग करके तब रोड को यहाँ बना रखा है, ये तो कटिंग वाला क्रॉस सेक्शन है, ये तो कटिंग में भाई सड़क, आप पहले आपने इतनी सारी मिट्टी काटी होगी, पहाड़ था ना साइड से, ये इधर से, तो यहाँ पर दोनों तरफ ड्रेन बनी हुई है, इधर आपका सड़क है, तो कटिंग में हो गया रोड, ठीक है, कटिंग के बाद ये भी कटिंग में ही होता है, तो ये कटिंग वाले थे, सही था बच्चों वो। इसके बाद ये रोड आपका फिलिंग में है, पहाड़ी सड़क पर यहाँ पर मिट्टी ये थी, ये सड़क आपका यहाँ था, यहाँ पर आपने फिलिंग कर रखी है, पहाड़ था ना भाई आपका, ये इतनी जगह में पहले आपने फिलिंग की, यहाँ पर, यहाँ फिलिंग हो रही है, यहाँ पर फिलिंग करके तब आपका ये रोड बना हुआ है, यहाँ ये रोड था, ये रोड आपका सरफेस था, तो फिलिंग में है ये भी हमें नहीं देखना, वही सही है बच्चों, जो डायग्राम आपके सामने लगाया गया था वो करेक्ट था, ठीक है, यहाँ भाई कंफ्यूज हो रहे थे।
जस्ट एक सेकेंड, मैं ये एक्स्ट्रा वाला पीडीएफ हटा दूं यहाँ से। सही है भाई, यही है यही है, इसी को ध्यान से देखेंगे। हाँ यही है, देखिए अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रोड आपका पार्शियली कटिंग और फिलिंग में है। सबसे पहले जमीन आपकी पहाड़ी है भाई, पहाड़ी जमीन ऊंची नीची होती है ना इस तरह से। अब सबसे पहले एक्चुअली ये पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपकी जो जमीन होती है ना वास्तव में जमीन आपकी कुछ इस तरह से हुई होगी, या कुछ इस तरह से रही होगी जमीन, कुछ इस तरह से ऐसे कुछ इस तरह से जमीन थी आपकी, इस तरह से कुछ ठीक। अब इस जमीन पर आपने बनाई सड़क, कैसे बनाई सड़क? सबसे पहले तो पहाड़ पर ऊपर ही एक आपको नाली जैसी बना लेनी है। क्यों बना ली है भाई? नाली मतलब ड्रेन, यहाँ पर ऊपर जो आप ड्रेन बनाते हैं, जैसे बारिश हुई, बारिश होगी, बारिश होने के बाद ऊपर एक नाली आपने यहाँ बनाई थी, यहाँ से जमीन को काटा, यहाँ से जमीन को काटा, यहाँ से जमीन को काट के आपने इधर तो एक स्लोप जैसा बनाया। बेटा करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन इस तरह से ठीक। इधर आपने एक ड्रेन बना ली है वाली, ये जो आपकी ड्रेन बनी हुई है ऊपर, जब बरसात के पानी को हम यहाँ पर सड़क पर नीचे आने से रोकते हैं, ऊपर ही इकट्ठा कर लेते हैं, बारिश जब होगी, बारिश होने के बाद, जैसे यहाँ से बारिश हो रही है सपोज, अब बारिश का पानी जो होगा भाई, बारिश का पानी, अगर ये नाली नहीं बनी होती तो आपका ऐसा होता पूरा पहाड़ी है इस तरह, तो पानी सीधा इधर आता, इधर से सीधे सड़क पर आता आपका पानी, जो आपके हिली रोड है उन पर। तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, डायग्राम ही मैंने इसमें बस, सबसे पहले आपने क्या किया, ऊपर ही बरसात के पानी को पहाड़ पर ऊपर ही कैच करने के लिए एक नाली का निर्माण किया जाता है, इसे कैच वाटर ड्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कैच वाटर ड्रेन कहते हैं। यहाँ पानी ऊपर ही कैच कर लिया जाता है बरसात का पानी। इसके बाद चूंकि पहाड़ है तो भाई ऊंची नीची जमीन तो थी, ऐसे ढाल के रूप में पहाड़, पहाड़ों में स्लोप बहुत होते हैं, ऐसे ऊंची नीची जमीन थी, एक तो नाली ऊपर बना देनी है आपको, इसके बाद आपकी जमीन नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है, फिर आपने एक नाली यहाँ और बना ली। ये वाली नाली कौन सी है? रोड के साइड में बनी होती है, रोड के साइड में जो नाली बनी होती है इसको हम लोग कहते हैं साइड ड्रेन। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ सड़क का पानी आएगा इसमें, यहाँ तो बरसात का पानी था, ऊपर ही रोक लिया आपने बरसात के पानी को, जो बरसात का पानी फ्लो कर रहा है वाटर, वो नाली में आएगा इसमें, तो आपकी कैच ड्रेन वाटर होती है भाई, ये पानी को कैच करेगी, ये वाली ड्रेन है, नाली है ये। यहाँ पर आपने एक साइड ड्रेन बना दिया, साइड ड्रेन रोड के साइड में होता है। इसके बाद इधर आपने कुछ जगह छोड़ी, जैसे बर्म छोड़ते थे सेम वैसे ही, और इधर आपका पहाड़ी सड़क पर भाई रोड है, रोड आपका यहाँ पर थोड़ा स्लोपी बनाया जाता है ताकि बारिश के टाइम पर ये वाला पानी भी आपका साइड में ऐसे बह जाए इस साइड वाली नाली में, ठीक है, साइड वाली नाली में पानी पहुँच जाए। तो यहाँ पर आपका ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, दो लेयर हम बना रखा है सिर्फ, एक तो नीचे वाली लेयर है आपकी, नीचे वाली लेयर बच्चों आपकी ये वाली हो गई, जिसमें आपने आधार तैयार किया, बेस, ये आपका बेस है, और ऊपर वाला बियरिंग पोर्ट है, दो ही लेयर में आपकी पहाड़ी सड़क बन के तैयार हो गई। ये वाली जो सड़क है आपकी, हिल रोड पेवमेंट है ये वाला, क्लियर हो रहा है सबको? ये पार्शियली कटिंग और फिलिंग में इसी प्रकार आप सबको बनाना है। साइड ड्रेन जो होता है, इस पर बरसात के टाइम पर सड़क पर जो पानी आता बह के साइड ड्रेन में चला जाता है, और कैच वाटर ड्रेन जो होता है, बारिश का पानी, पहाड़ी इलाके का जो पानी है वो आपका इस ड्रेन से होके पास होता रहेगा। ये पानी, पहाड़ों का पानी पूरा सड़क को प्रभावित ना करे, इसके लिए ऊपर ही एक नाली बनाते हैं, वो आपकी कैच वाटर ड्रेन होती है, और रोड के साइड में जो नाली बनी होती है वो आपकी साइड ड्रेन होती है। अब ये जैसी स्ट्रक्चर इधर थी, सेम वैसी स्ट्रक्चर इस साइड भी होती है, सेम वैसी स्ट्रक्चर बच्चों इस साइड भी रहती है, लेकिन एक ही साइड की आपको दिखानी है, सिर्फ एक साइड की, इसी साइड की, क्लियर? ये बना लेंगे सब बच्चे, ये बना पाएंगे भाई, बहुत बढ़िया, चलिए फास्ट चलते हैं, बहुत अच्छे। तो ये आपका हो गया पार्शियली कटिंग और फिलिंग में रोड का क्रॉस सेक्शन। अब भाई ड्रेनेज इन हिली रोड, भाई ड्रेनेज इन हिली रोड का मतलब पहाड़ी सड़कों में जल निकासी कैसे करते हैं आप? पहाड़ी सड़कों में जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो भाई पहाड़ी सड़कों पर से वर्षा जल की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। यदि जल निकासी पर ध्यान न दिया जाए तो पहाड़ी सड़कें जो होती हैं वो जल्दी नष्ट हो जाएंगी, और प्रतिधारक दीवार भी आपकी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि रोड के दोनों तरफ पहाड़ों पर हमें रिटेनिंग वॉल बनानी होती है, ताकि जो भी वाहन चल रहे हैं वो नीचे खाई में ना गिर जाए। जहाँ पहाड़ है वहाँ साइड में खाई भी होती है, इसलिए साइड में रिटेनिंग वॉल बनी होती है सड़कों के, तो वो रिटेनिंग वॉल भी प्रभावित हो जाएंगी अगर हम जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे तो। एक तो पहाड़ी सड़क नष्ट हो जाएगी और एक प्रतिधारक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी।
भाई जल निकासी व्यवस्था पहाड़ी सड़कों में चार तरह की होंगी। एक तो साइड ड्रेन, अभी समझा दिया रोड के साइड में था। एक क्रॉस ड्रेन करते हैं, क्रॉस ड्रेन मतलब सड़क के नीचे होके ही आप नाली निकाल देंगे। जैसे ये सड़क है आपकी, ये सड़क है जिसके, जैसे सड़क आपकी सीधी लंबी लंबी ऐसे जा रही थी, ऐसे सड़क की लंबाई यूँ है, इस पर वाहन चलेंगे, इस पर वाहन चलेंगे तो इसके नीचे से ऐसे नाली निकाल देंगे, एक नीचे क्रॉस लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या क्रॉस डायरेक्शन में नाली निकाल देंगे, तो वो क्रॉस ड्रेन हो जाती है। तो साइड ड्रेन और क्रॉस ड्रेन दो हो गई। साइड ड्रेन मतलब जो साइड में बनी है रोड के इस साइड में, और क्रॉस ड्रेन मतलब इसके नीचे से होके साइड में को निकाल देंगे, ताकि यहाँ पानी को यहाँ पाइप जैसे डाल के और पानी को साइड से ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो ये साइड ड्रेन हो जाएगा, ये आपका क्रॉस ड्रेन हो जाएगा। तो दो ड्रेन हो गए, साइड ड्रेन क्रॉस ड्रेन। इसके बाद तीसरा भाई आपका इंटरसेप्टिंग या फिर कैच वाटर ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन कौन सी थी, जो सबसे ऊपर ऊपर ही बरसात के पानी को पहाड़ पर ही रोक ले रही थी, कैच कर ले रही थी, ये कैच वाटर ड्रेन थी। एक कैच पिट बनाते हैं, कैच पिट मतलब ग्राही कुंड का। कैच पिट में, इस कैच पिट में क्या होता है, जो कचरा वगैरह रहता है ना वो इकट्ठा हो जाता होता रहता है, क्योंकि वहाँ जाली लगा दी जाती है, पानी पास होता है, साफ पानी ही सिर्फ क्रॉस ड्रेन में जाता है, कैच पिट में कचरा वगैरह भर जाएगा आपका एक्स्ट्रा वाला। तो ये चार हो गया भाई क्रॉस ड्रेनेज के लिए, सॉरी इसके, यानी आप ड्रेनेज कर रहे हैं पहाड़ी सड़कों पर, तो इसके लिए चार तरह की व्यवस्था की जाती है। एक तो हो गया आपका साइड ड्रेन, दूसरा क्रॉस ड्रेन, तीसरा कैच वाटर ड्रेन और चौथा कैच पिट। चारों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले साइड ड्रेन, सबको पता है भाई साइड ड्रेन, अगर आप केवल नाली बना के दिखाएं तो अलग अलग शेप की होती हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप की है, आयताकार नाली है भाई, आयताकार नाली है, आपने आयत के जैसी शेप में बना रखी है ये इधर पहाड़ी है, ये पहाड़ था आपका, तो ये आयताकार नाली होगी। ये त्रिभुजाकार नाली है, ये बी शेप की होती है, ये त्रिभुजाकार शेप में भी ड्रेन बना देते हैं, या फिर हम ट्रेपेजॉइडल शेप में बना देते हैं इस तरह से, ये ट्रेपेजॉइडल यानी चैनल ड्रेन कहते हैं इसको, ज़्यादातर ये वाली चलती है आपकी, ये वाली नाली, ठीक है। तो तीन अलग अलग शेप में आई है, ये तो इनकी शेप हो गई, शेप के आधार पर भी नाम याद रख सकते हैं आप। बाकी साइड ड्रेन तो यही थी, बरसात के समय रोड के पानी को आप इस साइड वाली नाली से होकर पास कर रहे हैं, तो ये आपकी साइड ड्रेन कहलाएगी, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। पहाड़ी सड़कों के साथ साथ सड़क पर बहते हुए पानी को एकत्र करने के लिए साइड ड्रेन्स बनाई जाती हैं। जब सड़क पर भाई कैम्बर होता है, कैम्बर मतलब सड़क आपकी उठी होगी, कैम्बर मतलब ये जो उठान कर रखा है आपने, ऊपर वाला सिरा ऊंचा है, ये नीचे किनारे पे नीचे है, ये जो आपका स्लोप है इसे कैम्बर कहते हैं। कैम्बर साइड में रोल जो पेवमेंट का ढलान होता है, जब भाई रोड पे कैम्बर होगा तो बरसात का पानी साइड की नाली में जाएगा। यहाँ क्या कहा गया भाई, पहाड़ी सड़कों के साथ साथ सड़क पर बहते हुए पानी को इकट्ठा करने के लिए पार्श्व नालियाँ बनाई जाती हैं। जब सड़क पर सामान्य कैम्बर होता है तो सड़क के दोनों तरफ आप पार्श्व नालियाँ बनाएंगे। इन नालियों का निर्माण भीतरी किनारों पर किया जाता है, पानी का प्रवाह सही हो सके इसके लिए पार्श्व नाली जो होती है भाई, इनको आप अनुलंब ढाल देते हैं, ग्रेडियंट भी दी जाती है इनको, स्लोप देते हैं साइड ड्रेन में। ये तीन तरह की होती है, रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। इसके बाद क्रॉस ड्रेन, भाई क्रॉस ड्रेन का मतलब क्या, सड़क के नीचे से ही आप क्रॉस नाली बना देंगे भीतर भीतर, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहाँ डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर कौन सी नाली है भाई आपकी, है यहाँ एक्चुअली इधर पहाड़ी सड़क है आपकी, है अगर आप यहाँ डायग्राम सही से देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए भाई ये पहाड़ी ढाल है आपकी, इधर आपके बीच में ये सड़क थी, सड़क दिख रही है आप सबको, ये तो इसका प्लान है, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ क्या हो रहा है, ये भाई पहाड़ी था, पहाड़ थी, यहाँ पर कटिंग कर दी आपने, थोड़ी सी ये कटिंग कर रखी है, एक तो नाली ये बना दी, इसके अलावा ये आपका कैरेज भी है, ये अगर ये कैरेज भी है बच्चों, तो आपने इसके नीचे से नाली निकालनी है। नीचे से नाली निकालने का मतलब समझ रहे हैं, ये सड़क है आपकी, सड़क के नीचे से आप अगर नाली निकाल देंगे तो वो जो नीचे होकर नाली निकाली जाएगी वो आपकी क्रॉस ड्रेन होगी। यहाँ पर डायग्राम एक्चुअली सही से नहीं दिखा रखा ये वाला, आपको मैं बताता हूँ डायग्राम आप किस तरह बना सकते हैं, शायद मेरे पास कोई और डायग्राम हो इसका, इसका एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, फिर आप यही बना लीजिएगा, ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए। सिंपल कैसे बनाएंगे, ये बनाना सिर्फ इतना, ये पहाड़ी सड़क हो गई, यहाँ पर साइड में भाई आपकी साइड ड्रेन है, ये आपका कैरेज भी है या पेवमेंट जो आपका यान पथ है सड़क वाला, और सड़क के साइड में आप सबको पता है रिटेनिंग वॉल जरूर बनाते हैं, ताकि जो वाहन होते हैं आपके ये वाहन नीचे खाई में ना गिर जाए, क्योंकि इस साइड को खाई होती है, वैली होती है, घाटी होती है इस साइड को। अब आपका जो पानी है ना डायरेक्ट हम इस वैली में निकाल देते हैं, कई बार इधर खाई है ना, तो हम इस सड़क के नीचे नीचे नाली बनाते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं आप नाली को, यहाँ से आप दिखा दीजिएगा, सड़क के नीचे से आप एक क्रॉस ड्रेन बना रहे हैं,
और क्रॉस ड्रेन जो आपकी नीचे नीचे जाएगी, कैसे बनाई जाएगी भाई, पाइप वगैरह फिट करके। आपने पाइप फिट कर दिया तो साइड का पानी भी आपका नीचे नीचे होकर सीधे इधर खाई में चला जाएगा सीधे। तो यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज किया जाता है। एक बाकी डायग्राम आप इसमें ना बना के सिर्फ थ्योरी लिख देना, क्योंकि ये डायग्राम क्रॉस ड्रेनेज के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। ये आपका रिटेनिंग बॉल के लिए तो सही था। क्रॉस ड्रेनेज में क्या करेंगे बच्चों, पहाड़ी सड़क के भीतर भाई, पहाड़ी सड़क के भीतरी ओर, भीतरी ओर मतलब नीचे, इसकी नाली से पानी जो घाटी की तरफ निकालने के लिए उचित अंतराल पर सड़क के नीचे, बोल रहा था ना, सड़क के नीचे ये नालियाँ बनाई जाती हैं भाई। ये क्रॉस नाली होती है, इसको 1:7 की ढाल दी जाती है भाई। क्रॉस ड्रेन में जो स्लोप होता है 1:7 का होता है, ताकि पहाड़ की जो ढाल है इससे लुढ़क करके जो कचरा होता है वो पानी के साथ बहते हुए घाटी की तरफ निकल जाए और नालियाँ आपकी अवरुद्ध ना हो, इसलिए यहाँ पर स्लोप थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। तो क्रॉस ड्रेनेज वही होगा बच्चों, सड़क के नीचे से नाली निकालेंगे आप इसमें, सड़क के नीचे से नाली निकालना तो क्रॉस ड्रेन हो जाएगा। तो साइड ड्रेन समझ गए थे आप, क्रॉस ड्रेन समझ गए भाई। क्रॉस ड्रेन मतलब रोड के नीचे होकर नाली निकलेगी। एक्चुअली यहाँ से निकालनी थी, यहाँ पर कटिंग कर रखी थी, यहाँ से नाली निकालेंगे तो अच्छा रहेगा इस तरह से, और डायरेक्ट खाई में ले जाएंगे इसको सीधे। पाइप के थ्रू जाती है नाली, ये पाइप के थ्रू जमीन के नीचे होके सुरंग जैसे बना के आपने नाली निकाल दिया से, और पाइप डाल देते हैं इसमें एक, ये आपकी क्रॉस ड्रेन हो जाती है। अब आपका कैच वाटर ड्रेन भाई, कैच वाटर ड्रेन का डायग्राम तो आपको ऑलरेडी पता है। कैच वाटर ड्रेन क्या होती है, ऊपर यहाँ पर बारिश का जो पानी होता है ना, इसको पहाड़ के ऊपर ही रोकने के लिए, यहाँ से बारिश का पानी आएगा तो पहले कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा भाई, यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक आते आते तो पानी आपका काफ़ी कम हो जाएगा, फिर भी एक तो यहाँ कैच वाटर ड्रेन में तो बरसात का पानी पहाड़ी पर ऊपर ही रोकने के लिए जिस नाली का निर्माण कर रहे हैं वो आपका कैच वाटर ड्रेन होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पहले ही पूछे तो आप बता दीजिएगा कि सड़क के भीतरी तरफ पहाड़ी भाई, ऊंचा पहाड़ी जो होती है बहुत ऊँची होती है, पहाड़ी कैसी होती है बच्चों, ऊँची होती है, तो वर्षा का पानी बहता हुआ सड़क पर अगर आ जाता है तो सड़क आपकी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से पानी जब ढह करके नीचे आएगा तो वह छत और सड़क को नष्ट कर सकता है, इसीलिए भाई इसकी क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस पानी को ऊंचाई पर ही एकत्र करने के लिए पहाड़ी सड़क से भाई 5 से 10 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी पर नालियाँ बनाई जाती हैं, इन्हीं को हम जलग्राही या फिर कैच वाटर ड्रेन कहते हैं। कैच वाटर ड्रेन भाई क्या बता रहे हैं, ये जो होती हैं सड़क से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती हैं, ये लगभग 5 से 10 मीटर ऊंचाई पर, ये 5 से लगभग 10 मीटर ऊंचाई पर ऊपर ही नाली बना देते हैं, जिससे कि बरसात का पानी आपकी सड़क को प्रभावित ना करे, वहीं ऊपर ही रुक जाएगा पानी आपका, सारा पानी नहीं आएगा, फिर भी कुछ पानी और आएगा तो वो इस साइड वाली ड्रेन में आ जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। कैच पिट क्या होता है, कैच पिट भाई कचरा वगैरह रोकेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है सब बच्चों को, कैच वाटर जो था। इसके बाद कैच पिट आ गया, कैच पिट क्या होता है, पानी के साथ बहकर आने वाले पत्थर के टुकड़ों, मिट्टी या कचरा, इन सबको क्रॉस नाली के ऊपरी मुख पर ही आप क्या कर देंगे, कैच पिट बनाकर रोक दिया जाता है। इस भाई ये जो क्रॉस नाली होती है इसको अवरुद्ध होने से बचा देता है। क्रॉस नाली बेसिकली क्या है, जैसे आपकी सड़क है, ये रोड है, ये बच्चों क्या रोड है, रोड, तो मैंने क्या कहा था, मान लीजिए ये थी सड़क आपकी पहाड़ी सड़क, इस सड़क के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी बनी हुई है रिटेनिंग वॉल, एक रिटेनिंग वॉल इधर है, एक रिटेनिंग वॉल आपकी इधर है, ये वाली, ये बच्चों रिटेनिंग वॉल होगी दोनों तरफ, ठीक है, प्रतिधारक दीवार, यहाँ सड़क है जिस पर वाहन चलेंगे आपके, इस पर। अब आपने सड़क के नीचे क्या किया, नाली बना रखी है, नाली, सड़क के नीचे नाली बनाते तो इसके किनारे पर इस साइड को गड्ढा बना लेते हैं, ताकि जैसे सड़क की नाली सपोज इधर होकर जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, या आप इसके जस्ट नीचे से यहाँ से दिखा सकते हैं, मान लो ये वाली नाली थी आपकी, मैंने मान लिया ब्लैक जो है ना ये नाली है, सपोज करिए मान रखा हमने ये, यहाँ से होके आपकी ये नाली जा रही थी, ये ऐसे करके नाली जा रही है और नीचे बाहर गिर जाएगा पानी यहाँ से निकल के, तो इसके नाली के क्रॉस ड्रेन, ये क्रॉस वाली ड्रेन है सपोज, क्या भाई ये क्रॉस ड्रेन है, इसके बिल्कुल मुख पर यहाँ पर एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें कचरा वगैरह यहाँ रुक जाएगा, यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं, जाली कचरा वगैरह होगा ना वो यहीं पर रुक जाएगा, तो इससे क्रॉस ड्रेन जो होगी ना सड़क के नीचे वाली वो जाम नहीं होगी आपकी ड्रेन, ठीक है। ये सब डायग्राम आपको बनाने नहीं है, अपने एंड से आप बना सकते हैं चाहे तो, सिंपल समझाने के लिए। तो कैच पिट ये तो समझ गए थे आप, इसके बाद आपको ये समझ आ गया कैच पिट भाई, कैच पिट क्या होता है, पानी के साथ बहकर आने वाले पत्थर के टुकड़े,
मिट्टी एंड कचरे को क्रॉस नाली के ऊपर मुख पर ही ग्राही कुंडिका बनाकर रोक दिया जाता है। इससे आपकी क्रॉस ड्रेनेज जो होती है वो अवरुद्ध नहीं होती, रुकती नहीं है भाई। पार्स बना ली और ये जो आपका कैच पिट है, पार्स बना ली और कैच पिट से आने वाले तेज प्रवाह वाले पानी के साथ आने वाले पत्थर इस कैच पिट के, भाई कैच पिट में एकत्र हो जाते हैं ना, बाद में निकाल दिया जाता है। कैच पिट का साइज याद करना बहुत जरूरी नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। कैच पिट जब भी पूछे आप सिर्फ इतना सा याद रखना बच्चों, जो कैट पिच होता है वो कैट पिच क्या करता है, कचरा वगैरह को रोक लेगा, वो क्रॉस ड्रेनेज में जाने नहीं देगा। अब कह रहा है लैंडस्लाइड ऑन हिली रोड, भाई लैंडस्लाइड ऑन हिली रोड क्या होंगे आपके भाई, पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन। इतना डिटेल्स में ना पढ़ाओ बेटा, कोई बात नहीं, डिटेल्स का मतलब यह कि जितना बार सुनेंगे उतनी बार याद हो जाएगा आपको, ये सुनते चलिए आसानी से याद होगा। ये टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे आपके, स्किप करने योग्य नहीं है, वरना मैं छोड़ देता इन्हें। अब भूस्खलन आपका टॉपिक दिया गया था भाई, पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन होता है, यानी लैंड स्लाइड कर गई, लैंड मतलब जमीन स्लाइड कर रही है, पत्थर के टुकड़े टूट टूट के आ रहे हैं सड़क के ऊपर, क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर, यहाँ पर आपकी ये पहाड़ी थी भाई, ये मान लीजिए आपने यहाँ पर नाली बना रखी है, इस तरह से पहाड़ी है, फिर आपने एक और नाली यहाँ बना रखी थी ऐसे, ठीक, इधर कहीं रिटेनिंग वॉल थी आपकी, इधर आपकी सड़क बनी हुई थी, ये इधर रिटेनिंग वॉल थी, इधर खाई वगैरह हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक तो रिटेनिंग वॉल भी हम इसलिए बनाते हैं ताकि पहाड़ों के पत्थर के टुकड़े वगैरह टूट करके इधर ना आ जाए आपके, इधर आएंगे तो रिटेनिंग वॉल से सुरक्षित हो जाएंगे ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जमीन खिसकने लग जाती है आपकी लैंडस्लाइड में, जब पहाड़ी सड़कें अपनी मूल स्थिति से खिसक जाएं, भाई जो पहाड़ी सड़कें हैं वो अपनी ओरिजिनल वाली स्थिति से खिसक जाएं, तथा जो ऊपरी पहाड़ियां होती हैं उनका मलबा टूटकर, मलबा या पत्थर के टुकड़े टूटकर सड़क पर आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं भूस्खलन। पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन जो होता है वो भाई किन कारणों से होता है, तो सबसे पहला अधिक तेज धूप, वर्षा, हिमपात और तापमान परिवर्तन के कारण चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों के टूटने से ही भूस्खलन होता है। भारी यातायात से भी सड़क खिसक जाती है, उससे भी भूस्खलन होता है, ठीक है। चट्टानों को तोड़ने के लिए जब आप विस्फोटक का यूज करते हैं उससे भूस्खलन होता है भाई, कर्तन विफलता के कारण भी पहाड़ी खिसकने लगती है, इससे भी भूस्खलन होता है। तो भूस्खलन समझ आ गया बच्चों सबको, समझ आ गया, चलिए आगे चलिए, फास्ट पढ़ा रहे हैं और फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। आप इस लैंडस्लाइड को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो पहाड़ी पर आप घना जंगल लगा दीजिए, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, पत्थर के टुकड़े सीधे टूट करके वहां नहीं आ पाएंगे आपके, कहाँ पर भाई, जहाँ पर वो था रोड था, क्योंकि तो आप पहाड़ों पर, जस्ट सोचिए थोड़ा सा, पहाड़ों पर अगर आप हैं वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ पर आसानी से लैंडस्लाइड नहीं करेगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा अत्यधिक ढाल होने पर भी जो टॉ है भाई उस पर मलबा डाल करके भी आप इसे रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कमजोर पहाड़ियों की सड़क के साथ साथ प्रतिधारक दीवार बनाकर, मैं कह रहा था ना प्रतिधारक दीवार, रिटेनिंग वॉल इसीलिए बनी होती है ताकि जो लैंडस्लाइड के पत्थर हैं उससे सड़क को सुरक्षा प्रदान की जा सके। वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था करके, कई बार पानी भर जाता है उसके अंदर क्रैक्स पैदा कर देता है, तो उससे भी आपके पत्थर टूटने लगते हैं। तो अगर जल निकासी की व्यवस्था उचित रहेगी तो लैंडस्लाइड कम होगा। सड़क संरेखण को बदल के, यानी मार्ग बदल दो आप, जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा होती है वहां पर सड़क बनाओ ही मत, दूसरी जगह ले जाओ सड़क को। आगे फिर भाई अगला पॉइंट सुनेंगे आप, सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का अपरदन। सॉइल इरोजन मतलब मृदा कटाव, मिट्टी कटेगी, यानी मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी कटाव हो जाता है मिट्टी का, इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी की ऊपरी परत हल्की होने के कारण ये तेज हवा और पानी से आसानी से कट जाती है, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं भाई। इसके प्रमुख कारक हैं हवा है, पानी है, इसके अलावा अत्यधिक चराई है और भाई वनों की कटाई, ठीक है, ये सभी इसके कारण होते हैं सॉइल इरोजन के। इसके बाद आगे बात करेंगे हम हिमस्खलन क्या होता है। अब भूस्खलन में तो भाई लैंड स्लाइड कर रही थी, पत्थर के टुकड़े टूट के आ रहे थे सड़क के ऊपर, या हिमस्खलन, हिम मतलब होता बर्फ भैया, हिम मतलब क्या होता बर्फ, स्नो, तो भाई स्नो आपकी टूट करके आएगी। अब हिमस्खलन किसी पहाड़ी या ढलान वाली सतह पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को कहते हैं, यानी बर्फ जो होती है
वो टूट करके अगर गिर रही है सड़क के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां पर तो वो आपका स्नो एवलेंस कहलाएगा, हिमस्खलन कहलाएगा। इसकी वजह से पहाड़ी सड़कों में रास्तों को अधिक नुकसान पहुंचता है। जब भी पहाड़ी पर स्नो हिल की ढाल 30 डिग्री से अधिक होती है तो वहां पर भाई हिमस्खलन की संभावना रहती है, यानी स्लोप जब आपका 30 डिग्री से ज्यादा होगा वहां पर स्नो भाई आपका स्नो जो है बर्फ जो है टूट करके आने लगेगी। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो वाहनों के शोर से भी कई बार जो आपका बर्फ है वो टूट करके आने लगती है, बर्फ के बड़े बड़े सेक्शन, ठीक है, ढलान के ऊपर बर्फ की मात्रा बढ़ जाने पर भी होता है हिमस्खलन, वर्षा और हिमपात से भी होता है, तापमान बढ़ने पर भी होता है, बम विस्फोट से, भूकंप आने से, इन सब कारणों से हिमस्खलन होता है, ठीक है। इसके बाद भाई आप हिमस्खलन जो होता है इसको कैसे रोक सकते हैं, तो आप इसमें ढालों पर सीढ़ीनुमा पट्टियां काटकर आप क्या करेंगे, जहां स्लोप हो सीधा स्लोप हो वहां सीधे स्लोप को क्या कर दीजिए, आप सीढ़ीनुमा बना दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, इससे आपका जो हिमस्खलन है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा होगा भी तो यहाँ से टूटेगा तो यहीं रुक जाएगा या यहाँ रुकेगा, नीचे सड़क जो आपकी बनी होगी उस सड़क के पास तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप हिमस्खलन रोक बाड़ लगाकर, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोक बाड़ लगा सकते हैं, दीवार लगा सकते हैं बीच में, यहाँ पर दीवार लगाने से भी हिमस्खलन आपका प्रभावित नहीं करेगा रोड को, ठीक है। ढालों पर मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष लगाकर हिम कॉर्निस के निर्माण को रोककर और हिमस्खलन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाले यातायात को रोक देना चाहिए, वहां से यातायात नहीं करना चाहिए, ठीक है, उपाय हो गए भाई इसके। इसके बाद भाई हिम की सफाई कैसे करते हैं बर्फ की, मतलब हिम सफाई क्या होता है, स्नो क्लियरेंस यानी बर्फ की सफाई। तो बर्फीले क्षेत्र में सड़क पर बर्फ की एक मोटी परत जम जाती है जिससे बाद में सड़क का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, अतः बर्फ की सफाई की जाती है। इसके लिए बर्फ पड़ने से पहले ही सड़क जो होता है उसके अलाइनमेंट के साथ साथ लकड़ी की या स्टील के पोल लगा दिए जाते हैं जिससे आप ये बता सकें कि भाई कितनी ऊंचाई, जिन पर ऊंचाई की जानकारी के लिए निशान भी बना देते हैं जिससे बर्फ हटाने में सड़क सतह का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। बर्फ की सफाई करते समय सड़क सतह क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है और ये कार्य मशीनों से किया जाता है, मतलब बर्फ हटाने के लिए हाथ का यूज नहीं कर सकते, बहुत मजबूत होती है बर्फ, उसको मशीनों से हटाया जाता है। तो हमें ये पता चल जाए कितनी गहराई में सड़क थी आपकी, उसके ऊपर बर्फ जम गई है, उसके लिए आप पोल लगा देंगे लकड़ी के और स्टील के, ठीक है भाई। तो आपका ये हिम सफाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया भूधसांग यानी लैंड सब्सिडेंस, जमीन आपके अंदर धस गई। भूधसान पृथ्वी की सतह का मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापन है, जब भूमि की सतह नीचे की ओर विस्थापन कर गई वर्टिकल, इसको कह देंगे हम भूधसान, जमीन अंदर धस गई भाई। ये आमतौर पर नीचे से अपर्याप्त सामर्थ्य, नीचे अगर सामर्थ्य कम हो या कोई आरोपित भार है, या इन दोनों के ही संयोजन के कारण होती है, या प्राकृतिक कारणों से भी होती है, मानवीय गतिविधियों या फिर अक्सर प्राकृतिक प्रणालियों को अस्थिर करने वाली मानवीय गतिविधियों से ये उत्पन्न हो जाता है। जमीन नीचे धस रही है क्यों, जमीन के नीचे सामर्थ्य अपर्याप्त है, ठीक है, या लोड ज़्यादा आ जा रहा है इसकी वजह से, क्लियर भाई आगे। और कभी कभी भाई विनाशकारी भी हो जाता है ये, तो इसका निपटान या फिर डाउन वार्पिंग जो है वो जमीन के मध्यम और अपेक्षाकृत धीमी गति से नीचे की ओर विस्थापन की प्रक्रिया है, मतलब ये जमीन नीचे की ओर जा रही है तो बहुत आसान हो रहा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 रोड ड्रेन, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए यार, इससे ज़्यादा फास्ट क्या पढ़ाएं, अपने से पढ़ लीजिए फिर भाई, इंसानी तो मशीन तो है नहीं, अब कितना फास्ट करें, हेडिंग पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते रहें, अपने से पढ़ लीजिए बैठ के, नोट्स आपके पास है, फिर इससे फास्ट नहीं हो पाएगा हमसे। आगे भाई आ गया आपका रोड ड्रेनेज। रोड ड्रेनेज मतलब यहाँ पर भी आपको सड़क की नालियों के बारे में ही पढ़ना है, जिन्हें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा 20 मिनट में लगभग। नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज वर्क और क्रॉस ड्रेनेज, भाई रोड ड्रेनेज वर्क की आवश्यकता क्या है, आप सभी जानते हैं रोड ड्रेनेज वर्क क्यों जरूरी होता है भाई, क्यों जरूरी है आपको बताएं। क्रॉस ड्रेनेज देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा, क्रॉस ड्रेनेज क्या है, सड़क के नीचे से नाली निकाल रहे हैं आप, नाली की जगह पुलिया बना दीजिए वो भी निकल जाएगा, ठीक है। सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बारे में आप इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद बस ये नालियाँ ही पढ़नी है इसमें, जितनी पढ़नी है, तो देखिए मेन मेन नालियाँ कौन कौन सी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नाली क्यों जरूरी है भाई समझ में आ जाएगा आपको। तो वर्षा जल की सड़क सतह से निकासी की उचित व्यवस्था करना सड़क जल निकासी कहलाता है, ठीक है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था ना की जाए
तो सड़क सतह बहुत जल्दी खराब हो सकती है, इसके लिए सड़कों पर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक, आगे भाई इसकी जरूरत क्यों थी, आवश्यकता क्यों थी भाई, आवश्यकता क्यों थी, आवश्यकता क्यों थी, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज वर्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर सड़क में पानी इकट्ठा हो गया सड़क खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है भाई, सड़क के आसपास की भूमि से सतही जल सड़क पर नहीं आना चाहिए, इसलिए जरूरत है। जो आपका सतह का जल है, यहाँ कहा गया सड़क के आसपास की जमीन है वहां से सड़क की सतह पर पानी नहीं आना चाहिए, इसके लिए आपको ड्रेनेज वर्क करना जरूरी है। दूसरा, सड़क पर भाई फैली सतही जल की निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब जो सड़क पर जल अगर फैला हुआ है तो उसको निकालने की व्यवस्था भी जरूरी होती है। इसमें भाई जल को सब ग्रेड में नहीं घुसने देना चाहिए, अधिस्तर मतलब बच्चों सब ग्रेड, अगर आपका पानी सब ग्रेड में धस गया तो उसको नष्ट कर देगा रोड को, इसीलिए पहली चीज हो गया कि सड़क के आसपास की भूमि से सतही सड़क पर पानी ना आए, इसके लिए आपका जरूरी है ड्रेनेज वर्क। दूसरा हो गया, यहाँ पर जो आपकी सड़क है भाई उस पर अगर पानी फैला हुआ है सड़क की सतह पर, तो उसकी निकासी की उचित व्यवस्था करने के लिए आपका ये ड्रेनेज वर्क जरूरी है। इसके बाद सब ग्रेड में पानी घुसना नहीं चाहिए, इसके लिए भी आपका रोड ड्रेनेज वर्क जरूरी है। भाई कैम्बर जो होते हैं, कैम्बर रोड जो आपके बेसिकली बने होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं रोड ऐसे, इनमें जो कैम्बर आप देख रहे हैं यहाँ पर ढलान जो है ये वाली कैम्बर, ये कैम्बर भाई कैम्बर या फिर बर्म जो होते हैं, इन क्षेत्रों की वर्षा की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित करना चाहिए। मतलब कैम्बर और बर्म जो हम बनाएंगे वो किसको ध्यान में रख के बनाएंगे, वर्षा की तीव्रता को ध्यान में रख के। अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो कैम्बर आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ढलान ज़्यादा देनी होगी रोड में, रोड पर फिर ढलान आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस तरह से बनाना पड़ेगा। अगर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो आप उसमें कम स्लोप के भी कैम्बर बना सकते हैं। ठीक है भाई, संरेखण करते समय जलग्रस्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सड़क निर्माण तल उस क्षेत्र के उच्चतम बाढ़ तल से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, मतलब पानी जब बाढ़ आ जाएगा बहुत ज़्यादा तो जितना लेवल बाढ़ का रहेगा उससे भी लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर आपको सड़क का निर्माण तल बनाना चाहिए। बात क्लियर है भाई सबको, तो यह आवश्यकता होगी, आवश्यकता देख लें एक बार। अब भाई ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं आपके, मैली तीन तरह के होते हैं, एक होता है सरफेस ड्रेनेज यानी सतह के ऊपर नालियां बनाएंगे, एक सब सरफेस ड्रेनेज सतह के नीचे नालियां बनाएंगे, इसी में क्रॉस ड्रेनेज भी आपका आता है। तो सबसे पहले सरफेस ड्रेनेज की बात करें तो सड़क से सतही जल को एकत्र करके नदी या नाले में पहुँचाया जाता है, तो भाई ये कहलाएगा आपका सरफेस ड्रेनेज। मतलब आप सड़क देखते हैं, सड़क के किनारे नालियाँ बनी हैं, ये सभी नालियाँ सरफेस ड्रेनेज में आएंगी, क्योंकि ये सतह के पानी को नाली के थ्रू कहाँ ले जाएंगे, आप ले जाएंगे किसी नदी या नाले में। ठीक है, इसके अलावा सतही जल को साइड में बनी नालियों से इकट्ठा करने के लिए आप पर्याप्त कैम्बर देंगे सड़क पर। सड़क से सतही जल निकासी के लिए भाई निम्न विधि उपयोग की जाती हैं, निम्न विधि में आपके एक तो ये सरफेस ड्रेनेज ही है, उचित कैम्बर की व्यवस्था करके सड़क सतह से जल निकासी की जाती है। सड़कों से अच्छी जल निकासी के लिए बर्म को भाई 1:40 की बाहर की तरफ ढाल दे दी जाती है। सड़कों के दोनों किनारों पर जल निकासी के लिए नालियां बनाई जाती हैं, तो ये बहुत आराम से लिख देंगे, जब भी सरफेस पर जो नालियां सरफेस पर बनाई जाती हैं वो सरफेस ड्रेन होती हैं, इनमें बरसात के समय सड़क की सतह के पानी को नदी नाले में जब हम ले जाएंगे तो इन नालियों के थ्रू ही ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सरफेस वाला। इसके बाद भाई सरफेस ड्रेनेज आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका रोड बना हुआ है बच्चों, रोड, ये क्या रोड है, इस रोड के किनारे पर साइड में इधर को नाली बनी हुई है, इस साइड भी होती है भाई ये नालियां बच्चों इस साइड भी होती है ना, दोनों तरफ होती है सड़क के नालियां, जैसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, बीच में ये रोड है आपका, एक नाली इस तरफ बी शेप की बना रखी है, एक रेक्टेंगुलर बना रखी है, ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रेंगुलर और ये ट्रिपेजोडल शेप की थी। तो ये नालियां हैं रोड के दोनों तरफ जो बनी है, ये सरफेस में आएंगी। इसके बाद सब सरफेस ड्रेन क्या हो जाएगा भाई, जमीन के नीचे नाली बनाएंगे आप। ठीक है, तो केशिका क्रिया द्वारा जल जो है सब ग्रेड में ना पहुंच सके, इसके लिए
सड़क सतह तथा भूमि सतह के बीच जल अवरोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? अच्छे तो वो था सब सरफेस ड्रेनेज। जल निकासी के उपाय भाई क्या हैं? जल निकासी के यानी सब ग्रेड से जल निकासी के उपाय हैं बता रहे हैं हम आपको। जल निकासी का मतलब पानी को निकालना है वहां से। इसे आगे बढ़ते हैं सीधे। चलिए मेन मेन टॉपिक में जो बचे हैं आपको दो चार वो समझा देता हूँ अब। ठीक, क्रॉस ड्रेनेज में आपको क्या बता रहा था बच्चों? सड़क के नीचे आपको नाली बनानी है भाई, सड़क के नीचे आपको नाली बनानी है। सड़क के नीचे नाली कैसे बनाएंगे आप? या तो आप इसमें भाई पाइप की पुलिया बना दो, या आप इसमें स्लैब पुलिया बना दो, या आप इसमें डांट पुलिया, बॉक्स पुलिया, सेतुक, ये सभी काम करके आप क्रॉस ड्रेनेज कर सकते हैं। क्रॉस ड्रेनेज का सीधा मतलब होता है कि जो बरसात का पानी है उसको रोड के किनारे से और आप नीचे रोड के नीचे होकर निकाल रहे हैं। जैसे जैसे पुलिया आपने देखी है, सबने पुलिया आप सबने देखी होगी बच्चों, जैसे ये है, ये पुलिया बनी है, तो पानी क्या होगा जो सड़क उस साइड है तो वहां से पानी बरसात का आएगा, पुलिया में होके इधर आता रहेगा नीचे खाई में को इधर आता रहेगा। तो ये सड़क के नीचे ही तो नाली बनी है एक तरह से। तो सड़क के नीचे जो नालियां बनी होती है ना बच्चों, वो सब किस में आती हैं? क्रॉस ड्रेनेज में। जो पुलिया है आपकी पाइप वाली पुलिया, ये सब भी किस में आएंगी? आपकी क्रॉस ड्रेनेज में ही आएंगी। तो क्रॉस ड्रेनेज मतलब होता है जब अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण सड़क के दोनों ओर का क्षेत्र जल मग्न हो जाता है, यानी जब पानी से भर जाता है तब जल सड़क सतह के ऊपर से बहने लगता है, जिससे सड़क कट जाती है अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए सड़क के नीचे भाई पुलियों का निर्माण किया जाता है। अगर आप सड़क के नीचे पुलियों का निर्माण कर रहे हैं, जब भी सड़क के नीचे नालियां बनाई जाती हैं, पुलिया बनाई जाती है, इसको हमेशा हम कहते हैं भाई पारगामी जल निकासी यानी क्रॉस ड्रेनेज। सड़क के नीचे से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये पांच तरीके होते हैं, पाइप कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट, आर्च कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट, ये सब है भाई इसमें, ठीक। चलिए इन सबको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, क्रॉस ड्रेनेज जरूरी था वो आपने समझ लिया। अब इन सब पुलियाओं को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका पाइप ड्रेन आ गया हिली रोड में। भाई हिली रोड में भी पाइप ड्रेन होता है, यानी पहाड़ी सड़कों पर आप क्या करेंगे, 25 mm से 50 mm व्यास के पाइप सड़क के नीचे उचित ढाल पर बिछाकर घाटी में पानी की निकासी की जाती है। इस व्यवस्था को पाइप नाली कहते हैं। पाइप को उचित स्थिति में बनाए रखने के लिए दोनों किनारों पर दीवार का निर्माण किया जाता है और पाइप के प्रवेश पर भाई कचरा रोकने के लिए आपको पता है कैच पिट बनाए जाते हैं। ये सबको पता है ना, पहाड़ी सड़कों में जो भाई क्रॉस ड्रेनेज होता है उसमें क्या करते हैं आप, उसमें भाई पाइप जो होता है ना उसको सड़क के नीचे से उचित ढाल पर बिछा देंगे और इसको घाटी में पानी को निकाल देंगे, जो मैं बता रहा था। ये भी ये पहाड़ी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज की ही थ्योरी है, ठीक है। इस व्यवस्था को पाइप नाली कहते हैं भाई, पाइप ड्रेन कहते हैं पहाड़ी सड़कों में। अब पाइप को उचित स्थिति में बनाए रखने के लिए दोनों किनारों पर दीवार का निर्माण किया जाता है एवं पाइप के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ आप रोड के दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल बनाएंगे और जो आपका पाइप है, जो आपका क्रॉस ड्रेनेज पाइप लगा हुआ है, उसके द्वार पर भाई क्या करेंगे आप, प्रवेश द्वार पर कचरा इत्यादि को रोकने के लिए आपका कैच पिट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? कैच पिट, कुंडिका जिसे कहते हैं, इसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक। इसके बाद भाई आपका आता है कैच वाटर ड्रेन, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। पहाड़ों पर ऊपर ही पानी को कैच करने के लिए जो नाली बनाई जाती है वो कैच पिट हो गई आपकी, ये देख पा रहे हैं आप ऊपर सबसे ऊपर, इसको इंटरसेप्टिंग ड्रेन या फिर वाटर, ये कैच वाटर ड्रेन कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, देखिए ये वास्तव में क्रॉस ड्रेनेज यहाँ आपको सही दिख रहा है। पहाड़ी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज अगर आपको दिखाना है, ये डायग्राम बना सकते हैं आप, सबसे अच्छा है। यहाँ पर ये पहाड़ी है भाई आपकी, ये पहाड़ी है, तो सड़क के ही ऊपर से आपने यहाँ पर एक नाली बना दी। नाली जब भी बनानी हो इस तरह से आप नाली बनाएंगे। इसके बाद फिर ये पहाड़ी आ गई आपकी, इस पहाड़ी के आने के बाद फिर आपने यहाँ पर साइड में नाली बना दी, ये वाली साइड में नाली बना दी इधर को। इसके बाद फिर इधर भाई आपके बर्म बने हुए, यहाँ रोड है, यहाँ रोड है। ये डायग्राम बना देना बच्चों, क्रॉस ड्रेनेज में सबसे बढ़िया डायग्राम है। यहाँ कुंडिका बना हुआ है ताकि जो कचरा वगैरह होगा ना वो नीचे यहाँ जमा हो जाएगा, और इसी साइड नाली वाली, साइड वाली नाली से एक पाइप कनेक्ट करके इधर को क्रॉस ड्रेनेज बना देते हैं। इस क्रॉस ड्रेनेज का मुंह किधर कर देंगे, इधर को बाहर को, इधर आपकी वैली होती है घाटी, इधर वैली होती है बच्चों, वैली वैली मतलब घाटी। पानी सीधा यहाँ आता रहेगा नीचे होके, रोड के नीचे होके भी पानी आ रहा है आपका। ये आपका क्रॉस ड्रेनेज होता है, ये कैच पिट हो गया, ये आपका इंटरसेप्टिंग ड्रेन या फिर
ये आपका कैच वाटर ड्रेन होती है, ये रोड था, ये सबसे आसान डायग्राम है, इसको आप लोग सब बना सकते हैं भाई, सब बच्चे बना सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कल तो आपका एग्जाम जो है एनर्जी कंजर्वेशन का, उसका किसका है कल, कम्युनिकेशन का है। इसके बाद कम्युनिकेशन का पेपर का लेक्चर डलवा दिया हमने 4-4.5 घंटे का, उसमें लास्ट ईयर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे मैडम ने। इसके बाद अब जो अगला एग्जाम होगा आपका, उसको कम्युनिकेशन के पेपर के जस्ट बाद ही मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। बस इसी तरह मैनर्स के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, मैं सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज करा दूंगा, बट एक सिंसियर स्टूडेंट बन के पढ़ाई करनी है आपको, और अच्छे वे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा होगा, बहुत टफ नहीं है, आसान है भाई। साइड ड्रेन कितनी बार पढ़ेंगे, अब तक तैयार है आपका, सड़क पर कोई पानी है, सड़क के पानी को, सड़क पर बरसात के पानी को जिस नाली के थ्रू आप बाहर निकाल देते हैं, वो क्या होता है आपका, वो साइड ड्रेन होता है। सड़क के दोनों किनारों पर जो नालियाँ बनी होती हैं, जिससे सड़क पर आने वाले बरसात के पानी को नालियों के थ्रू नदी नाले तक ले जाया जाता है, वो साइड ड्रेन होती हैं, ख़त्म। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी तूफानी नाले होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे आपने सीवर नालियाँ देखी हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में ही आते हैं, सीवर नालियाँ जो होती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी नालियाँ, बहुत बड़े बड़े हाईवे पर बनी होती हैं ये वाली। ठीक है, समझ पा रहे भाई सब बच्चे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधे, इसको हटाते हैं भाई, आपका ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया अब। ठीक है, साइड डिच मतलब साइड में जो गड्ढे बनाते हैं जल निकासी के लिए, वो साइड डिच कहलाते हैं आपके। इसके बाद आठवां चैप्टर आ गया, रोड मेंटेनेंस। ठीक है, बस मैं आधा घंटा और पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कहा था 2.5 घंटे पढ़ाना है, 11 बजे तक आधा घंटा और पढ़ाएंगे, उसके बाद ये खत्म। भाई जितने बच्चे जुड़े हैं लाइक कर देंगे एक बार, मैं ज्यादा लाइक के लिए बोला नहीं आपसे, फिर भी कर दीजिए आप, ओके। अब आ गया भाई रोड मेंटेनेंस। रोड मेंटेनेंस में क्या होगा, रोड को मेंटेन करना है आपको, तो मेंटेन क्यों करेंगे, पहले तो ये देखेंगे रोड में फेलियर कौन कौन से होते हैं भाई, फेलियर पता चलेंगे तभी तो रोड को मेंटेन करेंगे आप। तो जो आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है ना, उसमें रोड फेलियर के बारे में आपको पढ़ना है, फिर आपको मेंटेनेंस पढ़ना है। तो मेंटेनेंस दो तरह के रोड का पढ़ना है आपको, एक तो बिटुमिनियस रोड का मेंटेनेंस, और एक आपको मेंटेनेंस देखना भाई किसका, कंक्रीट रोड्स का मेंटेनेंस। तो मैं बात करूँ यहाँ पर आप फेलियर, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में रोड फेलियर कौन कौन से होते हैं, तो फेलियर देखिए आप सबसे पहले, ठीक है भाई, फेलियर फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कौन कौन से फेलियर होते हैं, तो फेलियर आपके सब ग्रेड भी फेल हो सकती है, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स, जिससे आप बियरिंग कोट भी कहते हैं। टोटल 4 लेयर होती हैं आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, ये चारों लेयर में से कोई भी एक लेयर फेल हो गई तो आपका रोड फेल माना जाएगा, फिर रोड आपका विफल हो गया। यदि इन परतों में से कोई भी परत कमजोर या अस्थिर होती है तो आपका जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है वो विफल होने लगता है, फेल होने लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे इसके बाद बात करते हैं नम्य पेवमेंट में कुछ प्रमुख विफलताएं। भाई कौन कौन से फेलियर होते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, सबसे पहला होता है एलिगेटर क्रैकिंग। भाई एलिगेटर क्रैकिंग हो जाएगी, जिसे मैप क्रैकिंग भी कहते हैं। जैसे नक्शा देखा है आपने किसी भी देश का, या वर्ल्ड मैप जो होता है आपका, बिल्कुल नक्शे की तरह दरारें पड़ जाएंगी सड़क में बहुत सारी, उसे एलिगेटर क्रैकिंग कहेंगे। इसके बाद पेवमेंट परतों का, यहाँ पर भाई समेकन, समेकन कहते हैं कंसोलिडेशन को, संघनन भी आप कह सकते हैं इसको, तो कंसोलिडेशन ऑफ पेवमेंट लेयर, या इसे हम भाई इसे रूटिंग भी कहते हैं, रूटिंग, रूटिंग फेलियर होता है दूसरा। तीसरा इसमें सीयर फेलियर क्रैकिंग हो जाती है। चौथा लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग हो जाती है। तो तीन तो क्रैकिंग ही हो गई, एक एलिगेटर क्रैकिंग जिसे मैप क्रैकिंग भी कहते हैं, एक सीयर फेलियर क्रैकिंग, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, लंबाई की दिशा में रोड सीधा सीधा फेल हो गया। ठीक है, एक आपकी भाई लैक ऑफ बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग की कमी हो गई, बाइंडिंग की कमी हो गई आपके नीचे वाले कोर्स में, तो उसकी वजह से फेलियर। ब्लीडिंग हो गई, यानी सरफेस पर बिटुमिन आपका फैलने लग गया, तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग हो गई, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग मतलब समझ रहे हैं, क्रैक्स आ गए यहाँ पर, फिर पंपिंग हो गई, पंपिंग। ये टोटल फेलियर है आपके पेवमेंट फेलियर में, जिसमें एलिगेटर फेलियर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैप क्रैकिंग, देख सकते हैं आप, देखिए कितनी, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए भाई, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जैसे नक्शा बन गया हो, इस तरह दरारें पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो बिल्कुल नक्शे की तरह दरारें बन जाती हैं, तरह मैप क्रैकिंग या एलिगेटर क्रैकिंग कहते हैं। इसमें जमीन जो है नीचे भी बैठ जाती है, जैसे यहाँ पर एक लकड़ी लगा रखी स्टिक, यहाँ पर देखेंगे बीच में कितना सारा गैप हो गया रोड में, यानी किनारे पर रोड सही था लेकिन बीच में रोड नीचे बैठ गया, दब गया रोड यहाँ से। तो इसमें एलिगेटर क्रैकिंग में रोड नीचे दब भी जाता है और नक्शे की तरह से इसमें एकदम क्रैकिंग हो जाती है, तो इसे एलिगेटर क्रैकिंग कहते हैं। पहले टाइप का फेलियर हो गया भाई,
दूसरा फेलियर आपका कंसोलिडेशन होता है, जिसे रूटिंग भी कहते हैं। रूटिंग, रूटिंग का मतलब जब भाई सड़क पर पहिए से बनी लकीर जो होती है जिन्हें रूट कहते हैं, इनके द्वारा फेलियर जो है इसके अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहिए से लकीरें बन जाएंगी सड़क के ऊपर, तो वो रूटिंग फेलियर में आएगा। ये क्यों होता है भाई, एक ही लाइन पर अगर बार बार आप वाहन चला रहे हैं और एक ही लाइन पर पहिया बार बार आता रहेगा तो इससे रूटिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ पा रहे कारण क्या है भाई इसके, एक ही पहिया, जो एक ही पहिया पथ है बार बार उसी पर लोड लगेगा, इससे लॉन्गिट्यूडनल रूट्स हो जाते हैं, यानी लकीरें बन जाती है लंबी लंबी। गाड़ी के पहिए के साथ सड़क की जो ऊपरी सतह है भाई, इसका निकलना भी इसका कारण है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी देख रहे हैं आप, यहाँ पर बार बार पहिया यहीं आ रहा होगा, तो रोड जो है आपका यहाँ से बैठता चला गया, एक तरफ से बैठता चला गया। इसको बच्चों हम कहते हैं रूटिंग, या रूटिंग फेलियर हो गया पेवमेंट रोड में। ठीक, इसके बाद सीयर फेलियर क्रैकिंग। भाई सीयर फेलियर क्रैकिंग क्या होगा बच्चों, सीयर फेलियर क्रैकिंग क्या होता है, तो यह विफलता पेमेंट सामग्री के, भाई सामग्री में जब अपहीवल हो गया, उथल फुथल हो गई सामग्री में, तो उसकी वजह से आपके सीयर फेलियर क्रैकिंग आती है। ठीक है, अत्यधिक पहिए के भार की वजह से और पेमेंट मिक्सर का सीयर प्रतिरोध कम होने से। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई की दिशा में दरार पड़ेंगी बच्चों, लंबाई की दिशा में दरार, देख पा रहे आप, ये सीधी सीधी लंबाई, लंबी लंबी दरार है एकदम, ये लंबाई की दिशा में जब दरार पड़ जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग कहेंगे। इस प्रकार की दरारें पेमेंट की पूरी मोटाई तक फैली होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य दरारों के जो कारण है वो क्या कारण होते हैं भाई, डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज। अगर वॉल्यूम में भाई अलग अलग चेंज आ रहा है तो ये हो जाएगा, सेटलमेंट जो हो रहा है आपका, मटेरियल नीचे सेटल कर गया, इसके अलावा साइड स्कोप जो है स्लाइड कर गया। ठीक, इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होती है। इसके बाद लैक ऑफ बाइंडिंग, भाई बाइंडिंग मटेरियल की कमी के कारण भी आपका जो लोअर कोर्स है वो फेल हो जाता है, नीचे का कोर्स। इसके बाद ये देखिए, बाइंडिंग की कमी से फेलियर आ रहा है। इसके बाद ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब क्या है, जो रोड पर आप बिटुमिन यूज कर रहे हैं वो बिटुमिन आपका सड़क की सतह पर ऊपर फैलने लग गया बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ब्लीडिंग हो गई। तो पेमेंट की सतह पर अतिरिक्त बिटुमिन गिराने से ब्लीडिंग होता है, यह एक कांच जैसी चमकदार और परावर्तक सतह के रूप में होता है। देख रहे हैं नीला नीला हो गया पूरा रोड यहाँ पर, यहाँ बिटुमिन की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग में क्या होता है भाई, यहाँ पर क्रैकिंग ऐसे भी जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्रैकिंग भी है, तो इसको रिफ्लेक्शन क्रैकिंग कहते हैं। इस प्रकार की विफलता तब होती है जब बिटुमिन सतह के कोर्स को कुछ दरारों के साथ मौजूदा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट पर रखा जाता है। ये क्रैकिंग भाई बिटुमिन सतह पर एक ही पैटर्न में रिफ्लेक्ट होती रहती है बार बार, यानी ऐसे सीधी लंबाई में भी है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी क्रैकिंग होगी, दोनों तरफ क्रैकिंग हो रही है। पंपिंग क्या होता है भाई, पंपिंग में रोड आपका ऊपर से भूरा भूरा दिखने लगता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, दरारों के माध्यम से पेमेंट के नीचे से पानी और महीन कणों को हटाने को पंपिंग कहते हैं। यहाँ से पानी हट गया, सूखा हो गया रोड साइड से, अब भाई रोड को मेंटेन कैसे करेंगे, तो भाई बिटुमिनियस रोड को कैसे मेंटेन करते हैं, तो पैच रिपेयरिंग, सरफेस ट्रीटमेंट और रीसरफेस ट्रीटमेंट के द्वारा। सबसे पहले पैच रिपेयरिंग को समझेंगे, पैच रिपेयरिंग का मतलब होता है बच्चों गड्ढे को भरना। पहला क्या होता है, गड्ढे को भरना, अगर बिटुमिन वाले रोड है उनमें गड्ढा हो गया तो आप गड्ढा भर देंगे, थोड़ा सा कंक्रीट डाल के और बिटुमिन डाल देंगे ऊपर से, गड्ढा भर जाएगा। सरफेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं सतह का, या रीसरफेस ट्रीटमेंट भी आपका होता है। ठीक है, तीन तरह का आपका यहाँ पर मेंटेनेंस होगा बिटुमिनियस रोड में। सबसे पहले पैच रिपेयरिंग, गड्ढे को भरना, यानी सड़क सतह पर पड़े गड्ढों की तथा लीकों की मरम्मत के लिए पैच कार्य किया जाता है। जब सड़क निर्माण के समय सतह की अच्छी कुटाई ना हो और गिट्टी में भाई वॉइड्स में बालू इत्यादि अच्छे से ना भरी गई हो, तो वाहनों के चलने से सड़क में गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को कैसे भरा जाता है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर गहराई तक गेंती की सहायता से आप एक आयताकार या वर्गाकार गड्ढा खोद लेंगे। मतलब अगर छोटा सा गड्ढा होगा ना तो उसको पहले और बड़ा कर लेंगे जगह को साफ करके। आपने गड्ढा बड़ा कर लिया, आप गड्ढे को साफ करके उसमें भाई गिट्टी को साफ करके भर देंगे, गिट्टी भर देंगे उसमें। गिट्टी भर दिया आपने, यदि गिट्टी कम पड़ती है तो ऊपर से भाई अलग गिट्टी डालकर भी आप अच्छे प्रकार से कुटाई कर सकते हैं। इसके बाद आप गिट्टी और बिटुमिन जो होता है इसके मिक्सचर को कारपेट के रूप में बिछा देते हैं, और ये प्रक्रिया आपकी पैच रिपेयरिंग कहलाती है। गड्ढा हो गया, पहले आपने 8 से 10 सेंटीमीटर का
गड्ढा जो है चौड़ा कर लिया आयताकार या वर्गाकार शेप में, फिर उसमें आपने साफ सी गिट्टी भर दी। अगर आप पे गिट्टी कम पड़ रही है और ले आओ गिट्टी, उसे साफ करके अच्छे से भर के कुटाई कर दो, फिर ऊपर से आप बिटुमिन और गिट्टी जो होता है इनके मिक्सर को डाल के कारपेट की तरह बिछा दो अच्छे से, तो आपका पैच रिपेयरिंग हो गया, गड्ढा भर गया। ठीक है, पैच रिपेयरिंग के बाद आगे आता है सरफेस ट्रीटमेंट। अब सतह का उपचार करना है आपको, तो सड़क निर्माण के समय जब आवश्यकता से अधिक बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है तो भाई हाई टेम्परेचर के कारण बिटुमिन पिघलने लगता है और बहने लगता है, जैसे ब्लीडिंग कहते हैं। अब इसके उपचार के लिए क्या करेंगे आप ग्रीष्म ऋतु में, भाई गर्मी के मौसम में, कब गर्मी के मौसम में सड़क पर 10 mm माप के गिट्टी अवस्था मोटी बालू, यानी 10 mm साइज की गिट्टी की जैसी जो बालू होती है उसे डाल करके अच्छे से कुटाई कर लेंगे रोलर के द्वारा, बिटुमिन की सड़कों पर लहरें पड़ जाती हैं, तो इनके उपचार के लिए एक नया पृष्ठ प्रलेपन कर देना चाहिए, एक और लेयर ऊपर से डाल देनी चाहिए। तो सरफेस ट्रीटमेंट में बेसिकली करते क्या है, जब हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन यूज कर लेते हैं तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ने पर विटामिन पिघलने लगता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम उसके ऊपर से 10 mm मोटी गिट्टी नुमा बालू डाल देंगे। उससे क्या होगा, वो जो विटामिन आपका फैला हुआ था पूरी सड़क पर वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसकी रोलर के द्वारा कुटाई कर देंगे, लेकिन अगर इसमें भाई लहरें पड़ जा रही हैं, लहरें पड़ रही हैं, तो फिर एक पूरी लेयर डालेंगे रोड के ऊपर से दोबारा, तो इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। आगे तीसरा रीसरफेस ट्रीटमेंट, इसमें क्या होगा, यातायात का भार अधिक होने पर, सड़क की सामर्थ्य कम होने पर, सड़क सतह पर भाई मकड़ी के जाल की भांति दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें भाई मैप क्रैकिंग कहते हैं, जो आपको पीछे दिखाया था। तो मैप क्रैकिंग को ट्रीट करने के लिए आप रीसरफेस करते हैं, रीसरफेसिंग मतलब सरफेस के नीचे जो आपने सबग्रेड प्रोवाइड किया था उसको मजबूत करेंगे, उसकी सामर्थ्य बढ़ाएंगे। तो यदि समय पर इसकी मरम्मत ना की जाए तो दरारें गड्ढे के रूप में बदल जाती हैं। जब भाई सड़क सतह के एक तिहाई हिस्से में गड्ढे और दरार पड़ जाती हैं तो बिटुमिन प्रलेपन द्वारा इन्हें दोबारा से पृष्ठ डाला जाता है, दोबारा से लेयर डालनी पड़ती है आपको। करीब सरफेस में आप क्या करेंगे, रोड के नीचे के जो सरफेस हैं उनको मजबूत करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आता है मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड। बिटुमिन रोड के बाद आप कंक्रीट रोड को मेंटेन करना सीखेंगे। इसमें भी आपको क्रैक्स को रिपेयर करना है, दरारें हैं उनको भरना है। तो भाई सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पर भारी यातायात होने या टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण प्रसार और संकुचन जोड़ के कारण सड़क सतह में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों की अच्छे से सफाई करके इनमें भाई बिटुमिन या फिर अन्य मिक्सर भर देंगे तो ये आपका क्रैक रिपेयर हो गए। मतलब पॉइंट लगभग वही है, वहाँ पर पैच रिपेयरिंग कर रहे थे या क्रैक रिपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रिपेयर ऑफ जॉइंट, या जॉइंट को भी रिपेयर करेंगे। जॉइंट में भाई कोई कमी आ गई, जैसे सीमेंट कंक्रीट की सड़कों के जोड़ पर लोड आने के कारण जब भाई ये स्लैब दब जाती है, ऊपर वाली लेयर दब जाती है, तब भार के कारण जोड़ से कीचड़ निकाल करके भाई कीचड़ निकल के ऊपर आ जाती है जॉइंट से, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है मड पंपिंग। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट की सड़कों का सबसे कमजोर भाग क्या होता है, जॉइंट होता है। इन जॉइंट को भरने के लिए इनमें उचित पदार्थ जैसे बिटुमिन या फिर हम कुछ भी DPC वाला पदार्थ भाई सील कर देंगे, मतलब आप इसमें बिटुमिन भर के इसको सील कर देते हैं और जोड़ के ऊपर बालू या मुरम डाल के जोड़ पूरी तरह से आप बंद कर देंगे तो जॉइंट आपका रिपेयर हो गया। ठीक है, इसमें पैच रिपेयरिंग भी करते हैं, आपको पता गड्ढे को भरना, कंक्रीट वाले रोड में भी पैच रिपेयरिंग होती है। शोल्डर्स को रिपेयर करते हैं, शोल्डर को कैसे रिपेयर करेंगे, जो साइड वाले शोल्डर्स थे उनको रिपेयर करना है। तो शोल्डर प्राय कच्चे मिट्टी के या ईंटों के बनाए जाते हैं भाई, अगर मिट्टी आपकी खराब होगी तो मिट्टी का भराव कर दो, वहाँ पर मिट्टी कम हो गई गड्ढा हो गए तो, या अगर ईंटें खराब होगी तो ईंट को बदल के खरंजा दूसरा लगवा दो उसमें। ठीक है, यहाँ से शोल्डर आपके रिपेयर हो जाएंगे, चैप्टर खत्म। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं भाई, बस PDF जस्ट अभी डाल देंगे, 11 बजे तक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक आध घंटे आप PDF से रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। भाई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आपको हॉट मिक्स प्लांट के बारे में पढ़ना है, टिप्पर क्या होता है, ट्रैक्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। दोनों तरह के ट्रैक्टर भाई, व्हील वाले भी और क्रॉलर वाले भी। आप स्क्रैपर के बारे में पढ़ेंगे, बुलडोजर पढ़ना है, डंपर पढ़ने, आपको सोवेल पढ़ना है, ग्रेडर, रोलर और ड्रैग लाइन, ये सभी उपकरण हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं रोड डालने के लिए। एसफाल्ट मिक्सर के बारे में भी पढ़ना है आपको, रोड पेवर और पेवर फिनिशर, ये सभी उपकरण आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जल्दी देखेंगे भाई, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं इनमें आपके कौन कौन से आते हैं। अगर आपको मिट्टी की खुदाई करनी है, या मिट्टी को ढोना है एक जगह से दूसरी जगह, या मिट्टी की कुटाई करनी है,
इन सब के लिए मतलब मिट्टी कार्य के लिए जो उपकरण यूज होते हैं वो होते हैं आपके ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्यों यूज होगा भाई? ट्रैक्टर यूज होता है मिट्टी की खुदाई करने के लिए। दूसरा होता है आपका भाई सावेल। सावेल भी मिट्टी की ढुलाई के लिए यूज होगा, ये भी ढुलाई के लिए यूज होगा। डोजर, डोजर में बुलडोजर यूज करेंगे आप। बुलडोजर का यूज तो आपको पता है, मिट्टी को काटने में यूज कर लेते हैं, किसी स्ट्रक्चर को गिराने में यूज कर लेते हैं। डंपर, डंपर, ड्रैग लाइन सभी का यूज होता है मिट्टी कार्य में। रोलर मिट्टी की कुटाई में। बैकहो, स्क्रैपर, ठीक है, कैमसेल, ग्रेडर, रिपर, ये सभी मिट्टी के लिए यूज होते हैं। अब पढ़ना कौन कौन सा है भाई हमें? दूसरा चीज ये तो हो गया मिट्टी कार्य के लिए, यानी मिट्टी की खुदाई करनी है, ढुलाई करनी है, कुटाई करनी है, इनमें ये उपकरण होते हैं यूज। इसके बाद बिटुमिन मिक्सर इक्विपमेंट, बिटुमिन को मिक्स करने के लिए बिटुमिन, भाई बिटुमिन बॉयलर भी आते हैं, बिटुमिन मिक्सर भी आते हैं, बिटुमिन स्प्रेयर भी स्प्रेयर भी आते हैं बिटुमिन का स्प्रे करने के लिए। इसके बाद एग्रीगेट हीटर पेन भी होते हैं और पेबर भी होते हैं। भाई कंक्रीट मिक्स करने के लिए कंक्रीट के मिक्सर आते हैं, वाइब्रेटर आते हैं और कंक्रीट के पेवर आते हैं। ये सब इक्विपमेंट यूज होंगे। इनमें से हमें ट्रैक्टर को पढ़ना है डिटेल में। ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर सबको पता है भाई, ट्रैक्टर क्या है? सड़क निर्माण कार्य में ट्रैक्टर एक वाहक उपकरण है। वाहक मतलब जो एक सामान को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। ये भाई अन्य उपकरण या मशीन को खींचने का काम करता है ट्रैक्टर जो होता है, ठीक। ये डीजल द्वारा चलते हैं। ये भाई 20 हॉर्स पावर से 200 हॉर्स पावर तक के होते हैं। ट्रैक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक चैन पट्टी से चलने वाले और एक पहिए वाले। एक आपके क्रॉलर होते हैं और दूसरे व्हील टाइप के, ठीक है। तो भाई क्रॉलर वाले ट्रैक्टर कौन से हैं? ये वाले, ये कौन से ट्रैक्टर हैं बच्चों? ये आपके चैन पट्टी से चलने वाले हैं। आप देख रहे होंगे डायग्राम, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है चैन पट्टी लगी हुई है इस पे, ऐसे चैन पट्टी। ट्रैक्टर कौन से हैं भाई? जो चैन पट्टी से चलने वाले ट्रैक्टर होते हैं वो है आपके, ये समझ आ रहा है सबको? तो इस ट्रैक्टर में पहियों के स्थान पर क्या यूज करेंगे भाई? पहियों के स्थान पर आप सिराहीन, जिसका सिरानी होगा वो चैन लगी होती है, जिसके घूमने पर ट्रैक्टर चलता है। ये भार को बड़े क्षेत्रफल पर ट्रांसफर कर देते हैं भाई, ये ज्यादा एरिया को कवर करेंगे ये, ठीक है। इससे इसका उपयोग भाई नरम और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर किया जाता है। ये ट्रैक्टर दलदली और कीचड़ युक्त भूमि के लिए उपयुक्त होते हैं। ये डायग्राम नहीं बनाना आपको, सिर्फ थ्योरी याद करनी है, तो रिलेट करने के लिए था ताकि आप थ्योरी याद कर पाए। तो चैन पट्टी वाले जो ट्रैक्टर होते हैं, इनमें एक चैन पट्टी लगी होती है भाई, जिसके चैन पट्टी के घूमने पर ये ट्रैक्टर चलते हैं। ये लोड को भाई अधिक भार, अधिक जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, अधिक एरिया पर, ठीक है, क्लियर है सबको? ये कहाँ पर यूज होते हैं? तो ये भाई नरम या फिर जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है वहां पर यूज किए जाते हैं। बाकी पहिए वाले ट्रैक्टर तो आप सबने देखे ही हैं। इस ट्रैक्टर में रबड़ के चार पहिए लगे होते हैं, जिनमें आगे के दो पहिए छोटे और पीछे के दो पहिए बड़े होते हैं। समतल क्षेत्रों में इसकी गति और दक्षता अधिक होती है। सड़क निर्माण कार्य में इन ट्रैक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे भाई सावेल क्या होता है? सावेल आप देख सकते हैं, हीरा सावेल, ये भाई सावेल है आपका। इसमें क्या होगा? यह एक शक्ति चालित मशीन होती है जो मिट्टी को काटने, उठाने और मिट्टी को ट्रक या डंपर में भरने के लिए यूज होता है भाई। अगर मिट्टी काटनी है तो इसका यूज कर लेंगे, मतलब बुलडोजर का काम भी ये कर देगा। उठाने और मिट्टी को ट्रक में या फिर किसी डंपर में, डंपर भी एक ट्रक जैसा ही होता है जो पीछे से खुल जाता है पूरा, ठीक है, इसमें भरने के लिए इसका यूज करते हैं। बात समझ पा रहे हैं सब भाई? क्लियर है सबको? इसका यूज किस चीज में होता है? मिट्टी को काटने में, उठाने में, मिट्टी को ट्रक में भरने में या डंपर में भरने में यूज किया जाता है, ये आपका सावल होता है। इसके बाद डंपर, भाई डंपर या टिप्पर क्या होता है? डंपर या टिप्पर क्या होता है? तो भाई ये एक ऊपर से खुला हुआ ट्रक होता है, ये आपने सबने देखा होगा। टिप्पर जो होता है ये सबने देखा है, ये वाला एक तरह का ट्रक ही होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक तरह का ट्रक ही होता है डंपर जो होता है आपका। इससे मिट्टी वगैरह बहुत आसानी से खाली हो जाती है, ठीक है। ये किस काम में आता है भाई? एक ऊपर से खुला हुआ ट्रक होता है, इसका यूज, इसका जो पीछे वाला भाग है वो जैक व्यवस्था द्वारा ऊपर को उठ जाता है भाई, जिससे इसे आसानी से खाली किया जा सकता है। जो आपके डंपर होते हैं अधिक क्षमता के होते हैं, ये रबर टायर पे चलते हैं भाई। मटेरियल को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज होते हैं। अगर आपको मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप डंपर का यूज कर लेंगे, डंपर का। अभी तक मैंने जो जो उपकरण बताया उनका यूज समझ आ गया भाई। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने कौन सा बताया था आपको? सबसे पहले मैंने आपको ट्रैक्टर ही बताया। तो ट्रैक्टर एक वाहक उपकरण होता है, इसका यूज क्या बताया था आपको?
भाई किसी भी उपकरण को या मशीन को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इन्हें खींचने के लिए ट्रैक्टर का यूज हो रहा था। इसके बाद दूसरा मैंने आपको क्या बताया, चैन पट्टी वाले ट्रैक्टर थे जो नरम और दलदली या ऊबड़ खाबड़ भूमि पर चलते हैं, दलदली नहीं कहेंगे सॉरी, नरम और ऊबड़ खाबड़ भूमि पर चलते हैं, और व्हील टाइप के जो ट्रैक्टर हैं समतल जगह पर चलते हैं आपके, ठीक है। इनकी गति और दक्षता ज़्यादा होती है, चार पहिए वाले होते हैं, आगे के छोटे पीछे के बड़े पहिए होते हैं। आप सावल का मतलब समझ गए, आप मिट्टी को काटने में बुलडोजर की तरह ही होता है अभी, ठीक है, मिट्टी को काटने में, उठाने में और मिट्टी को ट्रक या डंपर में भरने में इसका यूज होता है। बाकी आपने इसके बाद समझा भाई टिप्पर या डंपर, डंपर क्या होता है, ऊपर से खुले हुए ट्रैक्टर होते हैं, इनका पीछे वाला हिस्सा जैक से ऊपर उठ जाता है जिससे मिट्टी को खाली करने में यूज किए जाते हैं, यानी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डंपर यूज होते हैं आपके, डंपर। डंपर के बाद अगला आता है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन भाई क्या होता है, देखिए ड्रैग लाइन क्या है, इसमें बड़े से चैनल लगे होते हैं, रस्सी के थ्रू बंधे होते हैं ये, ठीक है। तो ड्रैग लाइन के बारे में सुनिए भाई, ड्रैग लाइन भी एक सावर की भांति होता है जो कि मिट्टी की खुदाई के लिए यूज होता है भाई, मिट्टी की खुदाई करने में ड्रैग लाइन का यूज करते हैं हम। ये भाई मिट्टी को ट्रकों में भरने में भी यूज होता है और ऊंचे बांधों इत्यादि पर मिट्टी डालने के लिए भी यूज किया जाता है। सावर का जो यूज था वही इसका यूज है। इसके बाद स्क्रैपर आते हैं, स्क्रैपर मिट्टी को स्क्रैप करने के लिए, खोदने के लिए यूज होते हैं भाई। ये मिट्टी को खोदने के लिए, उठाने के लिए और समतल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें भाई दो या फिर चार टायरों के पहिए लगे होते हैं चलाने के लिए। इसके लिए क्या होगा भाई, इसे ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाएगा। स्क्रैपर ये है आपका, ये ट्रैक्टर है, इसके पीछे बांधा हुआ है ये, ठीक है। देख लीजिए आप, दो आगे टायर हैं, दो पीछे स्क्रैपर में टायर थे, ठीक। चलिए स्क्रैपर के बाद भाई ग्रेडर होते हैं। ग्रेडर क्या होते हैं आपके, ग्रेडर आप ये देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों आपके, ग्रेडर है ये। ये क्या है, ग्रेडर। तो ग्रेडर का यूज हम ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए करते हैं। बस इनका यूज याद रखना, किसका यूज क्या है, बस इतना याद हो गया, काम खत्म। ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने में आप ग्रेडर का यूज करेंगे, ठीक है भाई। ग्रेडर का यूज करते हैं आप जमीन प्लेन करने के लिए। देख रहे नीचे, ये जमीन को समतल करता जाएगा ये वाला पार्ट इसका। इसके बाद बिटुमिन बॉयलर, यहाँ पर इसमें बिटुमिन गर्म किया जाता है भाई। सड़क निर्माण कार्य में बिटुमिन को पिघली अवस्था में प्रयोग किया जाता है, इसके लिए बिटुमिन को गर्म करना पड़ता है। इसके लिए भाई बॉयलर का यूज करते हैं हम। बॉयलर आपके 1000 लीटर से लेके 10000 लीटर कैपेसिटी तक के आते हैं भाई। कोयला या गैस का प्रयोग करते हैं ना गर्म करने के लिए, ठीक है। रोड पेवर क्या होते हैं, ये रोड पेवर है, देख सकते हैं आप। इसका यूज सड़क निर्माण कार्य में पूर्व मिश्रित गिट्टी को समान मोटाई में बिछाने में करते हैं भाई। जो पहले से मिश्रित मिट्टी है, गिट्टी है आपकी, उसको समान मोटाई में बिछाने के लिए या कुटाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, रोड पेवर का। पेप मतलब पक्का होता है, रोड, पक्के रोड पर यूज किया जाता है भाई ये, ठीक। इसके बाद रोलर, रोलर का यूज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रोलर क्या होते हैं, ये भी प्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, सड़क को कम्पैक्ट करने के लिए यूज करते हैं रोलर्स का। रोलर आपके हाथ से चलने वाले भी होते हैं, हैंड रोलर, ठीक है। न्यूमेटिक टायर रोलर भी होते हैं, फ्लैट व्हील रोलर भी होते हैं, सिप फुट रोलर। देखिए ये आपका हाथ से चलने वाला रोलर है, ये आपका हैंड रोलर हो गया, हैंड रोलर, ठीक है। इसके बाद ये आपका रबर टायर वाला रोलर हो गया, न्यूमेटिक टायर रोलर या रबर टायर रोलर इन्हें कह देते हैं, ठीक। ये वाला आपका कौन सा है, फ्लैट व्हील रोलर है, इसके पहिए बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, कुटाई करने में यूज होते हैं ये, ठीक। इसके बाद सीप फुट रोलर, इसमें सीप यानी भेड़ के पैर जैसे इसके ऊपर निशान बने होते हैं, ठीक। इसके बाद हॉट मिक्स प्लांट आ गया। हॉट मिक्स प्लांट क्या होता है भाई, ये डामर ड्रम मिक्स, जिसे आमतौर पर हॉट मिक्स प्लांट के रूप में जाना जाता है, यानी इनमें भाई डामर जो होता है वो मिक्स किया जाता है। हॉट मिक्स प्लांट में क्या होते हैं, डामर ड्रम मिक्स होते हैं, इनमें डामर का मिक्सर बनाया जाता है, इन्होंने पिघलाया जाता है, यानी डामर का मिक्सर समझे एक तरह से। आवश्यक टेम्परेचर पर एक सजातीय मिक्सर बनाने के लिए कंक्रीट, डामर और मोटे और महीन कुल और भराव सामग्री का सबसे बड़ा मिक्सर है ये। एक तरह का मिक्सर है भाई ये, इसमें डामर और कंक्रीट और मोटे और महीन मिलावे इन सबको मिक्स किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा प्लांट है ये। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ गया एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अब 10 मिनट आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को ध्यान से समझेंगे, केवल 10 मिनट, ठीक है। चलिए भाई लाइक कर देंगे सब बच्चे, आपका खत्म होने वाला हाईवे तो लगभग 2.5 घंटे का कल लेक्चर हो गया, 2.5 घंटे का ये। इन दोनों के PDF एक बार और थोड़ा सा 1 घंटे देख लीजिएगा, देखना चाहे तो, जो पार्ट आपको वीक लग रहा हो, जो चैप्टर नहीं पढ़ा हो, ठीक है, सिर्फ वही चैप्टर को और रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, मतलब जो चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो जिसमें डाउट हो आपको
उनको रिवाइज करिएगा। पूरे रिवीजन का आप टाइम नहीं है, जितना पढ़ लिया कॉन्फिडेंट रहना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, अच्छा जाएगा पेपर। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, आपके सिलेबस में छोटा ही पार्ट दिया है। एक तो भाई इसकी आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद एविएशन ट्रांसपोर्ट सिनेरियो, भाई इसका सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। बाकी फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को प्रभावित करते हैं। बाकी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा रनवे क्या होता है, डेफिनेशन पूछेगा, इम्पोर्टेंट है रनवे की परिभाषा, ठीक है। टैक्सी वे क्या होता है, इम्पोर्टेंट है टैक्सी वे की परिभाषा, ठीक है। एप्रॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, एप्रॉन की परिभाषा। हैंगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी से पढ़ लेंगे भाई, जरूर पूछेगा बच्चों ये आपको चैप्टर, ये वाला ये चैप्टर आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, इसका ध्यान रखिएगा जरूर। और इनकी परिभाषाएं एक बार पढ़ लीजिए, कौन कौन सी डेफिनेशन है, चार हैं सिर्फ। इसके बाद इसका सिनेरियो क्या है और इसकी स्टडी क्यों करते हैं और इसके जो फैक्टर हैं इसे प्रभावित करने वाले उनके बारे में। तो पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं हम, सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं भाई, फैक्टर। पहले फैक्टर पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को प्रभावित करते हैं। तो आप स्थल का चयन, भाई स्थल चयन करने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मेन टॉपिक है कि जो फैक्टर्स है टू बी कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग ए साइट ऑफ एन एयरपोर्ट। अगर आप किसी एयरपोर्ट के लिए कोई साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं, किस जगह हमारा एयरपोर्ट होना चाहिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। भाई आपको क्या करना है, एयरपोर्ट के लिए स्थल का चयन करना है, स्थल चयन। इस स्थल चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपको। तो भाई स्थल चयन कर लिए, चयन के लिए ध्यान रखना है कि जो आपका एयरपोर्ट है, भाई विमानपत्तन हिंदी में कहते हैं एयरपोर्ट को, जो एयरपोर्ट है उसका भविष्य में विस्तार आसानी से किया जा सके, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो आपका एयरपोर्ट है भाई, ये विमानपत्तन मतलब बच्चों एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है स्थल पर प्राकृतिक संसाधन, जैसे भाई एयरपोर्ट जहाँ पर एयरपोर्ट लोकेशन होगी, जहाँ साइट सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जल आपूर्ति होनी चाहिए, सीवर लाइन भी होनी चाहिए, सीवर लाइन के लिए पाइपलाइन उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई और सीवर लाइन होना जरूरी है। तो आपको साइट सेलेक्शन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात ध्यान रखनी है साइट सिलेक्शन के लिए कि जो आपका एयरपोर्ट है उसका भविष्य में अगर विस्तार किया जाए तो विस्तार हो सके, ऐसी जगह पर एयरपोर्ट आपको बनाना है। एयरपोर्ट स्थल पर आपको जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे जैसे भाई जलापूर्ति और सीवर लाइन, इन सब के लिए पाइपलाइन उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। जो आपका एयरपोर्ट है भाई, इसके लिए ऐसे स्थल का चयन किया जाना चाहिए जिसका जो स्लोप है वो भाई 1.5% से अधिक ना हो, ठीक है। 1.5% से ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए ज़मीन का, बहुत अधिक ढालू ज़मीन नहीं होनी चाहिए, पता चला पहाड़ों पर एयरपोर्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एयरपोर्ट के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिए जहाँ की मिट्टी बच्चों कठोर हो और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। इसके बाद एयरपोर्ट के लिए ऐसे स्थल का चयन किया जाना चाहिए जहाँ पर कम से कम कारक स्थल को प्रभावित करें, और एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो मितव्ययी हो, ऐसी जगह पर हमें एयरपोर्ट बनाना चाहिए। समझ पा रहे हैं सब बच्चे। इसके बाद ये 5 पॉइंट है बस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आसानी से याद भी हो जाएंगे ना, बहुत सिंपल तो हैं। कौन कौन से पॉइंट बताएं भाई, देखिए इसको तो सही से पढ़ी लीजिए, एटलीस्ट 5 नंबर फिक्स कर लीजिए अपने, बहुत छोटा चैप्टर है ये, मुश्किल से ये 20-25 पेज का था दोनों लैंग्वेज में 20-25 पेज PDF वाले हैं, और नॉर्मल पेज देखें 2 पेज का है, मुश्किल से 3-4 पेज मान लीजिए। तो सबसे पहले स्थल का चयन करने में एयरपोर्ट के लिए क्या ध्यान रखना है भाई, कि एयरपोर्ट का भविष्य में विस्तार आसानी से हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है आपको एयरपोर्ट का चयन करते समय। दूसरा भाई, एयरपोर्ट का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जल आपूर्ति और सीवर लाइन के लिए पाइपलाइन उपलब्ध होना चाहिए आसानी से। तीसरा, हमें स्थल का चयन करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसी ज़मीन का चयन करना है जिसका स्लोप 1.5% से ज़्यादा ना हो। एयरपोर्ट के लिए आपको ऐसी जगह का चयन करना है जहाँ की मिट्टी कठोर हो और वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था भी उत्तम हो, जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी हो, ठीक है। एयरपोर्ट ऐसे स्थान पर चुनना चाहिए
जहाँ पर भाई कम से कम कारक ऐसे हों जो जमीन को प्रभावित करते हों, यानी लोकेशन को इफेक्ट करें, और इसका निर्माण व्यय भी मिति व्यय हो। समझ आ गया? चलिए, साइट सिलेक्शन हो गया। इसके बाद रनवे। अब परिभाषा सुनिए छोटी छोटी बच्चों, रनवे क्या होता है? रनवे 34 मूवी खूब देखी होगी आप सबने। रनवे जानते हैं? रन मतलब दौड़ना, उड़ना नहीं, मैं फ्लाई नहीं कह रहा, रनवे। रन मतलब दौड़ना, वे मतलब रास्ता। तो भाई अगर आपका जो जहाज है उसको उड़ने से पहले एक ऐसी जगह चाहिए, एक रास्ता चाहिए जिस पर वो दौड़ सके। पहले वो रन करेगा, बाद में फ्लाई करेगा। तो जो आपका एयरपोर्ट पे एक ऐसा रास्ता जिस पर वायुयान आपका दौड़ता है या चलता है ओवर, मतलब वो फ्लाई करने के लिए, तो वो आपका क्या होता है? रनवे होता है, हवाई पट्टी। बेटा इससे परिभाषा निकालने की कोशिश किया करें। रन मतलब दौड़ना, वे मतलब रास्ता। तो जिस रास्ते पर हवाई जहाज दौड़ेगा उड़ने से पहले, वो आपका रनवे होता है। तो भाई वायुयान के उड़ान भरने या उतरने के लिए एक लंबी नैरो पट्टी, नैरो मतलब पतली पट्टी के रूप में एक पथ का निर्माण किया जाता है। ये पथ क्या कहलाता है? हवाई पट्टी कहलाती है। भाई अगर वायुयान है उसको उड़ान भरनी है या फिर उसे उतरना है, तो उसके लिए एक लंबी नैरो पट्टी चाहिए ना, तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं हम लोग रनवे। जिस प्रकार रेलगाड़ी के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म का महत्व, उसी प्रकार वायुयान के लिए रनवे आवश्यक होता है। रनवे पर दिन में प्रकाश तो रहता ही है, साथ ही साथ रात्रि के समय भी पर्याप्त प्रकाश के लिए उत्तम व्यवस्था की जाती है। रनवे की लंबाई हवाई अड्डे पर आने वाले वायुयानों की माप और गति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है कि रनवे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ज़्यादा एरोप्लेन्स वहाँ पर आते हैं, तो रनवे आपको ज़्यादा लंबा रखना है। एक आध दो ही वहाँ पर, मतलब छोटा एयरपोर्ट है, एक आध दो जहाज आ रहे हैं सिर्फ, तो इसकी लंबाई कम रख सकते हैं आप, ठीक है? तो रनवे समझ गए ना। रनवे के बाद अगला आपसे पूछ सकता है बच्चों, देखिए ये रहा रनवे। बच्चों ये रनवे है, ये वाला रास्ता, दिख रहा भाई ये रास्ता आप सबको? ये जो रास्ता है ये क्या है? यही तो रनवे है, जिस पर जहाज उड़ान भरने से पहले जिस रास्ते पे दौड़ेगा, या जहाज के उतरने से पहले जहाज जिस रास्ते पे दौड़ता है ना, वो वाला रास्ता जिस पर चलेगा जहाज उड़ने की बजाय चलेगा, वो रास्ता क्या है आपका भाई? तो ये वही रास्ता, सिर्फ चलता तो और भी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर उड़ान भरने से पहले या फिर उतरते समय जहाज चलेगा, वो है रनवे, ठीक है? रनवे के बाद टैक्सीवे आता है भाई। टैक्सीवे बच्चों, टैक्सीवे क्या होता है? टैक्सीवे क्या होता है? टैक्सीवे तो हवाई अड्डे से वायुयान को, भाई हवाई अड्डा जो होता है आपका एयरपोर्ट, वहां से जो आपका जहाज है उसको एप्रन पे ले जा रहे हैं आप। एप्रन क्या होता है भी आगे बताएंगे, एप्रन या फिर हैंगर्स पे ले जा रहे हैं, या पार्किंग स्थल तक ले जा रहे हैं आप। यहाँ तक ले जाने या लाने के लिए एक और छोटी सी कम चौड़ाई की पट्टी का निर्माण किया जाता है भाई, एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, ये पट्टी टैक्सी मार्ग कहलाता है। तो टैक्सी मार्ग होता क्या वास्तव में? तो हवाई अड्डे से अगर आपको जहाज को आपको एप्रोन तक ले जाना है, हैंगर्स तक ले जाना है, हैंगर्स जगह होती है जहाँ पर जहाज खड़े रहते हैं, वहाँ पर ही भाई जहाज़ों की जो मरम्मत है वो सब की जाती है। अगर पार्किंग करनी है, जहाँ पार्किंग होती है जहाज़ों की, वहाँ तक ले जाना है जहाज को, तो इन सब के लिए जो रास्ता चाहिए वो टैक्सी वे होता है, ठीक है? समझ आ रहा भाई? टैक्सी वे कहलाता है। टैक्सी मार्ग पर वायुयान भाई मंद गति से चलते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। हवाई अड्डे पर वायुयान के उतरने के बाद इसको टैक्सी मार्ग के द्वारा एप्रन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर भाई एप्रन पर ही क्या होता है, यात्रियों और सामान को वायुयान से उतारा जाता है। उसके पश्चात फिर खाली वायुयान जो होता है इसको साफ सफाई के लिए हैंगर तक ले जाया जाता है। तो हैंगर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वायुयान की सफाई की जाती है। इसके बाद जो आपका अगर बहुत बिजी हवाई अड्डा है, तो उस हवाई पट्टी से एक से ज़्यादा टैक्सी मार्ग भी निकाले जाते हैं, ठीक है? ताकि कम समय में ही आप ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ टैक्सी भी बेसिकली था क्या? टैक्सी भी था कि जो आपका जहाज होता है उसको आप एयरपोर्ट से, और कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों? एयरपोर्ट से तीन जगह आपको ले जाना है। अगर आपको एयरपोर्ट से एप्रोन में ले जाना है, एप्रोन क्या होता है? एप्रोन भाई वो जगह होती है जहाँ पर यात्रियों को और सामान को वायुयान से उतारा जाता है। अगर आप एप्रोन तक ले जा रहे हैं तो भी टैक्सी वे का यूज करेंगे। हैंगर तक ले जा रहे हैं, हैंगर पे क्या होता है?
जो खाली वायुयान होता है उसकी सफाई की जाती है या मरम्मत की जाती है तो वो हैंगर पे की जाती है, हैंगरों तक भेजा जाता है। हैंगर कपड़ा सुखाने वाला नहीं, जगह है, एक स्थान है, ठीक है। इसके बाद समझ के भाई सब लोग, और बाकी पार्किंग स्थल तक भी अगर आपको ले जाना है वायुयान को, तब भी आप टैक्सी वे का ही यूज करते हैं। टैक्सी वे समझ आ गया, तो रनवे समझ गए, टैक्सी वे समझ गए। अब एप्रोन, एप्रोन तो अभी आपको बताया था, एप्रोन क्या होता है भाई? ये एप्रोन प्रत्येक हवाई अड्डी पर टर्मिनल भवन के आगे, टर्मिनल भवन जानते हैं, टर्मिनल भवन जहां पर टिकट वगैरह मिलेगी आपको, इसके अंदर यही तो है भाई, जिसमें आपको ये आपका टर्मिनल भवन है जहां पर आपको टिकट वगैरह ये सब कुछ मिलेगी इसके एयरपोर्ट पर। इसके बाद भाई इसके इस टर्मिनल भवन के पीछे की साइड भी आगे की साइड भी दोनों तरफ जिस जगह पार्किंग होती है ना, जहां पर यात्रियों को चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है जहाज में से, ठीक है, सामान को उतारा चढ़ाया जाता है, तो ये वाली जगह जो है इसको ही एप्रोन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एप्रोन। तो प्रत्येक हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के आगे पर्याप्त क्षेत्र रखा जाता है जहां पर विमान खड़े होते हैं और यात्री भाई यात्रियों या सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है, इसको बच्चों एप्रोन कहते हैं। इंपोर्टेंट है एप्रोन, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एप्रोन यहाँ पर विमान का ईंधन भी भरा जाता है, अगर ईंधन भरना तो वो भी एप्रोन पे ही भरा जाता है। विमान का निरीक्षण और मरम्मत भी कुछ हद तक हम यहीं पे कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा अगर खराबी है जहाज में तो फिर वो खराबी तो फिर आपकी हैंगर्स पे जाके सही होगी, ठीक है। समझ आ रहा भाई? टर्मिनल भवन के आगे पर्याप्त जगह छोड़ते हैं जहाँ पे विमान खड़े किए जाते हैं, यात्री और सामान को उतारने और चढ़ाया जाता है, एप्रोन पे ही किया जाता है ये सारा काम। ईंधन भरते हैं तो वो भी एप्रोन पे ही भरते हैं, और जहाज को चलाने से पहले चेक कर लेते हैं ईंधन पूरा है नहीं है, कोई कैसी भी दिक्कत तो नहीं है, छोटी मोटी मरम्मत का काम भी यहीं पे कर लिया जाता है, ठीक है। इसका जो आकार है भाई वो विमान के साइज मतलब विमान के नाप पर, विमान कितने हैं इसके अलावा यात्रियों और सामान की संख्या पर भी डिपेंड करती है। तो एप्रोन सबको समझ आ गया बच्चों, एप्रोन क्या होता है, क्लियर ना? डायग्राम को माइंड में सेट कर लें, आपको याद आ जाएगा। टर्मिनल भवन के आगे पीछे या सिर्फ आगे लिख देना कि पर्याप्त जगह छोड़ी जाती है जहां पर वायुयान खड़े होते हैं, उन्हें एप्रोन कहते हैं। एप्रोन पर यात्रियों और सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है जहाज में, ठीक है। इसके अलावा ईंधन भी यहीं पर भरा जाता है, छोटी मोटी मरम्मत भी यहीं पर कर ली जाती है, ठीक। इसके बाद लास्ट है आपका हैंगर। हैंगर है भाई चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था। हैंगर्स क्या होते हैं, आपके अभी क्या बताया आपको, अगर वायुयान की सफाई करनी है, यात्री वगैरह उतर गए सफाई के लिए ले जा रहे हैं, कोई मरम्मत करनी है, कोई टूट फूट खराबी है इसमें, उसके लिए हैंगर्स ले आते हैं। हैंगर एक जगह होती है, एक एरिया होता है, ये रहा हैंगर, देख रहे हैं भाई, ये जो जगह है जिसके ऊपर पूरा ट्रस की स्ट्रक्चर लगी हुई है, ऊपर एक फैक्ट्री टाइप से जो आपको दिख रही है, ये जो कवर्ड एरिया होता है बेसिकली, कवर्ड एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर मरम्मत करते हैं जहाज़ों की, तो बरसात का पानी वगैरह अंदर नहीं जा सकता इसमें, ठीक है। ये पूरा कवर्ड एरिया होता है, यहाँ पर जहाज खड़े हैं मरम्मत के लिए या फिर सफाई के लिए, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये हैंगर होते हैं। हैंगर याद रहेगा सबको, हवाई अड्डों पर खराब हुए वायुयान को सुरक्षित खड़ा करने और इनकी आवश्यक मरम्मत कार्य करने के लिए टर्मिनल क्षेत्र में कुछ कवर्ड एरिया बनाए जाते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं हैंगर। तो ध्यान रखिएगा, हैंगर कवर्ड एरिया होते हैं जहां पर वायुयानों को सुरक्षित खड़ा करके इनकी भाई मरम्मत की जाती है, सफाई भी की जाती है इनकी, ठीक है भाई। विमानों की साफ सफाई धुलाई ये भी हैंगर के अंदर ही की जाती है। हैंगर का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसकी जो छत होती है बच्चों वो स्टील ट्रस की बनाई जाती है, स्टील ट्रस की बनाई जाती है। जैसे फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी होती हैं उनमें ट्रस स्टील ट्रस होती है, मतलब जो छत होती है स्टील ट्रस की होती है, ऐसे इनकी भी छत जो है स्टील ट्रस की बनाई जाती है। यहाँ पर विमानों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामान के लिए भी भंडार की व्यवस्था होती है भाई, इनको मरम्मत करना है तो मरम्मत के लिए जो सामान चाहिए, जो उपकरण चाहिए, उनका भी भंडारण की व्यवस्था इसी में होती है। ये आपके हैंगर हो गए बच्चों, चारों पॉइंट समझ आ गए। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, पहला मैंने आपको बताया था रनवे क्या होता है, तो रनवे होता है जहाज को उड़ान भरने से या फिर उतारने के लिए जो एक नैरो पट्टी बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, वो आपका रनवे होता है जिस पे आपका जहाज रन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था रनवे के बाद टैक्सी वे, टैक्सी वे क्या होता है, तो जहाज आपका जब एयरपोर्ट पे आ गया उसके बाद उसको हवाई अड्डे से
अगर आप एप्रोन तक ले जा रहे हैं, एप्रोन मतलब जहां पर सवारियों को उतारा जाता था या सामान को उतारा चढ़ाया जाता है वहां तक ले जा रहे हैं, या हैंगर तक ले जा रहे हैं मरम्मत और सफाई के लिए, या पार्किंग स्थल तक ले जा रहे हैं तो उनमें टैक्सी वे यूज हो रहा था, फिर एप्रोन समझाया था। एप्रोन क्या होता है? एप्रोन टर्मिनल के आगे कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिस जगह पर वायुयान खड़े होते हैं, जहाँ पर यात्रियों और सामानों को चढ़ाया उतारा जाता है वो एप्रोन कहलाता है। फिर मैंने हैंगर बताया, हैंगर क्या होता है? हैंगर एक कवर्ड एरिया होता है जहाँ पर वायुयान की सफाई की जाती है या फिर इनका मरम्मत वगैरह की जाती है, ये सब काम हैंगर्स पे किए जाते हैं। ठीक है, हैंगर्स का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसकी जो छत होती है वो स्टील ट्रस की बनाई जाती है। ये सबको याद हो गया होगा, बहुत आसान था। आगे बढ़े बच्चों, प्लीज़ आप सभी बच्चे लाइक कर दें, जितने बच्चे भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी संख्या में आए। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट होगा कम्युनिकेशन के बाद, कम्युनिकेशन तो मैडम ने पढ़ा दिया, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आपका मैं बिल्कुल यूट्यूब पर ही कराऊंगा, बस इसी तरह से आपको मेहनत से पढ़ना है, फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दे के सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं सारी क्लास यूट्यूब पर ही आपको दे दूंगा, चाहे वो इरीगेशन हो, चाहे वो आपका RCC हो, ऑलरेडी 12 घंटे का RCC हो गया है फिर भी डिजाइन स्टेप और समझा देंगे आपको। ठीक है, चाहे आपका सर्वे फर्स्ट हो, सब मैं यूट्यूब पर करा दूंगा, लेकिन ऐसे ही प्यार से बस पढ़ते चलना है, कमेंट पे ध्यान ना देते हुए चीज़ें तैयार होंगी आसानी से आपको। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया भाई, लाइक कर देंगे सब बच्चे। अब इसमें बात आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई इसकी स्टडी की, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी की आवश्यकता क्या है, लास्ट पॉइंट। तो पहली आवश्यकता है सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर हमें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की जानकारी रहेगी तो हम सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, हमें जानकारी रहेगी एयरपोर्ट के बारे में, एरोप्लेन के बारे में। तो विमान पत्तन यानी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अध्ययन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि हवाई यातायात की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाता है, जहाँ तक कि यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की विभिन्न प्रोटोकॉल और नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं इसके अध्ययन से। और क्या कर सकते हैं भाई, हम एयरपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी हमने की है, इसका मतलब हम इसको एयरपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो भाई इंजीनियरिंग अध्ययन के यानी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अध्ययन के माध्यम से ये पता चलता है कि जो कैसे एयरपोर्ट सुविधाएं विकसित की जाएं ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। इसमें उच्चतम टेक्नोलॉजी, मानकों, भूमि के उपयुक्त चयन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और सुरक्षा के नियम का पालन भी शामिल होता है। तो हम एयरपोर्ट को डेवलप भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी भाषा में ऐसे लिखेंगे, आपसे कह दिया आप बताओ कि आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, कहेंगे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की अध्ययन के द्वारा हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में यात्रियों की और सामान की सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक है, फिर आप क्या बताएंगे, फिर कहेंगे एयरपोर्ट डेवलपमेंट। भाई हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अध्ययन के माध्यम से हम एयरपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, हम जो सुविधाएं हैं, आरामदायक यात्रा है, इन सबको प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, इसके बाद मीटिंग द नीड्स टू पैसेंजर्स। ठीक है, यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, भाई यात्री की मतलब यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की जानकारी हमें मिल जाएगी इसके अध्ययन करने से, एयरपोर्ट के अध्ययन से। इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है बच्चों, कि आप एयरपोर्ट को भी संरक्षित कर सकते हैं, अगर इसको सॉरी इन्वायरमेंट को भी संरक्षित कर सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी करेंगे, तो उसके माध्यम से आप पर्यावरण संरक्षण के नियम भी पढ़ लेंगे तो उनका पालन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एयरपोर्ट लोकेशन प्लानिंग। भाई एयरपोर्ट के लोकेशन की प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अध्ययन से। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब है यहाँ पर भारत में विमान परिवहन परिदृश्य, यानी आप सिनेरियो बताएंगे, आप एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिनेरियो इंडिया में क्या है, इंडिया में सिनेरियो क्या है। भाई भारत में हवाई परिवहन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, हवाई यात्रा एक उच्च गति वाला सुरक्षित और तेजी से विकास कर रहा माध्यम है जिससे लोग विभिन्न शहरों और देशों के बीच यात्रा कर सकते हैं। भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई उड़ानों के लिए भाई एयरपोर्ट स्थापित किए गए हैं। सिनेरियो मतलब ये है कि आपको ये बताना है परिदृश्य, यानी क्या दृष्टिकोण है अपने इंडिया के अंदर एयरपोर्ट का। तो हम पहले तो ये बताएंगे कि भारत में जो एयरपोर्ट है इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, हवाई यात्रा जो बहुत उच्च गति वाली सुरक्षित और तेजी से विकास कर रहा माध्यम है। ठीक है, यहाँ से लोग
विभिन्न शहरों में और देशों के बीच में यात्रा कर सकते हैं। भारत में इंटरनेशनल और घरेलू हवाई अड्डों के लिए सॉरी हवाई उड़ानों के लिए एयरपोर्ट स्थापित किए गए हैं। एयरपोर्ट भारत में विभिन्न शहरों और राज्यों में स्थित हैं। कुछ बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, विमान यात्रा का मुख्य केंद्र है भाई। ये सब जगह कौन सी है जहाँ पर एयरपोर्ट जो है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एयरपोर्ट है, कोलकाता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है पहले से। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है बच्चों। ये कौन से एयरपोर्ट है? ये अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली वाला भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलकाता में है। यहाँ से विदेश में यात्रा कर सकते हैं आप, ठीक है, जिनमें यात्री विभिन्न विदेशी देशों के लिए उड़ान भर सकते हैं। इंडिया में कई हवाई यात्रा कंपनियां हैं, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, जो कि विभिन्न शहरों के बीच में नियमित उड़ान सेवाएं प्रदान करती हैं। ये कंपनियां सस्ते विमान यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं और विभिन्न यात्रा उद्देश्यों के लिए यात्री को विकल्प प्रदान करती हैं, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है भाई अपने इंडिया के अंदर, तो बहुत महत्वपूर्ण है एयरपोर्ट, ठीक है। इंडिया में अगर आपको कम टाइम में आपको विभिन्न राज्यों में या विदेश में यात्रा करनी है तो हम एयरपोर्ट का यूज करेंगे। अपने इंडिया के अंदर कई सारे इंटरनेशनल और घरेलू एयरपोर्ट भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर एक देश से मतलब अपने इंडिया से आप किसी भी देश में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंडिया में कई कंपनियां भी हैं जो आपकी हवाई यात्रा कराती हैं, जैसे एयर इंडिया आपने नाम सुना होगा, इंडिगो का नाम भी आपने सुना होगा। ये भाई सिनेरियो हो गया इंडिया के अंदर। तो आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी बच्चों खत्म हो गया, खत्म, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। यानी कि अब आपने पूरा का पूरा हाईवे इंजीनियरिंग विद एयरपोर्ट कवर कर लिया बहुत अच्छे वे में। नहीं, एयरपोर्ट प्लानिंग नहीं आएगा बच्चों, साइट सिलेक्शन आएगा, ठीक है। आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, मैंने एयरपोर्ट का जितना सिलेबस था, ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी किताब की बात नहीं कर रहा बच्चों, जो सिलेबस ऑफिशियल है, रनवे दिया था, रनवे का ओनली इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया क्या होता है, टैक्सी वे दिया था हमने समझ लिया, एप्रॉन हमने समझ लिया, हैंगर हमने समझ लिया। इसके बाद हमने यानी इसका सिनेरियो क्या है, एविएशन मतलब होता है, एविएशन से मतलब ट्रांसपोर्ट, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिनेरियो इंडिया के अंदर क्या है, हमने ये भी समझ लिया भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, हमने ये भी पढ़ लिया ये, ठीक। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि इसकी स्टडी क्यों आवश्यक है, हमने फैक्टर पढ़ लिए साइट सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं, पूरा एयरपोर्ट हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, क्लियर। अब आपका भाई पूरी तैयारी हो चुकी है बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंट रहिए, सब बच्चे कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छे से पेपर में लिख के आएंगे चीज़ें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जो सुनकर ही आपको याद हो गए, एग्जाम में जस्ट अगर कोई टॉपिक भूल रहे हैं आईज क्लोज कीजिएगा, आप कोशिश करिएगा टॉपिक से डेफिनेशन को निकालने की, इस टॉपिक में सर ने क्या बताया था, थोड़ा सोचेंगे याद आ जाएगा। फिर भी स्किप कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सारे क्वेश्चन लिखेंगे, जैसा कि सभी टीचर्स बताते हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहे हों, पहले उन्हें अटेम्प्ट करना, जो कम आते हैं उन्हें बाद में करना, जो बिल्कुल ना आते हो उन्हें सबसे लास्ट में करना, कुछ ना कुछ लिखना जरूर उनमें भी, लेकिन पहले उन्हें करना जो सबसे अच्छे से आपको तैयार हो, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट है, और राइटिंग का इतना भी ध्यान नहीं रखना कि पहले क्वेश्चन में एक घंटा निकाल दें बाकी सारे क्वेश्चन बचे रह जाएं। अपना घड़ी साथ में लेके जाया करें, स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वाली वॉच लेके जाएं, ताकि आप टाइम को चेक करते रहें बीच बीच में, ठीक है। इस तरह से अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा तो अच्छा जाएगा आप सबका पेपर, और मेरी तरफ से आपके पहले पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, ठीक है। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, बाकी लौट के आइएगा तो अपने कम्युनिकेशन की तैयारी करिएगा, और अगले सब्जेक्ट जो भी आपका होगा मैं चेक कर लूँगा डेट शीट में, उसकी तैयारी मैं आपको करा दूंगा रिवीजन के फॉर्म में, पीडीएफ में अभी डाल दे रहा हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक पढ़ाई करना, उसके बाद कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, 1 बजे से 2 बजे के बीच में माइंड को कूल करना है, ताकि कैसा भी स्ट्रेस क्रिएट ना हो, सोचना ज़्यादा नहीं है, किसी और की तैयारी को देख करके अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है। कुछ लड़के होते हैं अपनी तैयारी को इतना ज़्यादा शो ऑफ कर देते हैं कि सामने वाले को ये लगे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को इक्वलिटी लेके चलनी है, यूनिटी में रहना है आप सबको, एक दूसरे का बुरा नहीं सोचना, ठीक है, सबको सबकी मदद करनी है, तो किसी को डिप्रेस नहीं करना है, किसी की तैयारी नहीं है तो उसको मोटिवेट करें, कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा है पास हो जाओगे आराम से, कोई इशू नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ लिखेंगे आसानी से पास हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, खासकर टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखेंगे, थ्योरी के सब्जेक्ट में टाइम कम पड़ जाता है
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक सब्जेक्ट एक एक क्वेश्चन दो पेज पे लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन के लिए चार चार लाइन भी नहीं लिख पा रहे, टाइम कम पड़ गया। इक्वल टाइम दे सभी क्वेश्चन के लिए, 5 नंबर के क्वेश्चन को 15 मिनट देंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तो लौट के आइएगा, बताइएगा जरूर आप सबका पेपर कैसा रहा। जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया, लाइक करके जाएंगे सभी बच्चे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पीडीएफ बच्चों ऐप पर, जीटेक पॉली के ऐप पर स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जीवन बैच बना हुआ है, वहां डाल दे रहा हूं मैं इसे, ठीक है। चलिए बाय बाय।